नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है अनएकेडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अनएकेडमी अभियान पर जहां पर हमने एम 2020 सी की तैयारी का एक अभियान छेड़ करके रखा है अपनी ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयों को हम यहां पर कवर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को हम यहाँ पर कवर कर सकें इसी क्रम में हमने एम पी की यूनिट दो को पढ़ना शुरू किया था जिसमें भारतीय इतिहास का टॉपिक दिया गया था प्राचीन भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम ऑलरेडी पिछली क्लासों में कवर कर सकते हैं दोस्तों आज की क्लास में हमें अठारह से लेकर के उन्नीस तक के कांग्रेस के इतिहास का अध्ययन करना है कि किस प्रकार से कांग्रेस आगे बढ़ी और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं इस समय काल में हुई हैं तो आज हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे पिछली क्लास में हमने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ लिया था इंडियन रेवल्यूशनरी मूवमेंट को हमने कवर कर लिया था आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अभियान या फिर टेलीग्राम पर जाकर के ऐट द रेट शुभम गुप्ता पी भी आप सर्च कर सकते हैं तो अन अकेडमी अभियान नाम के इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए जहाँ आपको हमारी क्लास का लिंक क्लास की पी सारी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत सारी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है इसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं दोस्तों मैं एमपीपीएससी और व्यापम के लिए अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाता हूं इथिक्स पे हिंदी पॉलिटी वर्ल्ड जोग्राफी जियोलॉजी वाटर मैनेजमेंट ये टॉपिक ऑलरेडी मेरे द्वारा ख़त्म करवा दिए गए हैं 2021 से इंडियन जोग्राफी ऐसे राइटिंग इंडियन इकोनमी केस स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी इन्वायरमेंट और एमपी के टॉपिक मेरे द्वारा ख़त्म किए जाएंगे वहीं दो में साइंस साइंस एंड टेक हिस्ट्री एथिक्स और जनरल हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा दोस्तों ये सारी की सारी क्लासेस बाईलिंगल हैं जेन्यून इंग्लिश वहां पर देखने के लिए मिलेगी ना कि ट्रांसलेटेड इंग्लिश दूसरी बात सभी क्लासेस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर बनाए गए हैं एक पूरे के पूरे फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है जो फॉर्मेट मुख्य परीक्षा में अपनाया जाता है तो अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो प्लीज अन की ऐप को डाउनलोड करें एम एंड व्यापम के गोल को सिलेक्ट करें एम पी और व्यापम का गोल सेलेक्ट करने के बाद दो साल का सब्सक्रिप्शन बारह हजार आठ सौ रुपए में है लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा रेफरल कोड एस लाइव इस्तेमाल करते हैं तो आपको दस प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा टेन परसेंट का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा और इसके बाद ये जो कोर्स है दो बारह महीने महीने का या दो साल का ये ग्यारह हजार बीस में मिलेगा याद रखें अगर आप 2021 या 22 की तैयारी कर रहे हैं आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जो मेरी पुरानी क्लासेस हैं उनको आप देखिए 16 तारीख से 16 अप्रैल से हमारी नई क्लासेस शुरू होंगी जो 2020 के मुख्य परीक्षा के आधार पर होंगी दोस्तों तो उन क्लासेस को फिर आप वहां से कंटिन्यू कर लेंगे तब तक आप पुरानी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल अभियान पर जाइए वहाँ हमने एक मैसेज पिन किया हुआ है उस मैसेज पर क्लिक कीजिए दोस्तों वहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं ठीक है और कोई जानकारी वहाँ आपको नंबर पर दे दी जाएगी तो प्लीज़ मेरा कोड याद रखें एस जी लाइव इसका उपयोग आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और साथ ही साथ अन अकेडमी की स्पेशल क्लास देखने के लिए कर सकते हैं चलिए दोस्तों तो क्लास को शुरू करते हैं तो पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक टॉपिक को खत्म कर लिया था जिसका नाम था भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन आज हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात अठारह से इतिहास को शुरू करना है और एक एक करके हमें उन्नीस तक पहुंचना है इसके बीच में अठारह में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उन्नीस में भारत को आज़ादी मिल जाएगी हमारे प्यारे देश इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं होंगी तो एक एक करके सन के अनुसार ईयर के हिसाब से हमें इन घटनाओं का अध्ययन करना है अठारह में कांग्रेस की स्थापना होगी 1905 में बंगाल विभाजन होगा 1907 में सूरत अधिवेशन होगा कांग्रेस का विभाजन होगा 1911 में दिल्ली दरबार 1912 में दिल्ली षड्यंत्र 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा इस प्रकार से ये पूरी कहानी बढ़ते बढ़ते 1947 तक जाएगी 1947 तक जाएगी देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स पर फोकस करूंगा क्योंकि हमें ये कोर्स एम पी के लिए पूरा करना है और ये आधुनिक भारतीय इतिहास का आखिरी वीडियो है इसके बाद दोस्तों हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और नए टॉपिक का नाम है आयोग कमीशन जो कि यूनिट टेन आपके सिलेबस का है तो सबसे पहली जो घटना हमें डिस्कस करनी है वो डिस्कस करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो अठारह में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में इंडिया के पूरे के पूरे नेशनल मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि भारत के बड़े नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है दूसरी बात दोस्तों जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ते हैं तो इसे दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम इसका परिचय डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण कैसे हुआ इसका नाम किसने दिया इसके पहले अधिवेशन में क्या हुआ इन सारी बातों को समझेंगे और जो इसका दूसरा हिस्सा रहेगा उसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों मेजर सेशंस की बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जिनमें से लगभग 25 अधिवेशन हमें डिस्कस करने हैं कि किस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था और उसमें कौन सी घटना हुई तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वह अधिवेशन कहां पर हुआ था सूरत में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे उन्नीस में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और यह अधिवेशन लखनऊ वाले इलाके में हुआ। आंदोलन को किस अधिवेशन में पारित किया गया तो 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया तो इस तरह से दोस्तों कांग्रेस को दो भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका सामान्य परिचय और फिर इसके प्रमुख अधिवेशनों की हम बात करेंगे चलिए धैर्य बनाए रखिएगा पूरी सीरीज में आपने धैर्य बनाए रखा है तो अब भी आपको धैर्य बनाए रखना है बहुत मेहनत करनी है दोस्तों और एग्जाम की पूरी तैयारी हमें करनी है सिलेक्शन है नहीं है उन सब पे नहीं हमें बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है बाकी चीजें दोस्तों सब आप छोड़ दो लक के ऊपर मेहनत करो बाकी आगे देखेंगे तो देखिए जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह और यह उत्तर अमेरिका से लिया गया है ठीक है इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश आईसीएस अफसर तथा पक्षी विज्ञानी एलिन ऑक्टिवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे जिन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया कहा था सिर्फ दो बातें याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई अठारह में हुई स्पेसिफिकली बात करें तो 28 दिसंबर अठारह 28 दिसंबर 1885 किसके द्वारा की गई एलिन ऑक्टिवियन ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर थे इस समय भारत का वायसराय कौन था लॉर्ड डफरिन था और लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है अब दोस्तों जब एक समूह बना लिया गया है तो इसकी मीटिंग भी होगी तो कांग्रेस के लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम हर साल दिसंबर में मिला करेंगे और कांग्रेस की एक मीटिंग किया करेंगे कांग्रेस की इसी मीटिंग को अधिवेशन का नाम दे दिया गया सेशन का नाम दे दिया गया तो बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन की तो देखिए दोस्तों अठारह में कांग्रेस की स्थापना की जाती है और यह डिसाइड किया जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाएगा लेकिन दोस्तों इसी समय पुणे में प्लेग की बीमारी फैल जाती है और इतना ज्यादा प्लेग फैल जाता है कि वहां पर कांग्रेस के अधिवेशन को कैंसिल कर दिया जाता है और पुणे से कहाँ पर शिफ्ट किया जाता है बंबई में कांग्रेस अधिवेशन को शिफ्ट किया जाता है और बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कब होता है साहब तो 28 दिसंबर पचासी को होता है तो प्रश्न बनाते जाना दिमाग में कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ 28 दिसंबर 1885 कहां हुआ बंबई में बंबई में भी कहां पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में तीसरा प्रश्न पूछेगा कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया जाना था वेयर इट वॉज सपोज टू ऑर्गेनाइज सेशन ऑफ कांग्रेस तो आंसर होगा पुणे लेकिन वहां पर प्लेग की बीमारी फैल गई तो उसको कैंसिल कर दिया गया तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस के पहले अधिवेशन को आयोजन किया गया अगला सवाल यह आता है कि अगर आप एक मीटिंग बुला रहे हो तो उसमें अध्यक्ष भी होंगे और उसके सदस्य भी होंगे तो दोस्तों कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके महासचिव एलिन ऑक्टूबियन ह्यूम थे और बहत्तर सदस्यों ने इसमें भाग लिया था प्रमुख सदस्यों में दादा भाई नौरोजी काशीनाथ तेलंग फिरोज शाह मेहता सुब्रमण्यम अय्यर दिनशा वाचा तोल्ला सयानी वीर राघवाचार्यर आदि इसमें शामिल थे लेकिन भारत के उस समय के एक प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे क्योंकि वो इंडिया एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे और इंडिया एसोसिएशन को आगे बढ़ा रहे थे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया आगे बढ़े दोस्तों तो ये कुछ प्रमुख बातें अधिवेशन में तो सबसे बड़ा दोस्तों कांग्रेस का पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया और साथ ही साथ पहले अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया कि आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की जा रही है इसी समय दोस्तों इंडिया मिरर नाम का एक अखबार था जो कि कलकत्ता से प्र, प्र, प्रसारित होता था उसमें कांग्रेस को भारत की पहली राष्ट्रीय सभा कहा गया फर्स्ट नेशनल असेंबली ऑफ इंडिया कहा गया ठीक है तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना या परिचय से जुड़ी हुई सारी बातें हैं एक बार दोस्तों मैं रिवाइज करा रहा हूं मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा पहला प्रश्न इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो आंसर करेंगे सर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई किसके द्वारा तो एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर थे ए ओ ह्यूम ह्यूम तो ए के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई ए ओ ह्यूम को हरमेट ऑफ शिमला कहा जाता है और ए ओ ह्यूम की जो बायोग्राफी है दोस्तों वो विलियम के द्वारा लिखी गई थी तीसरा प्रश्न ये आएगा कि कांग्रेस का पुराना नाम क्या था मतलब सबसे पहला नाम क्या था तो इसका नाम था इंडियन नेशनल नेशनल यूनियन क्या नाम था इंडियन नेशनल यूनियन किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा तो दादा भाई दादा भाई भाई नौरोजी नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहा जाता है इनके सुझाव पर कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया चौथा प्रश्न आएगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित होना था पुणे में लेकिन पुणे में क्या आ गया दोस्तों प्लेग आ गया तो कहां पर आयोजित हुआ बॉम्बे वाले इलाके में इसको ऑर्गेनाइज किया गया पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया 72 और इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे डब्लू सी बनर्जी जिन्हें हम व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं बहत्तर सदस्यों में भारत के उस समय के लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता रहीम तुल्ला सयानी पर एक व्यक्ति जो इसमें शामिल नहीं था उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस समय भारत का वायसराय डफरिन था और डफरिन ने कहा था डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस इज़ दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती इसमें सिर्फ कुछ शहरी लोग हैं कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और कांग्रेस के जो इनिशियल सेशन हुए उसमें सत्तर बहत्तर सौ दो सौ तीन सौ इतने ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो डफरिन ने कहा कि ये तो एक छोटी सी मामूली सी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये बातें कांग्रेस के निर्माण से संबंधित हैं ये सारे तथ्य आपको याद रखना है अब अगला सवाल ये आता है कि जब एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो इसकी प्रतिक्रिया कैसी थी आखिरकार इसका रिएक्शन कैसा था तो कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया कि देखिए साहब अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की है क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था और नेशनल मूवमेंट को दबाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है तो वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि एलिन ऑक्टिवियन ह्यूम भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखते थे इसी कारण कांग्रेस का निर्माण किया गया तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही तो यहां से प्रश्न बन के आ जाता है कि किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा तो याद रखें दोस्तों लाला लाजपत राय और विलियम बैडरबर्न इसने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा दी सर सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है इन्होंने कहा कि देखिए भारत में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी सरकार के प्रति विद्रोह हो रहा था अंग्रेजी गवर्नमेंट के प्रति इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा था तो अगर वो एकदम से फट जाता तो इससे अंग्रेजी सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता तो कांग्रेस नाम की एक सीटी लगा दी गई ताकि अगर विद्रोह करना भी है तो कांग्रेस के मंच को आगे बढ़ा करके करेंगे और कांग्रेस को सरकार नियंत्रित कर सकती है तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के निर्माण के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था तो आंसर करेंगे लाला लाजपत राय और विलियम बैडरवर ने सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा कपाट का, का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दूसरा नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था कौन सा दिन थंडर थंडर ठीक है तड़ित चालक का सिद्धांत दिया तड़ित चालक का सिद्धांत यह कहता है कि देखिए साहब ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की कि अगर भारत चूंकि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था इंडिया में नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था तो हो सकता है ब्रिटेन की सरकार पूरे के पूरे आंदोलन को कुचल देती लेकिन चूंकि ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो इस संस्थान को ब्रिटेन की सरकार नहीं कुचलेगी और धीरे धीरे कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के निर्माण को डिफेंड कर रहे हैं तो यहाँ से एक और प्रश्न आएगा कांग्रेस की उत्पत्ति का तड़ित चालक सिद्धांत किसने पेश किया तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पेश किया गया अगला नाम है डफरिन तो डफरिन ने अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था करजन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है परजन ने ऐसा इसलिए कहा कि जब चार पांच का समय था तो इसी समय कांग्रेस में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई इनमें डिवीज़न की स्थिति उत्पन्न हो गई कैसे हो गया सर कांग्रेस का एक ग्रुप था जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज शाह मेहता ये शामिल थे इनका कहना था कि हम उदारवादी नीतियों को अपनाएंगे और हम ब्रिटिश शासन के प्रति किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे अगर हमें कोई बात रखनी है तो हम उनको पत्र लिख करके भेजेंगे और उनसे याचना और प्रार्थना करेंगे ऐसा करते करते कांग्रेस को 20 साल हो गए थे और कांग्रेस के मत्थे कुछ नहीं लगा था तो इसी समय कांग्रेस में लाल बाल पाल की एंट्री होती है और उनके साथ अरविंद घोष की एंट्री होती है लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष की एंट्री कांग्रेस में होती है इन्होंने कहा कि भैया इन सब से काम नहीं होगा अब हड़ताल करो अब जाकर के विदेशी सरकार का बहिष्कार करो ब्रिटेन की सरकार की आलोचना करो तो इनको कहा गया कि ये गर्म हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले इनको कहा गया कि भैया ये तो लिबरल हैं ये तो मॉडरेट हैं तो दोनों के बीच में खाई पैदा होने लगी थी और निश्चित तौर पर कांग्रेस का विभाजन पास में था तब लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है ठीक है अगला है अरविंद घोष तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस छह रोग से मरने ही वाली है यह भी उन्होंने तभी कहा था जब डिवीज़न हो रहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए तो यहाँ से दोस्तों ये सवाल निकल के आता है कि किसने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए महात्मा गांधी के द्वारा ये बात कही गई थी तो ये कांग्रेस के निर्माण के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं थी ये लोगों का रिएक्शन था जो उन्होंने कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ तब दिया आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करने वाले हैं घबराना नहीं है आपको कि सर इतने सारे अधिवेशन हैं कैसे याद रखेंगे क्या होगा फिर से कह रहा हूं घटनाओं पर आ, फोकस कीजिएगा ईयर पर फोकस मत कीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं कुछ यहां पर फिल्टर करके लेके आया हूं कुछ कुछ सेशन फिल्टर करके लेके आया हूं तो इन अधिवेशनों को अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में आपका बोलते ना कि एक पूरा एक खांचा बन जाएगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहां पर याद रखना है ठीक है तो अब हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे कुछ लोग कहेंगे सर अधिवेशन का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है एक प्रकार की एनुअल मीटिंग इसका मतलब क्या होता है एक प्रकार की वार्षिक बैठक होती है ठीक है ये एक प्रकार की वार्षिक बैठक होती है ये एक प्रकार की एनुअल मीटिंग होती है और इसी को अधिवेशन कहा जाता है तो कांग्रेस के 50 से ज्यादा अधिवेशन आजादी के पहले हुए थे पर हमें 20 से 25 अधिवेशनों को पढ़ना है प्रश्न में आपको बता ही चुका हूं कि, कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पूछ लेगा कि भैया जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो अधिवेशन कहां पर हुआ अध्यक्ष कौन था इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले हम कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करते हैं जो 1885 में बंबई में आयोजित किया गया इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इस अधिवेशन में बहत्तर लोगों ने भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया था उस समय के एक बड़े नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था तो हमने अभी पढ़ रहा है कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा आगे बढ़ते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अगले साल दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया यहां से प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि कोलकाता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया तो अठारह में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था सेकंड सेशन था वो कोलकाता में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष माने जाते हैं कांग्रेस के पारसी व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो दादा भाई नौरोजी हैं और दोस्तों पहले भी हमने पढ़ा है कि दादा भाई नौरोजी तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में 1893 के के लाहौर अधिवेशन अधिवेशन में में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं दादा भाई नौरोजी बने हैं प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में कब हुआ दूसरा 1886 अध्यक्ष कौन थे दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की कितने बार अध्यक्ष बने तीन बार अध्यक्ष बने 1886 कलकत्ता सेशन 1893 लाहौर सेशन और 1906 का कलकत्ता सेशन अगेन ठीक है चलिए तो पहला अधिवेशन हो गया दूसरा अधिवेशन हो गया बीच-बीच में रिवीजन करते जाएंगे तो याद रहेगा आपको फिर है दोस्तों कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो 1887 में मद्रास में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके अध्यक्ष बदुरुद्दीन तैयब जी बनते हैं तो यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कब अध्यक्ष बने तो भैया 1887 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ वहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी और इसी समय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया था तो यहाँ पे तीन अधिवेशन क्लियर होंगे पहला अधिवेशन अच्छा पहला दूसरा अधिवेशन शुरू बस पूछता है पांच छ का फिर नहीं पूछता फर्स्ट जो सेशन है कांग्रेस का बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष हो जाएंगे दूसरा सेशन कलकत्ता में 1886 में होगा दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होंगे और तीसरा सेशन जो है वो 1887 में मद्रास में आयोजित किया जाएगा और इसके बदरुद्दीन तैयब जी होंगे जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के आगे बढ़ते हैं चौथे अधिवेशन की बात करते हैं ये 1888 मतलब क्रम से चल रहा है दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत नीचे ऊपर नीचे हो रहा है क्रम से चल रहा है चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में तो इलाहाबाद में पहला अधिवेशन कब हो रहा है कांग्रेस का 1888 में इलाहाबाद में पहला अधिवेशन हुआ 1885 में बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में पहला अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में पहला अधिवेशन हुआ तो 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होगा और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की जाएगी अब जॉर्ज यूल आपको नहीं लग रहा कि ये अंग्रेजी नाम है यूरोपीय नाम है तो जॉर्ज यूल एक अंग्रेज थे और यह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बनेंगे कई बार लिखा रहता है कि ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनते हैं। इसी सम्मेलन में लाला लाजपत राय शामिल हुए थे और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार ने जितने भी लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे उनको स्ट्रिक्टली कहा था कि वह कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग नहीं लेंगे वह कांग्रेस के सेशन में भाग नहीं लेंगे अब यार यहां तक एक बार रिविजन करना बनता है क्योंकि महत्वपूर्ण बातें पहला प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे तो आंसर क्या होगा दादा भाई नौरोजी कब अध्यक्ष बने तो 1886 एट्टी सिक्स कलकत्ता सेशन दूसरा प्रश्न पूछेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी ये कब बने भैया तो 1887 में जो मद्रास अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी तीसरा प्रश्न पूछेगा कांग्रेस के पहले यूरोपीय या अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे तो आंसर करेंगे साहब जॉर्ज यूल कौन थे जॉर्ज यूल और ये 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने प्रश्न घुमा करके भी पूछ सकता है कलकत्ता में पहला अधिवेशन कब हुआ मद्रास में पहला अधिवेशन कब हुआ या इलाहाबाद में पहला अधिवेशन कब हुआ आगे बढ़ते हैं अब हम कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन की बात करते हैं जो 1889 में बंबई में हुआ था दोस्तों और इसकी अध्यक्षता विलियम बैडर वर्ण के द्वारा की गई थी विलियम बैडर वर्न से जुड़ी हुई दो बातें याद रखना पहली बात तो यह है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से जुड़ी हुई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को प्रेजेंट किया था लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के और दूसरा काम इन्होंने ये किया था कि कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम एओ ह्यूम की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी और बायोग्राफी का नाम बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी बस इतनी बातें याद रखना है तो विलियम बैडनवर्न ने ए ओ ह्यूम की बायोग्राफी एलिन ऑक्टिवियन ह्यूम की जीवनी को लिखा था ठीक है और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि लंदन में विलियम डिब्गी की अध्यक्षता में इंडिया कमेटी की स्थापना होती है जो इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर निकालेंगे तो अब कांग्रेस भारत से बाहर भी अपनी कमेटी को इस्टैब्लिश करना शुरू कर देगी और विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडिया कमेटी बनाई जाएगी लंदन वाले इलाके में ठीक है आगे बढ़ते हैं छठवें अधिवेशन की बात करते हैं ये कोलकाता में हुआ फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे और भारत की पहली महिला स्नातक कादंबिनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था सात बारवा अधिवेशन अब ऐसा नहीं कि क्रम से पूरे पढ़ना है यह 1886 में हुआ कोलकाता में तुल्ला सयानी और यहां पर पहली बार वंदे मातरम भागया गया जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था तो ये प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार बंदे मातरम गाया गया तो याद रखेंगे अठारह सो के कोलकाता अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया जिसके अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी थे कौन थे रहीम तुल्ला थे तो ये दोस्तों कांग्रेस के शुरुआत के सेशन है इनिशियल सेशन है जो कांग्रेस के प्रारंभिक पंद्रह वर्षों में हुए थे इनिशियल फिफ्टीन इयर्स में हुए थे अब हम उन्नीस के बाद चलेंगे और डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था और पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं और गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी हुई दो तीन बातें याद रख लो पहली बात तो यह याद रखो कि इन्होंने कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित तरित चालक सिद्धांत प्रस्तुत किया था दूसरी बात ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं राजनीतिक गुरु माने जाते हैं और तीसरा इन्होंने एक संस्था बनाई थी और संस्था का नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कई बार इसे सर्वे इंडिया सर्वेंट सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित तरित चालक सिद्धांत पेश किया था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी 1905 में ये कहा था कि हमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह स्वशासन की मांग करनी चाहिए सेल्फ रूल की मांग करनी चाहिए देखिए दोस्तों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी अंग्रेजों के उपनिवेश हुआ करते थे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे लेकिन अंग्रेजों ने यह कहा कि देखिए साहब कैनेडा और यू ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिया उनको डोमेनियन स्टेटस दिया डोमेनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आपके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि आप अपना प्रशासन कैसे चलाना चाहते हैं लेकिन जो सर्वोच्च होगा आपके राज्य का वो इंग्लैंड का ताज होगा वो इंग्लैंड का क्राउन होगा आज भी अगर आप देखें जो सबसे ऊपर होता है वो इंग्लैंड की महारानी है हालांकि उनका प्रभाव कुछ नहीं होता है नाम मात्र का प्रभाव है बाकी अपना प्रशासन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया खुद ही चलाते हैं दोस्तों तो लाला गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा कि हमें भी इसी प्रकार के स्वशासन की मांग करनी चाहिए इसी प्रकार के सेल्फ रूल की डिमांड हमें करनी चाहिए ठीक है तो गोपाल कृष्ण गोखले का अधिवेशन 1905 में होता है 1905 के बाद 1906 में कोलकाता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं पहले भी इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था वी औद्योगिकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रपोज किया था साथ ही साथ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी थी पहले भारतीय थे जिनका चुनाव ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए हुआ था लेबर पार्टी की टिकट से फिंस बैरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष बने अठारह कलकत्ता अठारह लाहौर और तीसरी और आखिरी बार 1906 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस में किया जाएगा स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था लेकिन कांग्रेस में स्वराज शब्द का पहला इस्तेमाल 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे दोस्तों ठीक है तो ये इनिशियल सेशन है कांग्रेस के बिल्कुल घबराना नहीं है कुछ बातें जो अभी याद होती जा रही है याद करते जाइए कुछ बातें धीरे धीरे आप पीडीएफ पढ़ेंगे क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो ही जाएंगी इसके बाद अगला है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहां बस इतना याद रख लो कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे देखो दोस्तों दो हैं एक है रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस ठीक है रास बिहारी बोस एक क्रांतिकारी थे कौन थे ये ये एक क्रांतिकारी थे सर कैसे याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस भी एक क्रांतिकारी थे तो उसी प्रकार रास बिहारी बोस भी एक क्रांतिकारी थे और दूसरे हैं रास बिहारी घोष और ये क्या है दोस्तों ये घोष जरूर है लेकिन ये खामोश है ठीक है और ये लिबरल में आते हैं ये किस में आते हैं ये उदारवादी में आते हैं कांग्रेस के उदारवादी या पंथी दल से ये आते थे तो 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे इन्हीं के समय कांग्रेस का पहला विभाजन होता है फर्स्ट डिवीज़न ऑफ कांग्रेस होता है और कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है एक तो नरम दल जो मुख्य कांग्रेस बनी रहती है जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले लीड करते हैं और दूसरा लाल बाल पाल और उनकी फिलासफी से संबंधित लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है लाला लाजपत राय 1916 में वापस कांग्रेस में जुड़ पाते हैं बाल गंगाधर तिलक भी बाद में कांग्रेस में जुड़ पाते हैं दोस्तों तो लाल बाल पाल को 1907 के सूरत अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है तो पूछा जाएगा कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस एक और प्रश्न आएगा कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ कांग्रेस डिवाइडेड इनटू टू दी मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट तो आंसर करेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद सीधा 1911 में आएंगे 1911 का अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ कोलकाता में 10 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के जबकि सात अधिवेशन मद्रास में और सात अधिवेशन बॉम्बे में हुए हैं तो पूछ लेगा कई बार कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुए हैं कोलकाता में हुए हैं दस बॉम्बे और मद्रास में सात सात अधिवेशन हुए हैं तो उन्नीस में कोलकाता अधिवेशन होगा पंडित बिशन नारायण धर और पहली बार इसमें जनगण मन अधिनायक जया है गाया जाएगा जो हमारे प्यारे भारत देश का राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद 1916 तो 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस दो भागों में टूट गई लेकिन 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे यहां दोस्तों कांग्रेस वापस से जुड़ जाएगी और वापस से कांग्रेस का इंटीग्रेशन होगा यह इंटीग्रेशन दो भागों में हो रहा है देखिए अब थोड़ी सी कहानी बैकग्राउंड स्टोरी को जरा समझ लीजिए हुआ ये कि 1906 में 1906 में ढाका में आगा खान और सलीम उल्ला खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली किसकी स्थापना कर ली मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली 1907 में क्या हुआ तो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में इसको मॉडरेटर कहा जाता है इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है फिर दोस्तों 1916 का समय आया कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय 1916 का जो अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे तो यहाँ कांग्रेस का इंटीग्रेशन होता है और दो प्रकार से इंटीग्रेशन हो रहा है सबसे पहले तो वापस से नरम दल और गरम दल के नेता साथ में आ गए मतलब कि मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ गए तो पहले तो कांग्रेस का इंटीग्रेशन हो गया कांग्रेस आपस में जुड़ गई और साथ ही साथ इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ और इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था बाल गंगाधर तिलक के समर्थक जो कि उस समय होमरूल आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे एक स्पेशल ट्रेन से महाराष्ट्र से लखनऊ पहुंचे थे तो उसे कहा गया कांग्रेस ट्रेन ठीक है और बड़े ही बड़ी मात्रा में लोग समर्थक आए थे बाल गंगाधर तिलक के और ग्रैंड एंट्री हुई थी री एंट्री हुई थी बाल गंगाधर तिलक की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तो एक प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः शामिल कब किया गया उन्नीस के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था ठीक तो ये महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर चलते हैं अगला जो है सेशन है दोस्तों ये 1917 का अधिवेशन है 1917 का अधिवेशन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह भी कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष

कांग्रेस में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया तो आप सोच करके देखिए कि 1889 से इंडियन नेशनल कांग्रेस में विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कब बनेंगी तो 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें एनी बेसेंट और ये भी भारतीय नहीं है ये भी एक विदेशी महिला हैं आयरलैंड की ये महिला हैं तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी दोस्तों एनी बेसेंट बनेंगी आगे अभी कंफ्यूजन भी होगा आपको पर वो आगे क्लियर करेंगे इतना बस याद रखो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड से आई थी पहले ये थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी बाद में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट को शुरू किया था जो दक्षिण भारत और पूरे भारत में फैल गया था आडियार मद्रास में इनकी मृत्यु हो गई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था विल और न्यू इंडिया नाम के अखबार भी इनके द्वारा चलाए जाते थे ठीक है तो एनी बेसेंट पहली विदेशी महिला हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही हैं 1917 के कोलकाता अधिवेशन में आगे बढ़े दोस्तों फिर हम बात करेंगे कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की जो कि 1919 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी जो कि जवाहरलाल नेहरू के था थे इसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया कांग्रेस के द्वारा और जलियावाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई देखो कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में हुआ करता था जलियावाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भारत में रॉलेट एक्ट आया रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में हो रहा था तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियावाला जो कि अमृतसर में एक जगह है एक सभा का आयोजन किया जा रहा था डायर नाम के एक जनरल ने निहत्थी जनता पर गोलियां चला दी बहुत से मासूमों की जान इसमें गई हाल ही में डेविड कैमरून ने इसके लिए माफी भी मांगी थी दोस्तों ठीक है तो जलियावाला बाग हत्याकांड की निंदा 33वें अधिवेशन 1919 के अमृतसर अधिवेशन में की जाती है इसके बाद दोस्तों 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है और अब ये वो समय है जब महात्मा गांधी भारत में आंदोलन शुरू करना चाहते हैं 1914 में, 1914 में महात्मा गांधी भार... 1915 के आसपास, 14 -15 के आसपास महात्मा गांधी भारत आ चुके हैं और भारत आने के बाद अब ये एक्टिव हो चुके हैं चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और तीनों ही आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा लीड किए गए तीनों ही आंदोलन सफल हुए थे तो अब गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्टेचर भारत में बन चुका है और उनका एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट यहां पर आ चुका है महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहे थे और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे पहला नेशनल मूवमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम असहयोग आंदोलन रखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा रह गया इंटरेस्टिंग बात यह है कि महात्मा गांधी के तीन बड़े आंदोलन भारत में हैं असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट तीनों में एक से क्रियाकलाप किए जाएंगे और तीनों की जो मेन फिलॉसफी है वो सत्याग्रह तीनों सत्याग्रह पर आधारित हैं तो गांधी जी हमेशा एक बात कहते थे कि वो आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं वो आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं वो मूवमेंट को पोस्टपोन कर रहे हैं पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी की घटना के बाद पोस्टपोन किया और रिज्यूम किया सिविल डिस मूवमेंट के द्वारा 12 मार्च 1930 में डांडी मार्च शुरू करके फिर उन्होंने इसको रिज्यूम किया व्यक्तिगत सत्याग्रह करके ठीक है और फिर उन्होंने रिज्यूम किया क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा हालांकि उसी समय गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो जाती है तो पहली बार 1920 का नागपुर अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता वीर राघवचार्य करेंगे इसमें दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया हालांकि यह पारित नहीं हो पाया फिर 1920 में ही कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया विशेष अधिवेशन बुलाया गया क्योंकि नॉर्मल जो अधिवेशन हुआ था उसमें बात नहीं बन पाई थी तो 1920 में ही एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे इंटरेस्टिंग प्रश्न आता है कि लाल बाल पाल में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था तो बाल गंगाधर तिलक भी अध्यक्ष नहीं बने अरविंद घोष भी अध्यक्ष नहीं बने विपिन चंद्र पाल भी अध्यक्ष नहीं बने लेकिन 1920 के कांग्रेस के स्पेशल सेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे और यहां पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर दिया जाता है फिर दोस्तों 1923 में दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक और विशेष अधिवेशन होगा और मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय लगभग 35 साल के थे तो ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं तो एक और प्रश्न बन जाएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद 1935 वर्ष की आयु में 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे 1923 में हुआ क्या था यह भी समझ लो तो दोस्तों 1923 का जो टाइम पीरियड है इसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना भारत में हुई थी स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था किसने किया था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था विठल भाई पटेल प्रमुख नेता थे स्वराज पार्टी के तो कांग्रेस से अलग होकर के चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण किया था पर 1923 में कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और कहा गया कि स्वराज पार्टी जो कांग्रेस के लोग हैं वो स्वराज पार्टी का हिस्सा भी बन सकते हैं ठीक है तो ये भी आप याद रखेंगे कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इज मौलाना अबुल कलाम आजाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद 1924 का बेलगांव अधिवेशन है बेलगांव कर्नाटक में आता है और पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो जाते हैं 1916 में लखनऊ पैक्ट के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे और 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी इसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है आगे बढ़े दोस्तों इसके बाद 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का आयोजन किया जाता है जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू बनती हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू अब ये एक भारतीय महिला है ये एक इंडियन लेडी है तो पहली बार एक भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही हैं। यहीं से कुछ प्रश्न निकल करके आते हैं पहला प्रश्न तो ये निकल के आएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी हू वॉज फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस तो आंसर करेंगे एनी बेसेंट जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी तब आंसर करेंगे श्रीमती सरोजनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में आगे बढ़ते हैं 1926 का अधिवेशन ये गुवाहाटी में होगा श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता करेंगे और कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया जाएगा 1927 का अधिवेशन मद्रास में होगा डॉक्टर ए एम अंसारी इसकी अध्यक्षता करेंगे और साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय यहां पर लिया जाएगा 1928 वो समय आने वाला है जब साइमन कमीशन भारत आने वाला है साइमन कमीशन का निर्माण लंदन में शुरू हो जाता है तो यहीं पर यह फैसला ले लिया जाता है कि जब साइमन कमीशन भारत आएगा तो हम उसका विद्रोह करेंगे हम उसको बॉयकॉट करेंगे फिर दोस्तों उन्नीस बहुत महत्वपूर्ण सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था 45 ये कांग्रेस का अधिवेशन था एक मिनट रुकिए बस हेलो तो दोस्तों जो 45वां अधिवेशन है कांग्रेस का जो उन्नीस में हुआ था यह सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से एक है कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी सर ये अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि 45वें अधिवेशन उन्नीस लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं करनी चाहिए अर्थात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्टेटस की डिमांड नहीं करनी चाहिए पूर्ण स्वराज का मांग करना चाहिए और पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी उन्नीस को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया यही कारण है कि भारत का संविधान 26 नवंबर उन्नीस को बनकर तैयार हुआ था लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया देखो यहां पर ना कुछ लोगों को डेट में कन्फ्यूजन रहता है तो डेट यार बहुत अच्छे से याद रखना कि यहां पर जो बात हम कर रहे हैं वो सिंपल सी बात है कि नाइनटीन में कांग्रेस का पैतालीसवा अधिवेशन होगा कहाँ होगा लाहौर में होगा अध्यक्ष कौन होंगे पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे ये पहली बात है क्या निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय लिया जाएगा कि अब कांग्रेस का लक्ष्य क्या है तो अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति है इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी ठीक है क्योंकि ये दिसंबर में हुआ था अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे राहुल के पास ही रावी नदी के किनारे झंडा फहराया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि हम 26 जनवरी को क्या मनाया करेंगे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे यही कारण है कि भारत का संविधान तो उन्नीस को बनके तैयार हो गया था लेकिन इसे 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया तो ये महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको यहां पर याद रखनी है आगे बढ़ते हैं अगले अधिवेशन की बात करते हैं ठीक है इसके बाद हम आएंगे छियालीसवा अधिवेशन 1931 और 1931 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसका आयोजन कराची में किया गया था देखिए दोस्तों इसमें मूल अधिकारों की मांग की गई गांधी इरविन समझौते को एक्सेप्ट किया गया और गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा अब इसकी कहानी जरा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं देखिए दोस्तों भारत में साइमन कमीशन आ चुका है और साइमन कमीशन भारत का अध्ययन करके इंग्लैंड वापस चला गया साइमन कमीशन की रिपोर्ट को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत के लिए भारत शासन अधिनियम का निर्माण करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं पर वो चाहते हैं कि इसमें भारतीय भी शामिल हों इसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए तो इसके लिए क्या होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना शुरू होते हैं गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाते हैं पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में आयोजित किया जाता है और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित किए गए थे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेगी इसका मतलब भारत की सबसे बड़ी पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया तो इससे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चिंतित हो गए तो उन्होंने भारत में उस समय इरविन इरविन से कहा कि आप इनको कन्विंस करो कि ये इंडियन नेशनल ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लें तो इरविन जो है वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाता है और महात्मा गांधी और इरविन के बीच में मार्च 1931 में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इस समझौते को कांग्रेस कम मान्यता देती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने 1931 के कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता बल्लभ भाई पटेल कर रहे थे उसमें मान्यता देती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, में कांग्रेस की नुमाइंदगी महात्मा गांधी के द्वारा की जाएगी ठीक है तो ये पॉइंट याद रखना है इसके बाद जो अगला अधिवेशन है वो 1937 का फैजपुर अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसके बारे में बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का यह पहला ऐसा अधिवेशन है जिसका आयोजन गांव में किया जाएगा तो सवाल पूछा जाता है कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा है तो फैजपुर बंगाल का अधिवेशन है 1937 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसके बाद 1938 में हरिपुरा में एक सम्मेलन होता है और पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और इसी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का आयोजन किया जाता है दोस्तों फिर उन्नीस में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जबलपुर मध्य प्रदेश के पास त्रिपुरी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के बाद वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे दो मिनट इसकी कहानी को जरा आप समझ लीजिए देखिए हुआ ये कि ऑलरेडी uh, हमने देखा कि 1938 में हरिपुरा में एक सम्मेलन हुआ था गुजरात वाले इलाके में आता है हरिपुरा तो हरिपुरा में एक सम्मेलन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे ठीक है फिर अगला अधिवेशन कांग्रेस का 1939 में हुआ और यह कहां पर हुआ तो 1939 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन त्रिपुरी में होता है जो मध्य प्रदेश में आता है यहां पर अध्यक्ष पद के लिए दो लोग खड़े होते हैं अध्यक्ष का चुनाव होता था कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन होता था तो अध्यक्ष के लिए दो लोग खड़े होते हैं एक तो सुभाष चंद्र बोस ठीक है जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और दूसरे खड़े होते हैं पट्टा भी सीतारामैया कौन खड़े होते हैं पट्टा भी सीतारमैया खड़े होते हैं सुभाष चंद्र बोस के पास क्योंकि युवा नेता थे तो यूथ कांग्रेस का समर्थन था ठीक है जबकि पट्टा भी सीतारमैया को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था बहुत बड़ा नाम थे महात्मा गांधी याद रखेंगे इस बात को कि महात्मा गांधी ने पट्टा भी सीतारमैया को सपोर्ट किया था इसमें पट्टा भी सीता रमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र की जीत होती है ठीक है तो सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत जाते हैं और पट्टा भी सीतारामैया की इसमें हार हो जाती है यह पॉइंट आपको याद रखना है पर इसी के बाद मतभेद शुरू हो जाते हैं कांग्रेस में और फिर सुभाष चंद्र बोस ये फैसला करते हैं कि अब वो कांग्रेस को छोड़ देंगे तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे देते हैं और इसके बाद उन्नीस में ही वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं फिर कहानी आपको पता है जापान जाएंगे जर्मनी जाएंगे सिंगापुर में आ, इंडियन सॉरी आजाद हिंद फौज के अध्यक्ष बनेंगे और जापान की जो फौज है जापान की फौज से उनको अंडमान निकोबार वाला इलाका मिल जाएगा वहां पर भारत की सरकार की स्थापना करेंगे वहां से एक रेडियो का संदेश चलाएंगे उसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाएंगे तो ये एक पूरी कहानी फिर निकल करके आती है सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई तो सवाल ये आता है कि सर अगर सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने चले गए थे तो आखिर त्रिपुरी की अध्यक्षता की किसने तो अल्टीमेटली त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई ठीक है क्योंकि पट्टा भी सीतारामैया हार चुके थे तो वो तो अध्यक्ष नहीं बनते तो अंततः इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी ये बातें त्रिपुरी अधिवेशन से जुड़ी हुई हैं तो महत्वपूर्ण अधिवेशन है याद रखेंगे इस बात को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे जब हम बढ़ेंगे तो उन्नीस में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में होता है जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करेंगे और इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात बात होगी होगी और जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाएगा और फिर कांग्रेस के रेगुलर अधिवेशन बंद हो जाएंगे अब हुआ यह कि 1940 में आपने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया तो 1941 से 1945 तक इस पूरी ड्यूरेशन में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा है और चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो अबुल कलाम आजाद जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं लगातार पांच सालों तक तो यहीं से एक प्रश्न निकल के आता है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने रहे हालांकि स्वतंत्र भारत में फिर सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं पर यहाँ पर हम आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा समय तक वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे इसके बाद दोस्तों 1946 में कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन होता है अब भारत को आजादी मिलने वाली है और जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसी समय भारत को आजादी मिली तो एक प्रश्न यहां से यह निकल के आ जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ मेरठ में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे तो जेबी कृपलानी थे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1947 में जब 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलती है तो उसके बाद जे बी कृपलानी ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने लेकिन उस कन्फ्यूजन में आपको नहीं पढ़ना है बस इतना याद रखना है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जे बी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों इस प्रकार से हमने कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों को पढ़ लिया सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जब हम इन महत्वपूर्ण अधिवेशनों को पढ़ रहे थे तो बहुत सारी घटनाओं को हमने यहाँ पर पढ़ लिया हमने आज़ादी की बात कर ली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर ली सूरत स्प्लिट को डिस्कस कर लिया लखनऊ पैक्ट को हमने डिस्कस कर लिया पूना पैक्ट की हमने बात कर ली इसी के साथ साथ हमने आ, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्विट इंडिया की बात कर ली तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं आप कि पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की झलक हमें देखने के लिए मिल गई है उसके ग्लिम्स हमको देखने के लिए मिल गए हैं तो अब समय है कि हम एक एक घटना को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ें और टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले दोस्तों हम 20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और 20 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आपसे मुलाकात होगी और फिर हम क्या पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे अलग अलग घटनाओं के बारे में सबसे पहले हम अठार उन्नीस में जो बंगाल विभाजन हुआ वहाँ से लेकर के लखनऊ पैक्ट की बात करेंगे और फिर महात्मा गांधी भारत में आएंगे और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो 20 मिनट के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं तब तक अपना रिवीजन कर लीजिए इन अधिवेशनों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो को पीछे कीजिए फिर से अधिवेशन पढ़ लीजिए ठीक है चलिए मिलते हैं चलिए तो हम क्लास को रिज्यूम करते हैं हैं और आगे बढ़ने से पहले से पहले कांग्रेस जुड़े हुए कुछ तथ्य जल्दी से एक बार इनको रिवाइज करते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जैसे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं सबसे लंबा कार्यकाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का है सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में दस अधिवेशन मद्रास और बम्बई में सात सात अधिवेशन और आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे कृपलानी हैं ठीक है थीके? तो दोस्तों ये चीजें हमने यहां पर देख ली और ये भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस के पूरे के पूरे कार्यकाल को हम तीन भागों में बांट के पढ़ सकते हैं कांग्रेस का पहला चरण अठारह से 1905 का जो समय है इसे उदारवादी या नरम पंथी कांग्रेस कहा जाता है मॉडरेटर कहा जाता है और इसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता दिनसा वाचा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले थे दूसरा जो चरण है वो कांग्रेस का उग्रवादी चरण है इसमें बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल आते हैं और कांग्रेस का जो तीसरा चरण है दोस्तों ये गांधीवादी चरण है जिसमें महात्मा गांधी ने प्रमुख भूमिका निभाई और दूसरे नेताओं ने उनका सहयोग किया तो कांग्रेस के पूरे इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं और इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को भी हम तीन भागों में बांटेंगे तो पहली घटना हम देख चुके हैं अठारह में कांग्रेस का निर्माण हुआ कांग्रेस के पूरे अधिवेशनों को हमने पढ़ लिया अब दोस्तों हम एक एक घटना का अध्ययन करेंगे आप देखेंगे कि ईयर वाइज हम आगे बढ़ेंगे और एक एक घटना आपको याद होते जाएगी तो अब हम दूसरी घटना की ओर आ रहे हैं कनेक्ट करके पढ़ना है चीजों को हमने पढ़ लिया है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है और अठारह से 1905 तक का जो समय है वो कांग्रेस का नरम पंथी समय है वो मॉडरेटर का टाइम पीरियड है सर मॉडरेटर का मतलब क्या होता है उदारवादियों का क्या मतलब होता है उदारवादियों का मतलब यह होता है दोस्तों कि इस समय जो कांग्रेस के नेता हैं वो ब्रिटेन का खुलकर विरोध नहीं करेंगे उनके खिलाफ वो किसी भी प्रकार का धरना या हड़ताल नहीं करेंगे वो बस क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्रिटेन की गवर्नमेंट से वो लेटर भेज रहे हैं कि साहब हमारी ये बात मान लीजिए वो अलग अलग प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको उदारवादी बोला जाएगा फिर 1905 के बाद उग्रवादियों का समय आएगा ये धरने की बात करेंगे विरोध करने की बात करेंगे न्यूज़पेपर में ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिखने की बात कहेंगे तो उनको उग्रवादी कहा जाएगा एक्सट्रीमिस्ट कहा जाएगा तो दूसरी जो प्रमुख घटना कांग्रेस के निर्माण के बाद होती है वो 1905 में होती है और इसे हम बंगाल विभाजन के रूप में जानते हैं ठीक है आइए पढ़ते हैं तो बंगाल ब्रिटिश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत था ठीक है बंगाल में उस समय पश्चिम और पूर्व बंगाल आता था बिहार आता था और उड़ीसी का इलाका आता था तो जो बंगाल आज हम उस समय की बात करें तो उस समय जो बंगाल है उसमें उड़ीसा आ रहा है बिहार आ रहा है और बंगाल का पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल पूर्वी बंगाल जिसे आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं और पश्चिम बंगाल को आज हम पश्चिम बंगाल के रूप में ही जानते हैं तो ये ब्रिटिश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रांत था सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट था और इसकी जनसंख्या सात करोड़ बीस लाख थी तो ये कहा गया ब्रिटेन के द्वारा कि देखिए साहब बहुत बड़ा इलाका है और सात करोड़ लोग हैं तो हमें यहाँ का प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत हो रही है यही कारण है कि हम बंगाल को दो भागों में बांटना चाहते हैं ताकि हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार सकें अच्छी बात है सर इसमें गलत क्या है अगर वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है कोई गलत नहीं है इसमें कोई गलत नहीं है अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवीजन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आई कि जिस प्रकार से इसका विभाजन किया गया तो उसमें एक तरफ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो गई और दूसरी तरफ हिंदू जनसंख्या ज्यादा हो गई तो आपने यहां पर प्रशासन को आधार नहीं बनाया ब्रिटेन के लोगों ने यहां पर सांप्रदायिकता को आधार बनाया कम्युनलिज्म को बेस बनाया यही कारण था कि बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया और 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया आइए समझते हैं कि बंगाल के विभाजन की योजना बनाई गई धर्म और भाषा के आधार पर विभाजन की योजना इस समय ग्रह सचिव रिजले गृह सचिव कौन था तो होम सेक्रेटरी इस समय रिजले था उसके द्वारा इसे प्रपोज किया गया बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय लीथ फ्रीजर था और वायसराय कौन था तो कर्जन था तो ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय करजन था बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लीथ फ्रीजर था और ग्रह सचिव होम सेक्रेटरी उस समय रिजले हुआ करता था ठीक है अब हम विभाजन को समझते हैं दोस्तों तो विभाजन की घोषणा की जाएगी 20 जुलाई 1905 को और इसे लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा कौन करेगा तो भारत का उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन उसके द्वारा इस योजना की घोषणा की गई और इस प्रकार बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया एक पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल वेस्टर्न बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल जो पश्चिम बंगाल का इलाका था तो इसमें ये पूरा पश्चिम बंगाल आएगा बिहार आया और उड़ीसा आया जबकि जो पूर्वी बंगाल वाला इलाका था इसमें पूर्वी बंगाल और असम असम को इसमें ऐड किया गया असम पहले बंगाल का हिस्सा नहीं था वो एक अलग राज्य था लेकिन जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उसमें असम को भी ऐड कर लिया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या जो है वो बहुसंख्यक थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक थी यही चीज़ दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रेडिट हो गई यहीं ठीक है अब देखिए आगे कुछ बात समझ लीजिए एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं मैं तो 1905 का समय है 1905 का समय है ठीक है एक ग्रह सचिव है होम सेक्रेटरी है जिसका नाम क्या है रिजली क्या नाम है रिजली दूसरा इसी समय आपको याद रखना है दोस्तों दूसरा पॉइंट कि भा, भारत का वायसराय कौन है तो भारत का वायसराय कर्जन है और बंगाल का गवर्नर कौन है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता था जो बंगाल का एक प्रकार का मुख्यमंत्री मान लो तो वो है फ्रेजर लीथ फ्रेजर तो इन तीनों ने मिलकर के ये कहा कि भैया ये जो बंगाल है बंगाल में क्या क्या आ रहा है याद रखिएगा तो बंगाल में एक तो पूरा ईस्ट और वेस्ट बंगाल आ रहा है साथ ही साथ इसमें बिहार आ रहा है और इसमें उड़ीसा आ रहा है जिसकी आबादी लगभग सात करोड़ है तो इन लोगों ने यह कहा कि हमें बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए दो भागों में ताकि हम यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला पाए लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ उल्टा ही हुआ बंगाल का विभाजन तो किया गया लेकिन यह विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया यह विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के लिए किया गया बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई तो बीस जुलाई 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया जाता है यहाँ से सवाल आ जाता है सीधा सीधा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई को हुई थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था अब यहीं से दो तीन प्रश्न निकल के आएंगे बंगाल को विभाजित कैसे किया गया तो इसे दो भागों में तोड़ दिया गया जो पहला भाग था इसे कहा गया वेस्ट बंगाल और जो दूसरा भाग था इसे कहा गया ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या क्या आया तो जो अभी वेस्ट बंगाल वाला इलाका है वर्तमान में वो आया बिहार वाला इलाका आया और उड़ीसा वाला इलाका आया इसकी राजधानी कलकत्ता को बनाया गया और यहाँ पर हिंदू संख्या ज्यादा थी ठीक है ईस्टर्न बंगाल में क्या किया गया तो इसमें बंगाल का इलाका जो कि बांग्लादेश कहलाता है वो इलाका और इसके साथ उन्होंने असम को ऐड कर दिया असम पहले बंगाल का हिस्सा नहीं था और इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया और यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या किसमें थी बहुसंख्यक थी तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि ईस्ट बंगाल में क्या आएगा वेस्ट बंगाल में क्या आएगा किस किसको क्या जोड़ा गया किसकी राजधानी क्या थी ये पूरा टॉपिक आपको याद रखना है अब इस समय तक भारत के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हो चुके थे और बहुत से लोग मतलब वह पुणे को पूरे भारत पढ़ा लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग भारत में आ चुका था एक स्कॉलर सेक्शन इंडिया में आ चुका था जब उन्होंने इस बात को देखा तो इसका भयानक विरोध हुआ और भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के रूप में तो अब हमें यह देखना है कि आखिरकार इसका प्रभाव क्या हुआ इफेक्ट क्या हुआ तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा होती है सिर्फ घोषणा हुई है अभी अनाउंसमेंट हुआ है डिक्लेरेशन हुआ है ठीक है लागू तो 16 अक्टूबर को होगा तो जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से स्वदेशी आंदोलन को शुरू कर दिया गया स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से सात अगस्त उन्नीस को शुरू कर दिया जाता है अब आंदोलन शुरू हो गया आगे समझते हैं फिर भी वायसराय कर्जन नहीं माना और उसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया ठीक है तो देखो भैया 20 जुलाई को घोषणा होगी और 7 अगस्त को आंदोलन शुरू हो जाएगा कलकत्ता के टाउन हॉल से कि भैया शायद इसको लागू ना करें और मान जाए लेकिन लॉर्ड कर्जन तब भी नहीं माना और लॉर्ड कर्जन ने इसे 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया और जैसे ही इसे लागू किया तो भैया 16 अक्टूबर को पूरे में शोक दिवस मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार इसे रक्षाबंधन या मैत्री दिवस या जन एकता दिवस मनाया गया टैगोर ने कहा कि देखिए हम इसे शोक दिवस के रूप में नहीं मनाएंगे हम इसे रक्षाबंधन के रूप में और एकता दिवस के रूप में मनाएंगे सर रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा क्यों कहा तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि अंग्रेज क्या करना चाहते थे भारतीयों के बीच में दरार डालना चाहते थे हिंदू और मुसलमान करना चाहते थे तो इसको काउंटर करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम रक्षाबंधन मनाएंगे हम जन एकता दिवस मनाएंगे और हम फ्रेंडशिप डे इस दिन मनाएंगे और शोक दिवस तो मना ही गया तो ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार कि भैया जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो किसकी अनुशंसा पर उस दिन रक्षाबंधन बनाया गया या जन एकता दिवस मनाया गया शोक दिवस कब मनाया गया तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्रम से है 20 जुलाई को घोषणा 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल कलकत्ता से शुरू हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो जाएगा और शोक दिवस और रविंद्रनाथ टैगोर के ने रक्षाबंधन फ्रेंडशिप डे और एकता दिवस मनाया ठीक है फिर भी दोस्तों फिर भी दोस्तों ये चीज नहीं लिखी कांग्रेस का 1906 में एक अधिवेशन हुआ पता ही होगा आपको कलकत्ता में ही ये अधिवेशन होगा और जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहेंगे तो उसमें यह डिसाइड किया गया कि अब कांग्रेस की नीति में बदलाव होगा अब कांग्रेस स्वदेशी को प्रमोट करेगी बहिष्कार करेगी अंग्रेजों का ठीक है राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देगी और स्वशासन को अपनाएगी सेल्फ गवर्नमेंट को अपनाएगी अब तक कांग्रेस क्या कह रही थी कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे लेकिन प्रार्थना करेंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे 1906 में कांग्रेस ने यह कह दिया कि अब प्रार्थना नहीं होगी अब स्वदेशी चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे और जो विदेशी सामान है उसको भी हम बॉयकॉट करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी और स्वशासन को प्रमोट करेगी सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाएगा ये बातें कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में डिसाइड की गई ठीक है ये बातें आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं कथन कहा गया गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी भूल थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है तो इस तरह दोस्तों बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया तो बस एक बार क्विक रिवीजन और एक एक और पढ़ लेते हैं फिर उसका क्विक रिवीजन करेंगे बंगाल के विभाजन की, की समाप्ति कैसे होगी तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया फिर इसके बाद 1906 में एक अरुण कमेटी बनाई गई और इसने ये कहा कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाना चाहिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत में आए और उन्होंने दो डिसीजन लिए पहला डिसीजन कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और बाद में बिहार उड़ीसा बंगाल और असम ये चार अलग राज्य बनाए उड़ीसा सौ छत्तीस को बना था तो बहुत बाद में उड़ीसा बना लेकिन बाद में बंगाल को सच में प्रशासन के आधार पर बांटा गया और बिहार उड़ीसा बंगाल और असम चार अलग अलग प्रांत बना दिए गए तो इस प्रकार बंगाल का विभाजन खत्म होता है अब कुछ बातें समझ लीजिए यहां पर एक बार रिवीजन क्विक कि 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा किस कौन करेगा यह घोषणा करजन ठीक है जैसे ही घोषणा होगी तो 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होगी स्वदेशी मूवमेंट शुरू होगा और स्वदेशी आंदोलन की पहली चर्चा कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार मित्र की एक मैगजीन थी और इस मैगजीन का नाम था संजीवनी इसमें इसका उल्लेख किया गया था तो कृष्ण कुमार मूत्र की मैगजीन थी संजीवनी इसमें इसका उल्लेख किया गया था सात अगस्त के बाद सोलह अक्टूबर सोलह अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाएगा जैसे ही बंगाल विभाजन को लागू किया जाएगा बंगाल और पूरे भारत में शोक दिवस रक्षाबंधन मैत्री दिवस और एकता दिवस मनाया जाएगा ठीक है ये कुछ बातें की जाएंगी इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि 1906 में दिसंबर दिसंबर 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करेंगे और इसमें कांग्रेस के लक्ष्य को परिवर्तित किया जाएगा अब कांग्रेस स्वदेशी को प्रमोट करेगी बहिष्कार करेगी विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट करेगी इसके अलावा नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेगी और स्वशासन की बात करेगी ठीक है 1906 में ही 1906 में ही ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जॉर्ज अरुणेल की अध्यक्षता में अरुणेल समिति बनाई जाएगी और अरुणेल समिति कहेगी कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाना चाहिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया जाना चाहिए अंततः यहां पर इतनी बातें हो गई यहां तो बंगाल का विभाजन खत्म नहीं होगा पर 1907 में 1907 में दोस्तों सॉरी 1911 में 1911 में जब जब ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनके साथ रानी मैरी भारत आएंगे तो हार्डिंग द्वितीय हार्डिंग उस समय भारत का वायसराय होगा यहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन करेगा वो 1911 में और इसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा पार्टीशन को खत्म कर दिया जाएगा ठीक है और फिर यहां पर बंगाल को आगे चल के चार राज्य बंगाल से बनेंगे एक खुद बंगाल दूसरा बिहार तीसरा उड़ीसा और चौथा बनेगा असम सिलहट के साथ तो ये है दोस्तों बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की पूरी कहानी डेट वाइज याद रखना चीजें आप नहीं भूलोगे आगे बढ़ जाते हैं स्वदेशी आंदोलन का पहला विचार कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में प्रयुक्त किया गया था आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनेगा 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का पहला विभाजन नरमगल और गर्मगल में हो गया ब्रिटिश पत्रकार एच डब्लू नेवि ने द न्यू इंडिया स्प्रिट नाम की किताब लिखी द न्यू स्प्रिट ऑफ इंडिया 1906 में गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया लोकमान्य तिलक ने मुंबई और पुणे लाला लाजपत राय ने पंजाब सैयद हैदर राजा ने दिल्ली और चिद्रम्बरम पिल्लई ने मद्रास में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था तो ये कुछ तथ्य हैं जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं इनको एक बार और पढ़ लीजिएगा और अब दोस्तों हम अगली घटना की ओर आ रहे हैं और अगली घटना है मुस्लिम लीग का घटन जो कि 1906 में हुआ था 1906 में

इसकी पृष्ठभूमि यह है कि डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने एक किताब लिखी थी इंडियन मुसलमान इसका मुख्यालय लखनऊ में था इसका पहला अधिवेशन कराची में और दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था और इसका प्रभाव क्या हुआ मुस्लिम लीग की वजह से भारत का विभाजन हो गया ठीक अब समझ लो कुछ बातों को एक बस बात समझ लो इंडियन मुस्लिम वाली बात देखो क्या हुआ <coughs> 1905 में जब भारत का विभाजन किया गया इंडिया का डिवीजन किया सॉरी बंगाल का विभाजन किया गया जब 1905 में तो बंगाल विभाजन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकता का परिचय दिया तो इसी समय ब्रिटेन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डब्लू डब्लू हंटर डब्लू डब्लू हंटर ने एक किताब लिखी इंडियन मुस्लिम या इंडियन मुसलमान और इस किताब में हंटर ने यह कहा कि अगर अंग्रेज भारत पर लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू और मुसलमानों को बांटना होगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार डालनी होगी 1905 का समय ये वही समय है जब बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में रख दिया गया मुसलमानों के लिए पूर्वी बंगाल बना दिया गया हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकता का परिचय दिया और मैत्री दिवस और रक्षाबंधन मनाया लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो हमेशा अपने राजनीतिक फायदे को देखते हैं पॉलिटिकल फायदे को देखते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम था आगा खां आगा खां लॉर्ड मिंटो से जाकर के मिलता है शिमला में करजन के बाद मिंटो आ गया था मिंटो से जाकर के शिमला में मुलाकात होती है और मिंटो से मिलकर के वो कहता है कि देखिए हम बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और मेरे साथ बहुत से मुस्लिम भाई हैं वो इसका समर्थन करते हैं ये बात उसने कही तो मिंटो ने कहा कि अच्छा तुम्हें हमसे क्या चाहिए तो आगा खान ने मिंटो से ये कहा कि आप हमें प्रत्यक्ष या फिर आप हमें एक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था करके देगी सेपरेट इलेक्टोरल कलीग बना के दीजिए उसने पूछा इसका मतलब क्या है तो उसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि भारत में कुछ सीटें सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए और उस पर चुनाव लड़ने का अधिकार भी मुसलमान को हो और वोट डालने का अधिकार भी मुसलमान को हो तो मिंटो ने कहा अगर हम तुम्हारी बात मानते हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा तो बदले में आगा खान ने कहा कि हम एक संगठन बनाएंगे और यह संगठन ब्रिटेन का हमेशा साथ देगा यहां से पृष्ठभूमि तैयार हो गई तो विलियम हंटर ने वो किताब तो लिखी दी थी इंडियन मुसलमान तो ये बात अब ब्रिटेन डिसाइड कर चुका था कि भारत में हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक फूट डालना है तो इसके बाद आगा खा जाता है ढाका जो उस समय किसकी राजधानी है पूर्वी बंगाल की राजधानी क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया है ये ढाका जाता है और ढाका में उस समय नवाब थे सलीम उल्लाह खां तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां ये दोनों मिलकर के और बहुत बड़ा एक आयोजन किया जाता है संगठन का मिलकर के मुस्लिम लीग का गठन करते हैं मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है ये वही मुस्लिम लीग है जो लगातार पाकिस्तान की डिमांड करेगी और इतना ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा कि जब 1947 में हमारा प्यारा भारत देश आजाद हुआ तो उसी समय भारत का विभाजन भी करना पड़ा डिवीजन ऑफ इंडिया भी करना पड़ा तो मुस्लिम लीग की कहानी यह है इनका मुख्यालय लखनऊ था जबकि पहला अधिवेशन कराची में हुआ था तो 1906 में आगा खां और ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था ठीक अगली घटना पर हम आ रहे हैं और अगली घटना है कांग्रेस का पहला विभाजन तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं फिर भी एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है ठीक है और स्वदेशी आंदोलन का मतलब यही था कि आप भारतीय वस्तुओं का प्रचार करेंगे और जो अंग्रेजी सेवाएं हैं और अंग्रेजी वस्तुएं हैं उनको आप बॉयकॉट करेंगे ये काम हो रहा था 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने और कांग्रेस ने यह कहा कि अब वो स्वदेशी को अपनाएगी बहिष्कार को अपनाएगी साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेगी और स्वशासन की बात करेगी लेकिन दोस्तों कांग्रेस के कुछ उदारवादी नेता थे जिसमें फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे इनका ये विचार था कि हमें बहिष्कार नहीं करना चाहिए बॉयकॉट नहीं करना चाहिए अदरवाइज जो ब्रिटेन की सरकार है वो कांग्रेस को ख़त्म कर देगी जबकि इसी समय कांग्रेस में लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्रपाल अरविंद घोष और एक युवा पीढ़ी का उदय हो गया था उनका मानना था कि नहीं हमें स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना है हमें सिर्फ इसको बंगाल में नहीं रखना है पूरे इंडिया में हम इसे ले जाएंगे और बहिष्कार की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएंगे तो इसी बीच 1907 में 1907 में कांग्रेस का सूरत में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं और यहां पर स्वदेशी आंदोलन को लेकर के स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के कांग्रेस के बीच में विभाजन हो जाता है एक तरफ कांग्रेस के नरमपंथी नेता होते हैं मॉडरेटर होते हैं जिनका मानना था कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल में रहना चाहिए और बहिष्कार की प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहिए वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के उग्रवादी नेता होते हैं जिसमें लाल बाल पाल का नाम आता है वो कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में ले जाना चाहिए और हमें बहिष्कार को भी आगे बढ़ाना चाहिए तो इस बात को लेकर के कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी ठीक है तो यह विभाजन का प्रमुख कारण था इसके दो और कारण हैं छोटे छोटे ये भी समझ लीजिए एक कारण यह था कि गरम दल के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए जबकि नरम दल के नेता चाहते थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए दूसरा कारण यह था कि नरम पंथी चाहते थे कि सूरत में अधिवेशन हो और गरम पंथी चाहते थे कि नागपुर में अधिवेशन हो ठीक है और यहां पर एक चीज आप देख ही रहे हैं कंप्लीटली देख रहे हैं कि भैया दोनों जगह नरमपंथी जीत गए मॉडरेटर जीत गए तो नरम पंथियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया और नागपुर के स्थान पर सूरत पर इस अधिवेशन को किया यही कारण था कि गरमपंथी जो है वो अलग हो जाते हैं कांग्रेस से और कांग्रेस का पहला विभाजन यहाँ पर हो जाता है और उन्नीस में लखनऊ अधिवेशन के बाद फिर से दोनों संस्थाएं जुड़ जाएंगी आइए आगे बढ़ते हैं अगली घटना की बात करते हैं 1909 1909 में दोस्तों जीरो मिंटो रिफॉर्म भारत आता है तो कर्जन के स्थान पर मिंटो को गवर्नर बनाया गया था और मॉरले मिंटो रिफॉर्म से एक ही बात जुड़ी हुई है और वो बात यह है दोस्तों कि मोरले मिंटो रिफॉर्म के बाद भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो जाती है सेपरेट इलेक्टोरल कलीग की शुरुआत हो जाती है मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ इसका मतलब यही है कि अब मुसलमानों के लिए भारत में सीटें आरक्षित की जाएंगी और उन सीटों पर वोट करने का अधिकार भी मुसलमानों को होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि मिंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया और ऐसा ही हुआ क्योंकि यहीं से सांप्रदायिकता की बीज बो दिए गए जो आगे जाकर के भारत के विभाजन के रूप में आगे निकले तो ये अगली घटना है मोरले मिंटो सुधार आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जॉर्ज पंचम और मैरी का भारत में आगमन होता है इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत का गवर्नर जनरल है और ये दूसरा दिल्ली दरबार है पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन ने लगाया था और जब उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी और तभी भारत में बहुत बड़ा अकाल आया हुआ था ये दूसरा दिल्ली दरबार है जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय लगवा रहा है जब जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का भारत आगमन हो रहा है घोषणाएं आपको पता ही है कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया एक अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और असम का गठन किया गया तो ये दिल्ली दरबार की कहानी है ये भी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं इसी समय 1912, तो 1912 में दोस्तों आपको याद रखना है दिल्ली षड्यंत्र या हार्डिंग बम कांड होता है यह भी हम पढ़ चुके हैं क्रांतिकारी आंदोलन में हार्डिंग द्वितीय राजधानी स्थानांतरण समारोह में जा रहा था चांदनी चौक पर उस पर हमला किया गया तेरह लोगों को हिरासत में ले लिया गया जिसमें बालमकुंद आदि को फांसी की सजा होती है सरकारी गवाह इसमें दीनानाथ बना था बाद में दीनानाथ को मार दिया गया और रास बिहारी बोस घोष नहीं है ये बोस है बोस जापान चले गए और जापान जाकर के उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया ये है दोस्तों अब तक की पूरी की पूरी बातें और अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं 1912 में पहुँच गए करोगे आप लोग कर लो एक बार जल्दी से अठारह सो 1885 क्या हुआ दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1905 बंगाल विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल ठीक है ठीक है। 1885 आपको याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर 20 जुलाई 1905 बंगाल पार्टीशन का घोषणा डिक्लेरेशन ठीक है 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल से 16 अक्टूबर 1905 बंगाल पार्टीशन को लागू किया गया 1906 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने चार नए लक्ष्य अपनाए 1906 सौ समिति की रिपोर्ट जिसने कहा बंगाल के पार्टीशन को खत्म करना चाहिए 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का पहला विभाजन फर्स्ट पार्टीशन 1911 सौ दिल्ली दरबार का आयोजन बंगाल का विभाजन रद्द भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई ठीक है कब बनी तो 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी गई और 1912 में एक और घटना हुई और इस घटना का नाम है हार्डिंग बम कंस्पिरेसी, लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब चलाया गया 1906 में यहां पर एक घटना और हुई थी कि 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्ला उल्ला खां ने मुस्लिम लीग का गठन किया था ठीक है और बीच में यहाँ पर एक छोटी सी घटना और है 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म भारत आया था ठीक तो ये अब तक की प्रमुख घटनाएं हैं यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सारी चीजों को एक एक चीज आई रियली विश होप कि आपको याद होती जा रही होगी अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अब हम बात करेंगे 1916 के और 1916 में दो बड़ी घटनाएं भारत में होंगी एक होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन ठीक है और दूसरा होगा होम रूल आंदोलन की शुरुआत होम रूल आंदोलन को दो लोग आगे बढ़ाएंगे ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा जिसका मुख्यालय अडियार होगा मद्रास वाले इलाके में और एक होगा सिर्फ होम रूल मूवमेंट और होम रूल आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा और इसका मुख्यालय रहेगा महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला इलाका और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से एक बार बोलते ना कि मिलन हो जाएगा कांग्रेस में नरम पंथी और गरम पंथी के बीच में समझौता होगा मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक अग्रीमेंट होगा और साथ ही साथ दोस्तों जो मुस्लिम लीग है उसके साथ भी कांग्रेस का एक समझौता हो जाएगा तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम रूल आंदोलन की और फिर हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन को होम रूल मूवमेंट दोस्तों 1916 की घटना है 1916 की घटना है एनी ने ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन चलाया था और बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ और सिर्फ होम रूल मूवमेंट चलाया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो होम रूल की बात करते हैं ये जो होम रूल है ये एक आयरिस शब्द है आयरलैंड की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है किसी देश या क्षेत्र के स्वशासन का अधिकार और यह आयरिश नेता रेडमांड के द्वारा आयरलैंड होम रूल की स्थापना की गई थी और जो एनी बेसेंट है तो वो आयरिश महिला थी तो एनी बेसेंट ये शब्द भारत लेकर के आई थी तो होम रूल का मतलब क्या है होम रूल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए दो मिनट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक इलाका है ए ठीक है और ये एक देश है बी ए क्या करता है बी पर अधिकार करके रखा है तो ए बी क्या हो जाएगा तो बी जो है अब वो पराधीन हो गया तो यहां पर जो रहने वाले लोग हैं जो बी नाम के राज्य में रहते हैं वो ये कहेंगे कि आप हमें पूरी स्वतंत्रता मत दो बस इतना कर दो कि हम अपने डेली एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन ले पाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमको दे दीजिए आर्मी आप अपने पास रखिए फॉरेन रिलेशनशिप आप अपने पास रखिए करेंसी आप अपने पास रखिए बेसिक रूल के अधिकार हमको दे दीजिए इसी को कहा जाता है होम रूल होम रूल जो है वो एक आयरिस भाषा का शब्द है और सबसे पहले एक आयरलैंड के नेता थे रेडमांट उन्होंने आयरलैंड में आयरलैंड होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट जो कि अठारह में भारत आती हैं वह ये शब्द भारत लेकर के आई थी और एनी बेसेंट ने 1916 में ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी ठीक है तो भारत में होमरूल आंदोलन की शुरुआत दोस्तों प्रारंभ एनी बेसेंट ने किया और बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको आगे बढ़ाया होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को प्राप्त करना चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि होम रूल मूवमेंट में दो अलग अलग हैं एक होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक का है जो अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र वाले इलाके में शुरू होगा और दूसरा होम रूल मूवमेंट जो है वो अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन है जो एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होगा तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि दोनों में क्या अंतर था तो एक लिस्ट बनाई है इस लिस्ट को ध्यान से देखना एक तरफ है तिलक का होम रूल आंदोलन और दूसरी तरफ है एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना वाले इलाके में होम रूल आंदोलन की स्थापना की जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास वाले इलाके में होम रूल आंदोलन की स्थापना की इनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक महाराष्ट्र और मध्य प्रांत था जबकि एनी बेसेंट की होम रूल का क्षेत्र पूरा भारत था बस बाल गंगाधर तिलक के इलाकों को छोड़कर के, तभी एनी बेसेंट के मूवमेंट का नाम था ऑल इंडिया जबकि तिलक के होम रूल आंदोलन का नाम था सिर्फ और सिर्फ होम रूल आगे बढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक की होमरूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा थे जबकि सचिव एन सी केलकर थे और एनी बेसेंट की होमरूल लीग के सचिव जो है वो जॉर्ज अरुंडेल हुआ करते थे होमरूल लीग का प्रचार मराठा और केसरी नाम के अखबार से किया जबकि एनी बेसेंट ने इसका प्रचार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया अखबारों से किया और दोनों का उद्देश्य क्या था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को प्राप्त करना यह दोनों का ही ऑब्जेक्टिव था तो बस दो तीन बेसिक बातें याद रखना होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में 1916 में हुई बाल गंगाधर तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 में शुरू हुआ जिसका केंद्र पूना था जबकि एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन सितंबर 1916 में शुरू हुआ जिसका केंद्र मद्रास था एक और बात पूछ ली जाती है कि बाल गंगाधर तिलक का होमरूल आंदोलन किस क्षेत्र में आगे बढ़ा तो वह कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले आगे इलाके में आगे बढ़ा जबकि एनी बेसेंट का जो आंदोलन है वो पूरे भारत में था बस बाल गंगाधर तिलक के इलाकों को छोड़कर के तिलक की होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा थे और सचिव एन सी केलकर थे जबकि एनी बेसेंट वाला जो आंदोलन था उसके सचिव जॉर्ज अरुणेल थे ठीक है मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के दो प्रसिद्ध अखबार थे जबकि कॉमन बिल और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के दो प्रमुख अखबार थे ठीक इतनी बातें दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और दो चीजें और याद रख लें दोस्तों कि लाला लाजपत राय ने अमेरिका में रूल लीग की स्थापना की थी और लंदन में रूल लीग की स्थापना महासचिव डी ग्राहम पोल के द्वारा की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा भारत उस बेटी की तरह है जो अब जवान हो चुका है और समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा और इसका उन्हें पूरा अधिकार है कांग्रेस स्पेशल या रूल स्पेशल ट्रेन कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक के समर्थन आए थे देखिए हुआ यह था कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं, वो 1907 में कांग्रेस से अलग हो गए थे लेकिन 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से अपने समर्थकों के साथ लखनऊ पहुंचे थे और एक पूरी की पूरी ट्रेन में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक के समर्थक थे तो उस ट्रेन को नाम दे दिया कि यह होमरूल स्पेशल है या कांग्रेस स्पेशल ट्रेन है तो अगर यह सवाल आता है कि कांग्रेस स्पेशल ट्रेन क्या थी तो बताइएगा जब बाल गंगाधर तिलक आ भाग लेने के लिए आ रहे थे महाराष्ट्र से आ रहे थे लखनऊ तो उस समय उनके समर्थकों के द्वारा दोस्तों एक ट्रेन पूरे ट्रेन भर के समर्थक आए और इसे क्या कहा गया कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल कहा गया बाकी ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को तिलक ने होम रूल का हिस्सा नहीं बनाया तिलक को जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी ठीक है ये बातें दोस्तों आपको याद रखना है इस तरह इस तरह ये हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है जस्ट एक मिनट का समझ लीजिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों 1916 में एक तो हमने होम रूल लीग के बारे में देख लिया 1916 की ही जो एक बड़ी घटना है वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में लखनऊ वाले इलाके में हुआ था ठीक है इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी ओके और यहां पर दो सबसे बड़ी घटनाएं हुई थी कि एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है और कांग्रेस में उदारवादी और गर्मपंथी नरमपंथी और गर्मपंथी जिनको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं ये वापस आए थे ठीक है तो यहां पर याद रखें मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार गरमपंथी और नरमपंथी के बीच में समझौता हुआ था जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था जिसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था ठीक है ये बात यहाँ दोस्तों आपको याद रखनी है फिर अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद कुछ चीजें देखने मिलेगी कि अगला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दोस्तों ये है महात्मा गांधी का परिचय और महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन तो अब तक हमने अठारह से लेकर के 1916 तक की प्रमुख घटनाओं को देख लिया अठारह में कांग्रेस का निर्माण हुआ 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ सत सोलह अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 1906 में आ, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1909 में नौ में मॉडलिमेंटो सुधार अधिनियम आया 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में हार्डिंग बॉम्ब कंस्परेसी या हार्डिंग बॉम्ब षडयंत्र हुआ उसके बाद 1916 सो में होम में होमरूल आंदोलन की शुरुआत हुई और 1916 सो में ही कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग और गरमपंथी और नरमपंथी के बीच में एक समझौता हुआ और इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यहाँ तक सारी बातें हमने डिस्कस कर ली अब हमें महात्मा गांधी का एक सामान्य परिचय लेना है उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को पढ़ना है और महात्मा गांधी के जो प्रारंभिक आंदोलन है जिसमें चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आता है तो इन आंदोलनों को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ओके तो आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी का एक प्रारंभिक परिचय अगर हम लें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर अठारह को पोरबंदर काठिया गुजरात वाले इलाके में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था इनकी माता का नाम पुतली बाई था पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था जो पोरबंदर और वंकानेर में दीवान का काम करते थे इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से तेरह वर्ष की आयु में हुआ था इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में संपन्न हुई जबकि बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने लंदन से की थी अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए अठारह में ये साउथ अफ्रीका चले गए और कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इन्होंने 1901 में भाग लिया था जो कि कलकत्ता में हुआ था आगे बढ़ें तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश पर 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे तो अठारह में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1915 में ये भारत वापस आए थे अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ पर इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया टॉल्स्टॉय आश्रम का भी निर्माण इन्होंने वहीं पर किया था आगे बढ़ें तो इनकी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है जो 1925 में लिखी गई थी सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के दो प्रमुख सिद्धांत हैं उसके अलावा इंडिया ऑफ माय ड्रीम अनासाक्त योग हिंद स्वराज जो कि उन्होंने जहाज में लिखी थी सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों ये महात्मा गांधी की प्रमुख किताबें हैं महात्मा गांधी पर जॉन रस्किन थौरोय जैन धर्म और गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे जॉन रस्किन की किताब अंटू दिस लास्ट से उन्होंने शारीरिक परिश्रम की शिक्षा ग्रहण की थी थौरो से सिविल डिसबीडियंस मूवमेंट इन्होंने सीखा था और जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे तीस जनवरी उन्नीस को नाथू राम गोडसे ने गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दी और तब नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है तो ये जानकारी हम सबको पता है तो यहाँ हम ज़्यादा समय नहीं देंगे बचपन से हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके ऊपर निबंध लिखते हुए आ रहे हैं तो ये जानकारी बापू के बारे में ऑलरेडी हमको पता है हमें जो बात करनी है वो ये देखना है कि महात्मा गांधी को प्रमुख उपाधियां किसने दी और जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय भारत की परिस्थितियाँ क्या थी ये चीज देखना तो पहले तो यह देख लो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और इस कारण से महात्मा गांधी ने ये कहा भारतीयों से कि देखिए हमें अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए अदरवाइज जर्मनी जो है वो पूरे के पूरे संसार को खराब कर देगा तो प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ने ही अंग्रेजों का समर्थन किया था तभी महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया तो इस बात से खुश होकर के ब्रिटेन की सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी दूसरा प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया दक्षिण अफ्रीका का एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था उन्होंने कुली बैरिस्टर कहा था ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु कहा था कबीलियों द्वारा मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी ये पश्चिम उत्तर प्रांत जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन या बलूचिस्तान वाला जो इलाका है वहां की जातियों ने कबीलों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी लाल कुर्ती मूवमेंट के समय ठीक है बापू जो है वो सी एफ एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू बापू कहते थे विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर या नंगा फकीर कहा था पंडित मदन मोहन मालियों ने मालवीय ने भिकारियों का राजा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था जब वो अंडमान से रेडियो दे रहे थे विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि प्रदान की थी तो ये प्रमुख उपाधियां हैं जो महात्मा गांधी को अलग अलग समय पर दी गई हैं सबसे महत्वपूर्ण है केसर ए हिंद जो अंग्रेजी सरकार ने दी थी महात्मा जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी राष्ट्रपिता जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी ये प्रमुख उपाधियां हैं जो महात्मा गांधी को दी गई है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और गांधी जी के दर्शन की हम बात करें तो गांधी जी का दर्शन दो चीजें याद रखना कि पूरी की पूरी फिलॉसफी गांधी जी की सत्य और अहिंसा के इर्द गिर्द घूमेगी और इनका सबसे प्रमुख सिद्धांत ही ट्रुथ और नॉन वायलेंस था उसके अलावा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी का प्रमुख सिद्धांत था महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है दार्शनिक अराजकतावादी महात्मा गांधी को इसलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता हूं जहां कोई भी सरकार ना हो किसी का भी शासन ना हो लोग अपने आप को शासित करें लोग ही अपने आप के गवर्नमेंट को आगे बढ़ाएं और पूरी की पूरी शक्ति गाँवों के हाथों में होनी चाहिए ये बात महात्मा गांधी ने कही थी इसीलिए कहा गया कि ये फिलॉसफी भी है और इस तरह तो पूरे के पूरे देश में अराजकता छा जाएगी तो उनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जा रहा है अगली बार इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे न्याय का न्यास का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप थ्योरी कहा जाता है बहुत सिंपल सा सिद्धांत है ट्रस्टीशिप सिद्धांत जैसे इस महात्मा गांधी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो जो अधिशेष पैसा उसके पास आया है जो सरप्लस अमाउंट उसके पास आया है उसे वह पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए अपना पैसा उसे नहीं समझना चाहिए तो अमीर लोग अपने आप को ट्रस्टी समझें कि जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आया है वो लोगों की भलाई में खर्च किया जाना चाहिए आगे बढ़ें कुछ और बातें समझें कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए तो देखिए अठारह में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी ने लंदन से वकालत की पढ़ाई की थी भारत वापस आए वो एक वकील बन गए और जब वो वकील बने तो एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल्ला जो कि दक्षिण अफ्रीका में व्यापार किया करते थे उन्होंने अपना केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी को भारत से दक्षिण अफ्रीका बुलाया था तो एटीन में दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे महात्मा गांधी देखिए अफ्रीका की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय वकील थे तो महात्मा गांधी वहां वकालत करने के लिए गए थे और उन्हें दूसरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था लेकिन जब वो अफ्रीका पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ भारतीयों को शोषित किया जा रहा है अंग्रेजी सरकार के द्वारा आपको बता दूँ कि जिस प्रकार भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का एक उपनिवेश था तो सबसे पहले अठारह में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी और नेटल इंडियन कांग्रेस के द्वारा वो एक अखबार निकालते थे जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन ये गुजराती हिंदी अंग्रेजी और तमिल भाषा में निकाला जाता था इसके बाद दोस्तों 1904 में मतलब 10 सालों के बाद डर्बन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की ये गांधी जी के द्वारा बनाया गया पहला आश्रम था जो फरवरी 2000 में फिर से सरकार के द्वारा शुरू किया गया 1906 में पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था तो ये गांधी जी का पहली बार सत्याग्रह किया गया था और इसके लिए 1908 में वो पहली बार जेल भी गए थे तो यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आएंगे पहला प्रश्न पूछेगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किया और इस कारण 1908 में महात्मा गांधी पहली बार जेल भी चले गए महात्मा गांधी के पहले आश्रम का नाम फिनिक्स आश्रम जो कि 1904 में डर्बन वाले इलाके में महात्मा गांधी ने खोला था और अफ्रीका में नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा की गई थी इसके बाद दोस्तों जब 1909 में ये लंदन से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तो जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी जो महात्मा गांधी की प्रमुख किताब है 1910 में सत्याग्रह में शामिल व्यक्तियों की सहायता के लिए जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की सहायता से टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ कि 1914 तक भारतीयों से भेदभाव खत्म करने वाले अधिकांश कानूनों को खत्म कर दिया गया और 9 जनवरी 1915 को 21 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आ गए तो हमने क्या देखा 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं डरबन वाले इलाके में और अब्दुल्ला नाम के व्यापारी का केस लड़ने के लिए जाते हैं उसके बाद अगले ही साल 1894 में नेटल कांग्रेस की स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में और इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालते हैं ठीक है इंडियन ओपिनियन फिर हमने क्या देखा इसके बाद 10 सालों के बाद 1904 में गांधी जी ने अपने काम को और ज्यादा बढ़ाया और डर्बन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कर दी ये गांधी जी द्वारा बनाया गया पहला आश्रम है ठीक फिर इसके बाद गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया और 1906 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया और इसके कारण 1908 में महात्मा गांधी पहली बार जेल चले गए दोस्तों 1909 1909 महात्मा गांधी लंदन से दक्षिण अफ्रीका वापस आ रहे थे साउथ अफ्रीका वापस आ रहे थे तब जहाज में उन्होंने हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी ये ना पुराने जमाने के फ़ायदे थे मोबाइल फोन था नहीं किताबें पढ़ने के लिए होती थी या आपके पास खाली समय था तो आप यही करते थे जैसे मांडले जेल, जब गोपाल कृष्ण माफ कीजिए बाल गंगाधर तिलक को जब मांडले जेल भेजा गया तो उन्होंने गीता रहस्य किताब लिख दी थी और उसी तरह सत्य के साथ मेरे भी गांधी जेल में ही लिखी थी उन्नीस सौ नौ में जब लंदन से साउथ अफ्रीका आ रहे थे तो हिंद स्वराज किताब की रचना कर दी आगे जाकर के उन्होंने एक और काम किया कि उन्नीस सौ कह का सौ दस नाइनटीन जीरो में उन्होंने कालेन बाख 1910 में कालेन बाग जो कि एक जर्मनी के व्यक्ति थे उनकी सहायता से अफ्रीका में ही टॉल स्टॉय आश्रम की स्थापना की सर ये आश्रम क्यों बनाया क्योंकि जो लोग 1906 से सत्याग्रह पर बैठे हुए थे अब उनके पास खाने की दिक्कत आ रही थी रहने के लिए उनके पास जगह नहीं थी तो महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए और उन लोगों की सहायता के लिए जो सत्याग्रह कर रहे हैं टॉलस्टाई आश्रम की स्थापना कर ली महात्मा गांधी के सारे के सारे प्रयास दक्षिण अफ्रीका में सफल हो जाते हैं और सफलता इतनी ज्यादा होती है कि 1914 में ब्रिटेन की सरकार बहुत सारे गलत कानूनों को साउथ अफ्रीका से ख़त्म कर देती है अब यहाँ महात्मा गांधी का काम पूरा हो गया और फाइनली 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आ जाते हैं और भारत आकर के 1917 में चंपारण और आगे जाकर के खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं फिर असहयोग सभी ने अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन और भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी के द्वारा अदा की जाती है तो आई विश यहाँ तक की पूरी कहानी आपको समझ आई होगी अब हमें यह देखना है कि जब महात्मा गांधी भारत आए तो भारत में आने के बाद उन्होंने शुरुआत में क्या किया मतलब शुरुआत का मतलब यह है कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आ रहे हैं तो 1915 से 1920 तक महात्मा गांधी ने क्या किया इस बात को जरा हम देखेंगे तो जब गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था फिर उसके बाद चंपारण आंदोलन किया फिर खेड़ा सत्याग्रह किया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया रॉलेट एक्ट आया रॉलेट एक्ट के समय का विरोध करते हुए जलियावाला वाला हत्याकांड हो गया सैबरे की संधि हुई खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया और फिर बाद में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया तो ये ना क्रम याद रखने से आसानी हो जाती है कि यार 1915 में गांधी जी आ रहे हैं उसी समय सबसे पहली घटना प्रथम विश्व युद्ध उन्नीस में चंपारण आंदोलन 1918 में खेड़ा आंदोलन उन्नीस सौ ही उन्नीस सौ अठारह में अहमदाबाद मिले मजदूर आंदोलन उन्नीस सौ उन्नीस में रॉलेट एक्ट आया उन्नीस सौ उन्नीस में जलिया वाला बाघ हत्याकांड हुआ उन्नीस सौ बीस में सैबरे की संधि हुई तुर्की में खलीफा का अपमान हुआ भारत में अली बंधुओं ने खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और फिर महात्मा गांधी ने भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो एक जर्नी है गांधी जी की जो डेट वाइज आप समझेंगे तो आसानी जाएगी आपको और अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगा कि 1893 से लेकर के 1920 तक महात्मा गांधी कौन कौन से कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध को डिस्कस करते हैं तो पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसी समय महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया महात्मा गांधी ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों का ये मानना था कि अगर हम अंग्रेजी सरकार का पहले विश्व युद्ध में समर्थन करते हैं तो जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म होगा तो अंग्रेजी सरकार हमको आज़ाद कर देगी अदरवाइज हमको डोमिनियन स्टेटस तो दे ही देगी जैसा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को स्टेटस दिया गया है तो इसी कारण से महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले ने मदद की दोस्तों गांधी जी को इसी समय भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा क्योंकि वो लोगों से कह रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए और इसी कारण से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की इसके बाद दोस्तों एक साल तक महात्मा गांधी का भ्रमण किया और फिर सत्याग्रह की नीति के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया अब देखिए महात्मा गांधी 1915 में भारत आ चुके हैं और उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है महात्मा गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं में एक सबसे बड़ा अंतर यह था कि महात्मा गांधी ने लोगों को अपने साथ जोड़ा जब महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े तो उन्होंने कांग्रेस के साथ मजदूरों को किसानों को और उन लोगों को जोड़ा जो अब तक राजनीति से बहुत ज़्यादा दूर थे और जब उन्होंने इन लोगों को जोड़ा तो कांग्रेस का जो दायरा था वो भारत में बहुत बड़ा हो गया लेकिन अभी भी भी ने कोई आंदोलन नहीं किया था तो इसी समय क्या होता है लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में जिसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था और अभी गांधी जी उतने बड़े नेता नहीं बने हैं हालांकि उनका नाम है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में वो सफलता लेकर के आए थे तो दोस्तों लखनऊ सबमिट होता है और लखनऊ समिट में पंडित रामचरण शुक्ल से उनकी मुलाकात होती है और पंडित रामचरण शुक्ल जो हैं दोस्तों याद रखें यहीं पर राजकुमार शुक्ल माफ करें पंडित राजकुमार शुक्ल जो हैं वो महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बताते हैं कि मैं चंपारण नाम की एक जगह से आता हूं चंपारण में किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है वहाँ पर तिनकठिया पद्धति का प्रचलन है जिस कारण से नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें अपनी भूमि का सही हिस्सा नहीं मिल रहा है और जो भी वहाँ पर वादे किए गए थे किसानों के साथ वो जमींदारों ने पूरे नहीं किए हैं तो इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चंपारण आएँ और वहां पर किसानों को अपना अधिकार दिलवाए तो दोस्तों महात्मा गांधी इस बात को स्वीकार करते हैं बिहार के चंपारण वाले इलाके में गांधी जी पहुंचते हैं और 1917 में गांधी जी पहला आंदोलन जो अपना करते हैं वो चंपारण सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि महात्मा गांधी ने चंपारण का पहला सॉरी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग तो आंसर करेंगे 1906 में साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था लेकिन अगर वो आपसे सवाल पूछे कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला उपयोग कब किया था तो यह 1917 में बिहार के चंपारण में किया था सत्याग्रह का मतलब होता है कि आप आग्रह करेंगे आप हड़ताल करेंगे आप धरना देंगे अहिंसा का उपयोग करेंगे किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा तो 1917 में राजकुमाल शुक्ल के द्वारा बुलाए जाने पर बिहार के चंपारण में तीन कठिया पद्धति के खिलाफ महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया इस आंदोलन में महात्मा गांधी की सहायता राजेंद्र प्रसाद जे बी नरहरि नरहरी पारेख ब्रज किशोर महादेव देसाई जो सेक्रेटरी बनेंगे मजहर उल हक शंभू शरण शर्मा नारायण सिन्हा सी एफ इनको दीन बंधु कहा जाता है दीन बंधु सी एफ के द्वारा की जाएगी सर इसका परिणाम क्या हुआ तो इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि गांधी जी की सदस्यता वाले एक आयोग का गठन किया गया तिन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया बगान मालिकों ने जो अवैध वसूली की थी उसका 25 प्रतिशत हिस्सा किसानों को वापस लौटाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की हालांकि एनजी रंगा ने चंपारण आंदोलन का विरोध किया था तो चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन और इस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की अब महात्मा गांधी का कैलेबर यहाँ से बढ़ना शुरू होगा अब महात्मा गांधी भारत के एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे तो इसी समय क्या होता है खेड़ा में भी कुछ ऐसी ही कहानी चल रही थी तो अब महात्मा गांधी खेड़ा पहुंचेंगे गुजरात में एक जगह है खेड़ा वहाँ महात्मा गांधी पहुंचेंगे और अपने दूसरे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे जिसे कहा जाएगा खेड़ा सत्याग्रह तो आइए हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह है जो 1918 में हुआ तो यहां पर क्या हुआ भीषण अकाल पड़ा उसके बाद भी अंग्रेजों के द्वारा लगान की वसूली की गई तो अंग्रेजों की इसी नीति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने एक पूरा आंदोलन चलाया और इसमें गांधी जी ने कहा कि यदि सरकार लगान माफ कर दे तो जो भी इंसान सक्षम है कैपेबल है वो लोग स्वेच्छा से अपना लगान दे देंगे इसमें महात्मा गांधी की सहायता विठल भाई पटेल इंदुलाल याग्निक महादेव देसाई और नरहरि पारेख ने की थी। परिणाम हुआ कि सरकार ने केवल सक्षम किसानों से लगान वसूला और महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह भी अपना सफल करा लिया तो चंपारण आंदोलन तिनकठिया पद्धति के खिलाफ बिहार चंपारण में खेड़ा सत्याग्रह लगान वसूली अकाल के बाद भी लगान वसूली के कारण गुजरात खेड़ा में और दोनों ही सत्याग्रहों में महात्मा गांधी ने सफलता प्राप्त कर ली है इसके बाद दोस्तों गुजरात में ही एक जगह है अहमदाबाद तो अहमदाबाद में जो मजदूर का अहमदाबाद में एक कपड़े की मिल थी वहाँ मजदूर काम किया करते थे तो मजदूरों को बोनस नहीं मिला देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई और जो बोनस मजदूरों को दिया जा रहा था वो महंगाई के अनुसार नहीं था इन्फ्लेशन के अनुसार नहीं था तो बोनस सही सही बोनस ना मिलने के कारण महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का तीसरा जो प्रयोग है वो अहमदाबाद मिल मजदूर के में किया ठीक है तो शांतिपूर्ण तरीके से पहली हड़ताल महात्मा गांधी यहाँ भूख हड़ताल करेंगे जो उन्होंने अहमदाबाद में प्रयोग की मिल मालिक अंबालाल सारा थे और उनकी बेटी अनुसैया थी ठीक है परिणाम ये हुआ पैंतीस प्रतिशत बोनस की मांग स्वीकार कर ली गई और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है कि महात्मा गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल कहाँ पर की थी तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल की थी ठीक है तो ये शुरुआत हो रही है महात्मा गांधी की दोस्तों याद रखेंगे ये शुरुआत है महात्मा गांधी की अब इसके बाद हम अगले अध्याय पर आएंगे जब गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाले हैं तो दो मिनट कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं और फिर टॉपिक को खत्म करेंगे तो पहली घटना 1893 की है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचे डरबन में अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दूसरी घटना 1894 की है साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तीसरी घटना 1904 की है जब महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के डर्बन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम है इसके बाद 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला उपयोग किया यह भी साउथ अफ्रीका में किया गया 1908 में 1908 में गांधी जी पहली बार जेल जाते हैं उसके बाद 1909 नौ में गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी ठीक है इसके बाद 1910 में गांधी जी ने टोल स्टॉय आश्रम खोला और टोल स्टॉय आश्रम भी इन्होंने साउथ अफ्रीका में खोला ठीक है इसके बाद 1909 जनवरी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ ये इंडिया वापस आ गए फिर तो अगर हम आगे बढ़ें अगले पार्ट पर तो जब महात्मा गांधी भारत आए तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन गांधी जी ने किया इससे खुश होकर के अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी लेकिन भारत में उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया था और दोनों का यह मानना था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन हम करेंगे तो अंग्रेज हमें स्वतंत्रता दे देंगे इसके बाद क्या हुआ आगे बढ़े महात्मा गांधी ने उन्नीस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया जहां उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है और राजकुमार शुक्ल ने बताया कि देखिए बिहार में एक जगह है चंपारण वहाँ तीन कठिया पद्धति के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुँचते हैं और वहाँ तीन कठिया पद्धति के खिलाफ उन्होंने पहला आंदोलन चलाया यह आंदोलन सफल हो जाता है और तीन कठिया पद्धति की समाप्ति चंपारण वाले इलाके से हो जाती है इसमें महादेव देसाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रामचंद्र राजकुमार शुक्ल इन सब ने महात्मा गांधी का समर्थन किया था फिर दोस्तों 1918 का समय आता है और महात्मा गांधी को खेड़ा बुलाया जाता है गुजरात में जहाँ पर भीषण अकाल आ चुका है लेकिन अकाल आने के बाद भी लोगों से लगान वसूला जा रहा है इस बात का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी खेड़ा में एक सत्याग्रह करते हैं यह सत्याग्रह भी सफल हो जाता है फिर दोस्तों इसी समय गुजरात में एक इलाका है जिसका नाम है अहमदाबाद तो अहमदाबाद में मिल मजदूर होते हैं और मिल मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता है तो इस बोनस की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी भारत में अपना तीसरा सत्याग्रह करते हैं और इस सत्याग्रह में पहली बार वह भूख हड़ताल या आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं अंततः है उनका यह सत्याग्रह भी सफल होता है और 35 प्रतिशत 35 परसेंट दोस्तों लगान चुका दिया जाता है तो ये आप देखिए ये महात्मा गांधी का शुरुआत है भारत में उन अठारह उन से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होगा और 1918 तक आते आते महात्मा गांधी बहुत बड़े एक लीडर बन जाएंगे और अब समय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन चलाएंगे नेशनल लेवल पर कोई मूवमेंट करेंगे तो उसमें पहला नाम जो आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी के रॉलेट एक्ट से लेकर के 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत करने की कहानी को समझेंगे देखिए मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आता है इसका विरोध जलियावाला बाग में होता है जिस कारण से जनरल डायर के द्वारा जलियावाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जाती हैं और 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग हत्याकांड होता है इसी समय महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो रॉलेट एक्ट की वजह से जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियावाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट की वजह से असहयोग आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ता है पर फरवरी उन्नीस 1922 में चौरा चौरी नाम की एक जगह है यूपी के गोरखपुर के पास वहाँ हिंसा हो जाती है और इसके बाद महात्मा गांधी मार्च 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं जब असहयोग आंदोलन समाप्त होता है तो कांग्रेस में विभाजन होने लगता है और मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास चुनाव लड़ना चाहते हैं वह असहयोग आंदोलन को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो इस कारण से स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है इसके बाद 1927 में 1927 में मॉन्टेग्यू चैंसपोर्ट सुधार अधिनियम 1919 को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होता है जिस कारण से पूरे भारत में उसका विरोध होता है और गो साइमन बैग के नारे लगाए जाते हैं इसी बीच लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के द्वारा लाहौर षडयंत्र को अंजाम दे दिया जाता है जिस कारण से 1931 में उनको फांसी की सजा दे दी जाती है इसी बीच में आप याद रखें कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेज अंग्रेजी सरकार भारतीयों को ये चुनौती देती है कि अगर भारतीय पूरी पार्टियों की सहमति से एक संविधान बना कर दें तो हम उनकी मांग को कंसिडर करेंगे इस चुनौती को स्वीकार किया जाता है दिल्ली में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है अंसारी जी की अध्यक्षता में और वहाँ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया जाता है वो समिति ते, तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू मिलकर के एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है जिसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग संविधान के रूप में की गई थी ठीक है नेहरू रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना स्वीकार करते हैं और वह है कहते हैं कि इस नेहरू रिपोर्ट में मैं चौदह सुधार करना चाहता हूं और इसी को जिन्ना की चौदह सूत्री मांगों के रूप में जाना जाता है अंततः दोस्तों इसी बीच में उन्नीस में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग को पेश किया जाता है 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है 1930 में गांधी जी अपनी ग्यारह सूत्री मांगों को रखते हैं इन मांगों को अस्वीकार कर दिया जाता है गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन दूसरा गोलमेज सम्मेलन फिर तीसरा गोल में सम्मेलन और फिर कहानी आगे बढ़ेगी पर इस अध्याय में रॉलेट एक्ट से लेकर के गांधी जी की ग्यारह सूत्री मांगों तक की कहानी हम समझेंगे फिर दोस्तों अगले टॉपिक पर हम चलेंगे चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को और सबसे पहले रॉलेट एक्ट की बात करते हैं ठीक है तो रॉलिट एक्ट को क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम या द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा जाता है जो इसका वास्तविक नाम है वो है द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ये इसका वास्तविक नाम है लेकिन चूंकि रॉलिट की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसका सुझाव दिया था तो इसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए भारत में लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी इससे अंग्रेजी सरकार बहुत ज्यादा परेशान थी तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया दिसंबर 1917 में इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट इनकी अध्यक्षता में एक सिडिशन या देशद्रोह समिति का गठन किया सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि भारत में कड़े कानूनों का निर्माण करना होगा इसी रिपोर्ट के आधार पर मार्च 1919 में ब्रिटेन की संसद ने द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट पास किया चूंकि यह अधिनियम सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट पर आधारित था इसी कारण इसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है किसी का भी आपका बस मन होना चाहिए अगर मजिस्ट्रेट ने कह दिया तो एक व्यक्ति को आप कितने समय तक जेल में रख सकते हैं बिना मुकदमा चलाए बिना किसी सुनवाई के तो इसे कहा गया कि ये बिना वकील बिना दलील वाला कानून है ना तो इसमें आप एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि वकालत ही नहीं हो रही है सुनवाई का मौका नहीं मिल रहा है और वैसे भी आप कोई दलील नहीं दे पा रहे हैं और इस कानून को काला कानून भी कहा गया ब्लैक लॉ भी इसको कहा गया तो ये रॉलेट एक्ट का परिचय है कि रॉलेट एक्ट कैसे आया तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और मार्च 1919 में ब्रिटेन की संसद ने रॉलेट एक्ट को पास किया इस अधिनियम के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था इसे बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा गया साथ ही साथ इसे काला कानून भी कहा गया अब दोस्तों पूरे भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून अनुचित स्वतंत्रता विरोधी और व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है इसी बीच में महात्मा गांधी ने रॉलिट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की और पूरे देश में एक हड़ताल करने की अपील महात्मा गांधी के द्वारा की गई स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिल्ली में रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया जिन्ना मदन मोहन मालवीय और मजहर उलहक ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद विरोध करने के लिए पंजाब जा रहे थे पंजाब जाने से पहले ही हरियाणा के पलवल में इनको गिरफ्तार कर लिया अब पंजाब में इस आंदोलन का विरोध कौन करेगा क्योंकि महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद तो पंजाब नहीं पहुंच पाए तो पंजाब के दो व्यक्ति थे एक का नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरा के नाम था सैफुद्दीन किचलू तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू ने रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता रैली को निकाला ठीक है अब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जो हैं वह है पंजाब वाले इलाके में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं तो इसी समय क्या किया दोस्तों पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था उसने पूरे के पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और एक बंगाल का एक सैनिक कमांडर था जिसका नाम एडवर्ड हैरी डायर था एडवर्ड हैरी डायर को पूरी शक्तियां सौंप दी कि तुम्हें बस पंजाब में शांति बना के रखनी है तुम्हें इसके लिए जो करना है वो करो अब यहाँ पर नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है देखो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था और सैनिक कमांडर एडवर्ड हैरी डायर था तो चूंकि मार्शल लॉ लगा दिया पंजाब में और मार्शल लॉ किसने लगाया है माइकल ओ ने लगाया है मार्शल लॉ का मतलब है कि सैनिक शासन आपने लगा दिया तो अब सेना को बुलाना पड़ेगा तो बंगाल से सेना को बुलाया गया और उस सेना का कमांडर एडवर्ड हैरी डायर हुआ करता था तो एडवर्ड हैरी डायर को पूरी शक्तियां सौंप दी जाती हैं ठीक है थीके? और सबसे पहले एडवर्ड डायर ने क्या किया डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया अब जैसे ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया तो हंसराज नाम के एक व्यक्ति ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियावाला में वैशाखी के दिन एक सभा आयोजित की जिसमें लगभग बीस हजार लोग शामिल हुए ठीक है सैनिक कमांडर एडवर्ड हैरी डायर ने 150 सैनिकों के साथ इस सभा को रोकने के लिए पहुंचा और बिना वार्निंग दिए और पूरे के पूरे जलियावाला बाग वाले इलाके में सिर्फ एक ही गेट था बिना कोई वार्निंग दिए लोगों पर गोलियां चला दी गई एक हजार से भी ज्यादा लोग घाय मारे गए और कितने ही लोग घायल हुए और इसी को कहा गया जलियावाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को सैनिक कमांडर एडवर्ड हैरी डायर ने किया दोस्तों तो याद रखना माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जो हैरी डायर है ठीक है ये उस समय कौन था दोस्तों तो ये सैनिक कमांडर था जिसने जलियावाला पर गोलियां चलाई थी तो ये एक पूरी क्रोनोलॉजी आप समझना दोस्तों कि 1919 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है इसका सही नाम दी एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था और यह अधिनियम सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर बनाया गया था इसका विरोध पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने किया था इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग नाम की एक जगह है अमृतसर में वहाँ पर हंस राज के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है उस सभा पर एक सैनिक कमांडर जिसका नाम हैरी डायर है तो हैरी डायर क्या करता है दोस्तों गोलियाँ चला देता है कुछ लोग कहते हैं एक हजार लेकिन सही आंकड़े जो बताते हैं कि पाँच हजार से भी ज़्यादा लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए वहां पर कुआ था वहां पर छलांग लगा दी और बहुत से लोगों की बुरी घटना थी और पूरे देश में इसका क्रिटिसाइज किया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी संकर नारायण ने वायसराय की समिति से अपना इस्तीफा दे दिया सी एफ जिनको दीन बंधु कहा जाता था इसे क्रूर हत्या कहा ठीक है मोन्टेग्यू ने अपने सैनिक का बचाव करते हुए इसे निवारक हत्या कहा ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून 2013 में जब भारत आए तो इसने उन्हें शर्मनाक घटना का नाम दिया और इसके बाद बहुत सी समितियों और जांच आयोगों का गठन किया गया देखिए दोस्तों जलियावाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था इसकी जांच करने के लिए समितियों का निर्माण किया गया कमेटीज का फॉर्मेशन किया गया एक समिति ब्रिटेन की सरकार ने बनाई और एक समिति कांग्रेस ने अपनी जांच करने के लिए बनाई तो कांग्रेस की समिति का महत्व नहीं रहेगा क्योंकि वो कांग्रेस ने अपने हिसाब से बनाई है जो महत्वपूर्ण समिति है जिसके आधार पर निर्णय लिया गया वो था हंटर जांच आयोग हंटर कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसमें कुल आठ सदस्य थे टोटल कुल आठ सदस्य थे और इसमें तीन भारतीय शामिल थे चिमन लाल सीतलवार साहब जादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण इसमें शामिल थे ठीक है इस कमेटी ने ये कहा कि देखिए डायर को ये गोली जानबूझकर नहीं चलाई है उसे ये गोलियां मजबूरी में चलानी पड़ी हालांकि डायर को एक वार्निंग देनी चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं ऐसा तो होता रहता है और जनरल डायर के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया सिर्फ दिखावा करने के लिए उसे नौकरी से हटा दिया गया और जब जनरल डायर को नौकरी से हटाया और जब वह ब्रिटेन पहुंचा तो ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया उसे साथ ही साथ मान की तलवार की उपाधि दी गई सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर उसे कहा गया तो ये दिखाता है ब्रिटेन के डबल फेस को कि हंटर आयोग जो बनाया जांच करने के लिए हंटर कमेटी जो बनाई वो सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी नाम मात्र के लिए डायर को नौकरी से हटा दिया गया और जब वो ब्रिटेन पहुंचा तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ब्रिटिश साम्राज्य का शेर और मान की तलवार शॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि प्रदान की गई इसमें एक बात याद रखें कि जलियावाला बाग में बच गए एक बच्चे ऊधम सहने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी हालांकि वह हैरी डायर की हत्या करना चाह रहे थे लेकिन माइकल ओ डायर की हत्या कर दी जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जिन्होंने हैरी डायर को बुलाया था और मार्शल लॉ पंजाब पर लगाया था तो ब्रिटेन के द्वारा ये काम किया गया तो सवाल पूछ लिया जाता है कि जलियावाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटेन ने किस समिति का निर्माण किया तो उसका नाम है हंटर कमेटी कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक तहकीकात समिति बनाई जिसमें महात्मा गांधी सी आर दास मोतीलाल नेहरू पुपुल जैकर और अब्बास तैयब जी शामिल थे और इन्होंने हंटर कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना की और रिक्वेस्ट किया कि हैरी डायर को सजा मिलनी चाहिए हालांकि वो सजा हैरी डायर को नहीं मिली तो इसी के साथ दुनिया की सबसे क्रूर घटना जलियावाला बाग को हैरी डायर ने अंजाम दिया पाँच हजार से ज्यादा लोग निहत्थे मासूम लोग मारे गए इसमें और उसके बाद भी ब्रिटेन की सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया हालांकि 2013 में जब डेविड कैमरून भारत आए थे जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि ये पूरे के पूरे ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों खिलाफत आंदोलन जरा हम डिस्कस कर लेते हैं जो इन घटनाओं के पैरल चल रहा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस इतना याद रखें कि खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था बस इतनी ही बातें याद रखिए और एक कमेटी बनाई गई थी खिलाफत कमेटी जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे ठीक है तो देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या दो तो तीन बातें मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ जिसमें ब्रिटेन की जीत हो गई और तुर्की जो कि ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था उसकी हार हो गई तुर्की के साथ ब्रिटेन ने ट्रीटी ऑफ सैब्रे को साइन किया सैब्रे की संधि को हस्ताक्षर किया तुर्की इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है क्योंकि इस्लाम के सबसे बड़े धर्मगुरु खलीफा वहां पर रहा करते थे तो जैसे ही खलीफा का अपमान किया पूरी दुनिया में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया और ब्रिटेन से ये कहा गया कि उन्हें खलीफा का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए तो इसी के साथ भारत में अली बंधु अली बंधुओं में कौन शामिल है तो देख लीजिए एक बार अली बंधुओं में मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल हैं तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता बढ़ाने का एक साधन समझा और इस आंदोलन को समर्थन दिया जब महात्मा गांधी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन को धार्मिक आंदोलन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए पर महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया एक खिलाफत कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन है जिसको एक अगस्त 1920 में शुरू किया गया था और इसकी समाप्ति 1922 में चौरा चौरी घटना के साथ हो जाती है महत्व देखिए इस युद्ध प्रथम आंदोलन का जो कारण था वो रॉलेट एक्ट जलियावाला बाग हत्याकांड मोन्टियोगी चेन्सफोड सुधार अधिनियम पहला विश्व युद्ध महंगाई बेरोजगारी ये सब इसके प्रमुख कारणों में आएंगे आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत है वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी तिलक की मृत्यु के बाद इसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है तो बाल गंगाधर तिलक की शोक में एक तिलक कोष बनाया गया था और ये लक्ष्य रखा गया था कि एक साल में हम इसमें एक करोड़ रुपए जोड़ेंगे जिसके द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा हालांकि शुरुआत के छः महीने में ही इस कोष में एक करोड़ रुपये जोड़ लिए जाते हैं महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत में केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया देखिए कांग्रेस की स्वीकृति इस आंदोलन के लिए जरूरी थी तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले कलकत्ता विशेष अधिनियम में इसे इसे अस्वीकृत कर दिया गया और वीर राघवाचार्य की अध्यक्षता वाले नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत किया गया तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन अच्छा ये ठीक कर लीजिएगा वो वहां पर गलत हो गया था कांग्रेस के अधिवेशनों में तो याद रखें सबसे पहले सितंबर उन्नीस में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे और वहां पर असहयोग आंदोलन को अनुमति नहीं दी गई फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजया राघवाचार्य कर रहे थे और इसमें इस, इस आंदोलन को स्वीकृत कर लिया गया और इसके बाद चितरंजन दास ने इस प्रस्ताव को पेश किया था आगे बढ़े तो आंदोलन के कार्यक्रम और घटना की बात करें तो यहाँ पर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया गया सरकारी शिक्षा का विरोध स्वदेशी को बढ़ावा और इसी क्रम में 1920 में काशी विद्यापीठ 1920 में ही जामिया विश्वविद्यालय 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रधान आचार्य बने और जे पी नारायण जो कि अपने कॉलेज की बस पढ़ाई खत्म करने वाले थे पंद्रह दिन की पढ़ाई बची हुई थी इन्होंने बिहार के कॉलेज को छोड़ दिया विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया अब अगला सवाल ये आता है कि आखिरकार असहयोग आंदोलन का दमन कैसे किया गया तो देखिए 1921 में लॉर्ड मिंटो के स्थान पर लॉर्ड रीडिंग को वायसराय बनाया जाता है 1900 और इसी के साथ दमन शुरू हो जाता है तो सबसे पहले लॉर्ड रीडिंग ने क्या किया अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली जिन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था इनको गिरफ्तार कर लिया ठीक है तो जैसे ही अली बंधुओं की गिरफ्तारी की जाती है तो महात्मा गांधी ने यह कहा कि अगर अली बंधुओं को नहीं छोड़ा गया तो मैं बड़दौली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि देखो प्रिंस के जो सॉरी uh, वेल्स के जो युवराज हैं वह है भारत आ रहे हैं और अगर आपने अली बंधुओं को नहीं छोड़ा तो जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आएंगे तो हम पूरे देश भर में हड़ताल करेंगे ठीक है और इस समय गांधी जी बरदौली पहुंच गए थे ये भी याद रखना और इसी बीच में क्या होता है दोस्तों पांच फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरा चौरी वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा हिंसा कर दी जाती है और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है इस बात से गांधी जी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि गांधी जी का जो प्रमुख सिद्धांत था वो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत था तो गांधी जी इस आंदोलन की समाप्ति का निर्णय लेते हैं और फाइनली इस मूवमेंट को खत्म कर दिया जाता है तो भगवान अहिर के द्वारा निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने राठीचार्ज किया इसमें 20 लोगों की मौत हो गई सरकार ने 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई हालांकि मदन मोहन मालवीय ने अपनी वकालत के द्वारा 151 लोगों को बचा लिया और 12 फरवरी 1922 को जब महात्मा गांधी बड़ौली में थे सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा कि मैं हर यातना सह सकता हूं पर हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा और बाद में महात्मा गांधी के ऊपर एक केस चला और 1922 को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 साल की सजा दे दी हालांकि 1924 में ही खराब स्वास्थ्य के कारण महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया और 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में जो सम्मेलन आयोजित हुआ महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की कांग्रेस का इकलौता ऐसा सम्मेलन है जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की है वो कांग्रेस का बेलगांव सम्मेलन है गांधी जी के इस निर्णय का विरोध पूरे देश भर में किया गया डॉक्टर मुंजे ने महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया लाला लाजपत राय ने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित नहीं किया जाना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को नहीं मिलनी चाहिए चितरंजा दास ने कहा कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं परंतु अंत में साहस छोड़कर बहक जाते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे थे तो दोस्तों ये है असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल जाती है यह आंदोलन बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया लॉर्ड रीडिंग जब भारत का वायसराय बना तो लॉर्ड रीडिंग ने ठीक है जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उस समय मिंटो भारत का वायसराय था लेकिन जब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था तो रीडिंग उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है लॉर्ड रीडिंग ने अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गांधी जी ने इसका विरोध किया और इस तरह से चौरा चौरी की एक घटना यूपी में घटती है और महात्मा गांधी बरदौली से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं तो यह था गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन जो कि समाप्त कर दिया गया अब होता यह है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने यह आंदोलन तो समाप्त कर दिया लेकिन बात तो आगे भी बढ़नी थी तो गांधी जी ने यह कहा कि देखिए मैंने इस आंदोलन को जनता के लिए खत्म किया है लेकिन कांग्रेस अब भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी तो उन्होंने कहा कैसे तो उन्होंने कांग्रेस से कहा कि जो भी चुनाव ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कराए जाएंगे हम उन चुनावों में भाग नहीं लेंगे इसी बात को लेकर के मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने महात्मा गांधी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए हमें चुनावों से दूर नहीं रहना चाहिए लेकिन महात्मा गांधी इस समय तक बहुत बड़े नेता बन चुके थे और कांग्रेस ने महात्मा गांधी की बात को मान लिया इस बात से दुखी होकर के चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी रखा गया तो सवाल पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की स्थापना क्यों की गई क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के अंदर असहयोग आंदोलन को शुरू रखना चाहते थे जारी रखना चाहते थे इस कारण उन्होंने चुनाव में भाग ना लेने का निर्णय बनाया और असहयोग आंदोलन को शुरू रखना चाहा तो इसी का विरोध करते हुए चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली ठीक है आगे बढ़े अगले पार्ट पर अगर हम चले तो स्वराज पार्टी की बात तो हमने कर ही ली ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है सारी चीजें हम समझ चुके हैं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्रंजन दास थे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ अब फिर महात्मा गांधी को ये लगने लगा कि देखिए साहब मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने एक पार्टी तो बना ली है कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस दो भागों में बट जाए क्योंकि अभी अभी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है वैसे भी गांधी जी से भारत के बहुत से लोग नाराज़ हैं तो गांधी जी को ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाता है और तब ये कहा जाता है कि कांग्रेस के सदस्य अगर चाहें तो वो व्यक्तिगत स्तर पर या स्वराज पार्टी की ओर से चुनावों को लड़ सकते हैं तो एक प्रकार से स्वराज पार्टी और कांग्रेस को मिला दिया गया या आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक शाखा के रूप में स्वराज पार्टी आगे बढ़ी और बाद में चल करके जब स्वराज पार्टी को सफलता मिल गई 1923 में जो चुनाव हुए उसमें से 22 सीटों 42 सीटों पर स्वराज पार्टी जीती मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन गई संयुक्त प्रांत और असम में दूसरी बड़ी पार्टी बन गई ठीक है तो प्रमुख क्या रही सफलताएं रही बाद में गांधी जी और चितरंजन दास के बीच में भी समझौता हो जाता है और ये कहा गया कि स्वराज पार्टी जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी और महात्मा गांधी क्या करेंगे लोगों को अवेयर करेंगे लोगों को क्या करेंगे अवेयर करेंगे ये बात साइड की जाती है तो बस यहां पर यही बात महत्वपूर्ण है कि 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई ठीक है अब यहां तक की पूरी कहानी को समझ ले एक फेज हम खत्म कर चुके हैं 1927 में जब साइमन कमीशन आएगा तो साइमन कमीशन के द्वारा बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाएगा सिविल मूवमेंट को शुरू किया जाएगा तो देखिए साइमन कमीशन के बारे में कुछ बातें समझिए मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में लाया गया था उसमें एक प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करने के लिए एक आयोग भारत आएगा तो कहा यह गया कि 1919 में मोन्टीग्यू चेंट सुधार अधिनियम भारत आया तो इसकी समीक्षा करने के लिए उन्नीस में एक आयोग बनाया जाएगा लेकिन होया हुआ यह दोस्तों कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और चुनाव होने के कारण जो आयोग उन्नीस में आना था वो आयोग 1927 में ही आ गया और इस आयोग की अध्यक्षता जॉन साइमन कर रहे थे तो इस कारण से इसे साइमन कमीशन कहा गया इस समय प्रधानमंत्री कौन थे तो भैया स्टैंडली बॉल्डविन थे जो कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे इस आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन थे और इसमें सात सदस्य थे और लॉर्ड इरविन ने ये कहा कि सातों सदस्य ब्रिटिश ही होने चाहिए इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होना चाहिए तो यही था साइमन कमीशन जो 1927 में बना और 1928 में भारत आया तो देखिए साहब इसी बीच में कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन का आयोजन हुआ जिसके अध्यक्ष एम ए अंसारी थे और इसमें अखिल भारतीय विद्रोह करने का निर्णय लिया गया और साइमन गोबैक की बात कही गई कारण यही था कि इस आंदोलन में एक भी भारतीय नहीं था और दो साल पहले ही साइमन कमीशन को बना दिया गया और भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय नहीं कर रहे हैं यही बात साइमन कमीशन के खिलाफ थी तीन फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत या बंबई पहुंचता है जहां इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए लखनऊ में इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया जहां लाठी चार्ज से इनकी मौत हो जाती है और इसी के बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने सांडर्स की हत्या की थी जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है ठीक है साइमन कमीशन तीन फरवरी को भारत आया था ये हम सभी जानते हैं साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें ये हुई कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की थी उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए ठीक है उड़ीसा और सिंध को अलग अलग प्रदेश का दर्जा मिलना चाहिए मताधिकार का विस्तार होना चाहिए दस वर्षों के पश्चात दोबारा आयोग की, आयो की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए अल्पसंख्यक जातियों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए और इसी के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बनाए गए और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया साइमन कमीशन की सिफारिशों को सर शिव स्वामी ने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक कहा था अब पूरी कहानी को समझिए एक बार ध्यान से देखो दोस्तों हुआ यह कि उन्नीस में 1919 में मोन्टेगू चेम्सफोड रिफॉर्म भारत में लाया गया मंटीक्यू चेम्सफोड रिफॉर्म में एक धारा ये थी कि 10 वर्षों के बाद ब्रिटेन के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा और ये आयोग या ये कमीशन क्यों बनाई जाएगी यह आयोग दो कारणों से बनाया जाएगा पहला कारण ये रहेगा कि आयोग ये बताएगा कि ये जो 1919 का मोन्टेग्यू चैम्सफूड रिफॉर्म है इसने काम कैसा किया है और यह आयोग यह बताएगा कि आगे की नीति क्या होनी चाहिए आगे की पॉलिसी क्या होनी चाहिए तो अगर हम देखें कि दस वर्षों के बाद आयोग बनना था मतलब कि उन्नीस में आयोग का निर्माण किया जाना चाहिए था लेकिन इसी समय ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे तो यह निर्णय लिया गया कि इस आयोग को दो साल पहले 1927 में ही बना दिया गया इस आयोग की अध्यक्षता जॉन साइमन नाम के एक व्यक्ति को दी गई इस कारण इसे क्या कहा गया साइमन आयोग कहा गया तो देखो पहली गलत बात क्या होगी पहली गलत बात यह हो गई कि जिस आयोग को उन्नीस में बनना था उस आयोग को दो साल पहले उन्नीस में बना दिया इसमें एक और बड़ी गलती ये हो गई कि यह एक सात सदस्यीय आयोग था और से यह पूछा गया कि इरविन साहब जो भारत के वायसराय थे आपको क्या लगता है क्या हमें भारतीयों को इसमें जगह देनी चाहिए तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि नहीं हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को रखना चाहिए तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था तो ऐसा आयोग जो दो साल पहले बन गया हो और जिसमें कोई भी भारतीय ना हो यही कारण था कि साइमन आयोग का विरोध किया गया तो आप कहोगे सर ये आयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों था दोस्तों साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत की लिए ब्रिटेन की अगली नीति का निर्माण होना था अब शुरू से आप देखो तो हर 10 या 20 सालों में ब्रिटेन की सरकार भारत के लिए एक संविधान बनाती थी या नई नीतियां बनाती थी 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया 1919 में उन्नीस में रिफॉर्म आया और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया जिसने भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित किया था तो आप ये कह सकते हैं कि साइमन कमीशन रिपोर्ट की आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण किया गया तो एक प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो आप सोचिए आप भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं और उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है यही कारण था कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया 1928 में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और भारत में यह बंबई वाले इलाके में आया साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और लाला लाजपत राय जो कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाठी चार्ज लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है लाठी लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि वो साइमन कमीशन का विरोध करेंगे ये बात भी साफ कर दी गई पर साइमन कमीशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा उन्नीस सौ में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी इस रिपोर्ट में सबसे पहली बात यह कही गई कि 1919 के मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जो प्रांत है जो प्रोविंस है वहां पर द्वैध शासन की व्यवस्था को शुरू किया गया था डायरकी को शुरू किया गया था इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं होना चाहिए द्वैध शासन का मतलब यह है कि प्रांतों में जितने विषय होते थे उन्हें दो भागों में बांट दिया गया एक आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट जो कि गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते थे जिसमें फाइनेंस होता था और दूसरा था हस्तांतरित विषय जिसको ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट कहा जाता था ये विषय मंत्रिमंडल के पास होते थे जिसमें मैनेजमेंट का काम आता था तो ये वही बात है कीजिए, ये मैनेजमेंट वाली वही बात है जो 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के साथ किया था बंगाल में उसने द्वैध शासन की व्यवस्था को शुरू किया था और सारे के सारे अधिकार अपने पास रख लिए थे तो उसी प्रकार की एक व्यवस्था को 1919 के मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जारी किया गया तो साइमन कमीशन ने कहा इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए दूसरी बात साइमन कमीशन ने यह कही कि जो प्रांत हैं यहाँ की सरकार को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए लेकिन जो केंद्र की सरकार है उसको अधिकार अभी भी सीमित रहने चाहिए चौथी बात यह कही कि जो मताधिकार है मतलब कि वोटिंग राइट है इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी अब इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की संसद भारत के लिए अगली बड़ी योजना बनाना चाहती थी लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि भैया इसमें भारत के लोग भी पार्टिसिपेट करें तो इसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने योजना बनाई कि हम तीन फ्रेंड्स बुलाएंगे लंदन वाले इलाके में तो दोस्तों 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 और 32 के गोलमेज सम्मेलन में, में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया लेकिन 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, में कांग्रेस ने भाग लिया गांधी इरविन समझौते के बाद पर इससे भी बात नहीं बनी लेकिन ब्रिटेन के लोग कहां रुकने वाले थे ब्रिटेन के लोगों ने गोलमेज सम्मेलन के आधार पर एक श्वेत पत्र निकाला जिसे वाइट पेपर कहा जाता है और 1935 में भारत शासन अधिनियम बना दिया ठीक है तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना इसके बैकग्राउंड में ये पूरी की पूरी कहानी है कि सा, आ, आ, साइमन कमीशन बनाया साइमन कमीशन बनाया उसकी रिपोर्ट आई फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे बीच में गांधी इरविन समझौता पूना पैक्ट होगा उसके बाद एक वाइट पेपर पब्लिश किया जाएगा और फिर दोस्तों 1935 में भारत शासन अधिनियम की घोषणा कर दी जाएगी तो ये स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी बैकग्राउंड में चलती है ठीक है तो इसीलिए साइमन कमीशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसीलिए इसका विरोध किया गया अब इसी बीच में बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है कहानी ये होती है कि भारतीय ये कह रहे थे कि देखिए साहब आप भारतीयों के लिए योजना बनाने वाले हैं तो उसमें भारतीयों को तो शामिल कर लो ये बात भारतीय बार बार कह रहे थे तो क्या हुआ तो भारत सचिव इस समय भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किन है कौन थे लॉर्ड बर्केन है तो लॉर्ड बर्केन हेड ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि भारत के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें योजना निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए तो मैं भारत के लोगों को एक चुनौती देता हूं कि अगर उन्होंने सभी पार्टियों की सहमति से एक संविधान बना करके हमें दे दिया तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये बात इन्होंने कही। तो इस चुनौती को स्वीकार किया गया और चुनौती को स्वीकार करने के बाद दिल्ली में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया फरवरी 1928 में जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इस कमेटी में यह डिसाइड किया गया कि अब सब लोग मिलकर के एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस समिति ने एक रिपोर्ट बनाई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया लेकिन नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना अग्री नहीं कर रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं इस रिपोर्ट में चौदह बातों को बदलना चाहता हूं और इसी को मोहम्मद अली जिन्ना का चौदह सूत्री फॉर्मूला कहा गया तो पूछ लिया जाता है कई बार कि मोहम्मद अली ने अपना 14 पॉइंट चेंजेस या चौदह सूत्री फॉर्मूला क्यों दिया तो दोस्तों यह फॉर्मूला उन्होंने परिवर्तन करने के लिए दिया किस में परिवर्तन करने के लिए दिया नेहरू रिपोर्ट में परिवर्तन करने के लिए दिया इसी बीच में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसके बारे में सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के सामने 11 मांगे रखी जिन्हें गांधी जी की 11 सूत्री मांगे कहा जाता है लेकिन इन 11 मांगों को नहीं माना गया और इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया और अब दोस्तों हमारा तेरवा सेकंड लास्ट चैप्टर शुरू होता है और अब हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन की याद रखना चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिस मूवमेंट के बैकग्राउंड में क्या है तो इसके बैकग्राउंड में है साइमन कमीशन ठीक है साइमन कमीशन इसके बैकग्राउंड में है और इसके बैकग्राउंड में क्या है तो महात्मा गांधी ने ऐसे नहीं कि महात्मा गांधी ने तुरंत ही एक आंदोलन शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने पहले पूछा क्या पूछा गांधी जी ने गांधी जी ने पहले लॉर्ड इरविन और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड थे तो मैकडोनल्ड और इरविन के सामने एक लेटर भेजा और उस लेटर में अपनी 11 डिमांड्स को रखा कि इन 11 मांगों को आप मान लीजिए लेकिन जब रेमजे मैकडोनल्ड और इरविन ने इन 11 मांगों को नहीं माना तब महा तब महात्मा गांधी ने बारह मार्च बारह मार्च 1930 को डांडी यात्रा शुरू की और वहीं से शुरू हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन घटनाएं देखें कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेंगी कि 12 जनवरी 1930 को डांडी मार्च का आयोजन किया जाएगा लेकिन ये सारी की सारी बातें अब हम 20 मिनट के एक ब्रेक के बाद पढ़ेंगे उसके बाद हम इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद दोस्तों एक से सवा घंटे में पूरे के पूरे इतिहास को हम खत्म कर देंगे तो मिलते हैं मिनट के बाद तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा चलिए दोस्तों तो अब हम अपने तेरहवे अध्याय को शुरू करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक की प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात में आपको यहां बताना चाहूंगा है देते है अभी अभी हैं कि जो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट है तो असहयोग आंदोलन को स्वीकृति जो है वो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में ही मिल गई थी जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन हुआ था जिसको लाला लाजपत राय ने लीड किया था और उसके बाद फिर जो नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसको वीर राघवाचार्य लीड कर रहे थे वहां इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए दूसरी दूसरी पॉलिसीज़ बनाई गई थी और कांग्रेस ने अपनी नीतियों को भी चेंज कर लिया था तो कंफ्यूज नहीं होना है वो एक गलत पीपीटी यहाँ बीच में आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और यहां पर याद रखें कि कलकत्ता अधिवेशन में ही इसकी अनुमति मिल जाती है हालांकि विरोध भी होता है पर कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव को रख दिया जाता है और फिर नागपुर अधिवेशन में इसको आगे बढ़ा दिया जाता है अब हमें बात करना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक की कहानी को तो इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हो रहा है महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया जब उनकी 11 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी यात्रा की और उन्नीस से उन्नीस तक सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिस मूवमेंट को शुरू किया गया ये जो सभी आंदोलन है यह दो भागों में शुरू किया जाता है फिर दोस्तों 1930 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन को 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ क्योंकि महात्मा गांधी और कांग्रेस दोनों ने ही गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था कांग्रेस उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी तो कांग्रेस के बिना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अधूरे थे तो रेंज मैकडोनल्ड ने तात्कालीन वायसराय इरविन से कहा कि वो कांग्रेस और महात्मा गांधी के साथ एक समझौता करें तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के साथ समझौता किया जो मार्च 1931 में हुआ इसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है इसके बाद महात्मा गांधी 1931 दिसंबर में आयोजित हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं लेकिन इस सम्मेलन से महात्मा गांधी और कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया जाता है जैसे ही महात्मा गांधी वापस आते हैं दिसंबर 1931 का समय है अब 1932 लग चुका है और 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड के द्वारा एक योजना की घोषणा की जाती है जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्यूनल अवार्ड कहा जाता है इसके द्वारा दलित वर्ग को भी मुस्लिम वर्ग की तरह अलग से आरक्षण दिया जाएगा इस बात को लेकर के महात्मा गांधी अपना विरोध प्रारंभ करते हैं वह आमरण अंशन पर बैठ जाते हैं तो 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता होता है फिर दोस्तों 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होता है हालांकि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता डॉक्टर थे तो देखिए दोस्तों पहले सॉरी दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बीच में कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट साइन हो जाता है बात आगे बढ़ती है 1937 में भारत में प्रांतीय चुनावों का आयोजन किया जाता है मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा रख दी जाती है 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड को गो अगस्त प्रस्ताव को पेश करते हैं ताकि भारत के लोग दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करें हालांकि इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा खारिज कर दिया जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग भारत के साथ संविधान सभा का निर्माण नहीं करना चाहती वह चाहती है कि संविधान सभा पाकिस्तान और भारत के लिए अलग अलग बने अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया जाता है मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है हालांकि क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है और अंततः 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया जाता है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अतः यह आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाता और फिर दोस्तों आखिरी अध्याय में हम देखेंगे कि 1942 से 1947 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी इसमें दो ही घटनाएं प्रमुख हैं आजाद हिंद फौज का गठन डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान निकोबार से रेडियो तार का संचालन फिर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ना और उनके ऊपर लाल किले से मुकदमा चलाना और इसके बाद शाही नौसेना विद्रोह और अंततः 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है वो आखिरी अध्याय रहेगा बहुत छोटा सा अध्याय रहेगा तो प्रमुख घटनाएं इसी बीच में हुई हैं इन घटनाओं का अध्ययन दोस्तों हमें करना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दांडी मार्च की तो डांडी मार्च के बारे में याद रखें कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा डांडी मार्च किया गया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी प्रेरणा महात्मा गांधी ने थौरो से ली थी शुरू हो जाता है सिविल डिस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पहला चरण है वो 12 मार्च से शुरू होकर के 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला और इसके बाद गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है इसके बाद महात्मा गांधी दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं लंदन वाले इलाके में चले जाते हैं दोस्तों और फिर वापस आ जाते हैं जब दूसरा गोल में सम्मेलन असफल हो जाता है तो उसके बाद जनवरी 1932 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ होता है 1934 तक आते आते यह आंदोलन ठंडा पड़ जाता है और महात्मा गांधी हरिजन सेवा में बिजी हो जाते हैं क्योंकि हाल ही अपूना पैक्ट के से भी इस आंदोलन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में होगा मार्च 1930 से मार्च 1931 तक और जनवरी 1932 से 1934 तक ठीक है तो ये चीजें यहां पर आपको याद रखनी है कारण यही है साइमन कमीशन आया था नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बना दिया उन्नीस में वैश्विक महामंदी है गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को अस्वीकृत गोलमेज सम्मेलन की विफलता अब यहां से आंदोलन शुरू होगा डांडी मार्च तो डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी हेतु पद यात्रा आरंभ की 24 दिनों के बाद तीन किलोमीटर चलने के बाद छह अप्रैल 1930 को गुजरात के डांडी महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं और यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले यह नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक घोषणा करते हैं देखिए नमक के ऊपर कर लगाया जाता था नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता था तो महात्मा गांधी यहां पर डांडी पहुंचते हैं जो कि नौसारी गुजरात में स्थित है यहाँ पर वो नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और कहते हैं कि अब मैं दूसरा बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं और इस आंदोलन का नाम है अवग्या आंदोलन सिविल मूवमेंट आप पूछोगे कि सर ये आंदोलन शुरू क्यों किया गया तो इस आंदोलन को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन और रेमजे मैकडोनल्ड के सामने ग्यारह मांगों को पेश किया गया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमारी ये 11 मांगे मान ली जाएंगी तो हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन का और अगर हमारी ये 11 मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करूंगा जब महात्मा गांधी ने दांडी से सॉरी साबरमती आश्रम से डांडी की यात्रा की तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा और की यात्रा से की ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आंदोलन के कार्यक्रम की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी दांडी पहुंच जाते हैं वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की बताया कि पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा हम करों को अदा नहीं करेंगे महिलाएं जो हैं वो विदेशी कपड़े और दुकानों पर धरना देंगी सरकारी उपाधि और नौकरियों का त्याग किया जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया जाएगा सूत और चरखे का उपयोग किया जाएगा सत्य और अहिंसा को बना करके रखा जाएगा तो देखो इसमें ना ये नमक वाला मुद्दा बस कॉमन है और नमक एक इतना इंटरेस्टिंग मुद्दा था इस समय कि नमक तो हर कोई खाता है वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो नमक तो वो खाता ही खाता है तो इससे लोग ज्यादा जुड़ेंगे और फिर से मैं बता रहा हूं कि महात्मा गांधी के अगर तीनों आंदोलनों को आप देखें जिसमें असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है तीनों आंदोलन एक दूसरे का एक्सटेंशन है महात्मा गांधी ये नहीं कहते थे कि मैं आंदोलन खत्म कर रहा हूं महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूं मैं इसको स्थगित कर रहा हूं तो असहयोग आंदोलन का एक्सटेंशन रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही एक एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा ठीक तो छह अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की असम में इस आंदोलन का जो प्रसार है असम वाले इलाके में इस मूवमेंट को तरुण राम ने आगे बढ़ाया मणिपुर में जदुनांग और रानी गेडेलियो ने आगे बढ़ाया जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं जनजाति आंदोलन में जीआर लांग आंदोलन के रूप में तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी इसको आगे बढ़ा रहे थे मालाबार में के टी माधवन ने आगे बढ़ाया बम्बई धरसना में सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने आगे बढ़ाया पेशावर में सिंह गढ़वाली पश्चिम उत्तर प्रांत में खान खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया यहीं पर महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी गई ठीक है उड़ीसा में गोपी चंद्र ने बिहार में चौकीदार कर रोको आंदोलन चलाया और गुजरात में भूमि कर नहीं आंदोलन चलाया इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो मणिपुर है तो मणिपुर में जदुनांग आंदोलन है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी धरसणा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि धरसणा में महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू इमाम साहेब और मणिकलाल गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया जाएगा और यहाँ पर पुलिस इनके ऊपर लाठी चार्ज कर देगी बहुत निर्मम तरीके से लाठी चार्ज किया जाएगा तो पूछा जाता है कि धरसणा की घटना का संबंध किस चीज से है तो सबिनय अवज्ञा आंदोलन से है धरसणा मुंबई में आता है यहां नमक बनाने की एक फैक्ट्री थी उसी का घेराव करने की योजना बनाई गई थी महात्मा गांधी सरोजनी नायडू मणिक लाल गांधी और इमाम साहेब के द्वारा और एक याद रखना है पश्चिम उत्तर प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यहां पर याद रखें कि खान अब्दुल गफ्तार खान ने लाल कुर्ती मूवमेंट यहां पर चलाया था और यही महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि भी प्रदान की गई थी ठीक है तो दक्षिण भारत में जैसा मैंने बताया कि तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने और मालाबार में के माधवन ने इसको आगे बढ़ाया था जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी जो कि 12 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चली थी उसी प्रकार सी राजगोपालाचार्य ने तमिलनाडु में त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी वही मालाबार में केलप्पन और माधवन ने कालीकट से पयनूर की पदयात्रा की थी ठीक है धर्सना की बातें कुछ मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने बंबई में धर्सना को आंदोलन का केंद्र बनाया धरसना की नमक शाला में नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया पांच मई 1930 को ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया फिर सरोजनी नायडू अब्बास तैयब जी इमाम साहिब और मणिकलाल गांधी ने इसको संभाला ठीक है पुलिस ने निर्मम लाठी चार्ज किया जिसका वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने न्यू फ्रीमैन अखबार में किया है और धर्सना जैसा निर्मम दृश्य मैंने कभी नहीं देखा तो पूछ लेते हैं कि जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उस समय कौन पत्रकार भारत आया तो अमेरिका का पत्रकार वेब मिलर भारत आया था और उसने न्यू फ्रीमैन अखबार में इस पूरी की पूरी घटना का वर्णन किया था आगे बढ़ते हैं लाल कुर्ती आंदोलन जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पश्चिम उत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है उनके द्वारा चलाया गया था तो यह पश्चिम उत्तर प्रांत में 1930 में चलाया गया खान, खान, जिनको सीमांत गांधी, बादशाह खान या अखबार अफवाह कहा जाता है इन्होंने अपनी खुदाई खिदमतगार संगठन जो कि लाल कुर्ता पहनते थे के साथ आंदोलन चलाया इनकी एक थी पक्तून, जिसको बाद में दस रोजा कहा गया ठीक है और इन्होंने कहा था कि यहाँ के कबीलों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी एकनाथ ईश्वर ने नॉन वायलेंस सोल्जर ऑफ इस्लाम नाम की एक किताब खान गफदुल अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर लिखी थी तो बस ये पूछ सकते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध कहां से है तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ये जुड़ा हुआ है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उत्तर पश्चिम प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था ये चीज दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बादशाह ए अफगान कहा जाता है इनके द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती थी पख्तून या दस रोजा और यहां के कबीलों ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था फिर ये हम पढ़ चुके हैं तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे मणिपुर में जदुनांग आंदोलन चलाया गया था तो ये हम पढ़ चुके हैं अब हमें यह डिस्कस करना है कि सिविल मूवमेंट की समाप्ति कैसे होती है ये जरा हम देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों इसकी समाप्ति दो चरणों में होगी सबसे पहले क्या होगा कि 1930 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया फिर 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हो गया और यहां गांधी जी ने यह डिसाइड किया कि अब इस आंदोलन को हम खत्म करेंगे तो शुरू कब हुआ था शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और खत्म कब हो जाएगा पहला चरण खत्म हो जाएगा 5 मार्च 1931 को क्यों खत्म हो रहा है क्योंकि भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ है गांधी इरविन पैक्ट हुआ है फिर दोबारा से क्या हुआ गांधी इरविन पैक्ट होगा और महात्मा गांधी कहां चले जाएंगे लंदन जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लेकिन दूसरा गोल में सम्मेलन असफल हो जाएगा और जब महात्मा गांधी वापस आएंगे तो फिर से फिर से दोस्तों आपको याद रखना है कि जनवरी 1932 में आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा और अब भारत का नया वायसराय राय कौन है लॉर्ड बिलिंगटन है तो लॉर्ड बिलिंगटन इस आंदोलन को बहुत क्रूरता से दबाएगा सभी नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाएगा और फाइनली 1934 आते आते ठीक है 1934 में इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी ने पिछले तेरह वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कही थी ठीक है अब जरा हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में ने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी सारी बातों को हम समझ चुके हैं आंदोलन कब शुरू हुआ तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ किस क्षेत्र में किसने आगे बढ़ाया तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने मणिपुर में जेरलांग आंदोलन चलाया गया उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में आ, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया धरसना में एक प्रमुख घटना घटित हुई आंदोलन दो चरणों में चला पहला जो चरण था वो 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला गांधी समझौते से खत्म हुआ दूसरा जो चरण था वो 1932 से 1934 तक चला था अब दोस्तों इसी बीच में हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कहानी को समझना होगा हमें समझना होगा कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनका आयोजन किया गया कब किया गया और उनके आयोजन में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं शामिल थी तो एक आउटलाइन पहले मैं आपको बता देता हूं आउटलाइन इसकी वही है जो अभी मैंने आपको समझाई थी कि 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया 1928 में साइमन कमीशन भारत आया उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद के सामने पेश की ब्रिटेन उसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम का निर्माण करना चाहती थी लेकिन वो चाहती थी कि भारतीयों को इस डिस्कशन में शामिल कर लिया जाए तो भारतीयों को इसमें शामिल करने के लिए तीन गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा तीनों लंदन में आयोजित किए जाएंगे पहला 1930 में फिर 1931 में और फिर 1932 में ठीक है चलिए समझते हैं गोलमेज सम्मेलन और गांधी समझौते के बारे में तो भारतीयों को पहली बार गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही अंग्रेजों के बराबर का दर्जा मिला था और गोलमेज सम्मेलन से भारत शासन अधिनियम 1935 निकल के आया था गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए अगर यह सवाल पूछा जाए ऑर्गेनाइज तो आंसर करना साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं 1930, 31 और 32 में ठीक है चलिए तो अब हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में बुलाया गया था ठीक है इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना था तीनों गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य यही था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना इसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और इसको खत्म किसने किया था ब्रिटेन अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी तो एक बात आप मान के चलिए कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो बड़े स्तर के सम्मेलन है क्योंकि गोलमेज सम्मेलनों का उद्घाटन दोस्तों कौन कर रहा है खुद ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम इसका उद्घाटन कर रहे हैं जबकि इसके चेयरमैन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या हुआ तो कुल 89 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था सत्तावन लोग ब्रिटिश भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे 16 लोग रियासतों से आए थे और 16 ब्रिटेन के लोग थे कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया लेकिन दूसरी पार्टियां गोलमेज सम्मेलन में, में आई हिंदू महासभा से मुंजे और जयंकर ने पार्टिसिपेट किया मुस्लिम लीग से मुहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने पार्टिसिपेट किया लिबरल पार्टी की ओर से तेज बहादुर सप्रू ने पार्टिसिपेट किया दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया और एंग्लो इंडियन के रूप में के टी पाल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाना चाहिए तो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने डिमांड की थी पृथक निर्वाचन मंडल की दलितों के लिए जिसको 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के रूप में कम्युनल अवार्ड के रूप में मान लिया जाएगा फिर क्या होगा दोस्तों फिर महात्मा गांधी अनशन करेंगे और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट साइन किया जाएगा मुस्लिम लीग ने यही कहा कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है जो सेपरेट इलेक्टोरल कलीग है उसको और बड़ा किया जाना चाहिए मुसलमानों को उसमें और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए देशी रियासतों ने कहा कि भैया ब्रिटिश भारत के अंतर्गत भारतीय संघ की स्थापना हो इसका निष्कर्ष क्या निकला अखिल भारतीय संघ का निर्माण प्रांतों में उत्तरदायी शासन और केंद्र में द्वैध शासन पर ब्रिटेन के सरकार की सहमति और ये तीनों चीजें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा शामिल की जाएंगी जब आप पॉलिटी में 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया गया जो 1919 के मोन्टेगू चोट सुधार के द्वारा जारी किया गया था दूसरा पॉइंट आप पढ़ते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन सेंट्रल में डुअल गवर्नमेंट को शुरू किया गया और वहां राज्यसभा और लोकसभा नाम के दो अलग सिस्टम बना दिए जाएंगे जो पहले ही बने हुए थे लेकिन अब केंद्र में केंद्र सूची राज्य सूची और संघ सूची बना दी जाएगी सॉरी संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाई जाएगी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाई जाएगी तो ये जो प्रावधान है और अखिल भारतीय संघ का निर्माण ये तीनों प्रावधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसलिए आए क्योंकि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का निष्कर्ष ही यही था यही कारण है कि ये तीनों पॉइंट हमें government of india act 1935 में देखने के लिए मिलेंगे फिर दोस्तों गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता होता है क्यों होता है तो बार-बार मैं आपको बता ही चुका हूं ये बात तो कंफ्यूजन नहीं होगा समझौता इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया ठीक है तो गांधी जी की रिहाई होती है फरवरी 1931 में तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयासों से गांधी जी ने दिल्ली में इरविन से मुलाकात की अरविंद नहीं है वो इरविन है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में दिल्ली में समझौता हुआ इसी कारण गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है ठीक है तो इसमें समझौते के बिंदु है समझौते के बिंदु आपको पढ़ना ही है ये आप पढ़ेंगे पीडीएफ से अब गांधी इरविन समझौता हो गया है महात्मा गांधी और कांग्रेस अग्री कर चुके हैं कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करेंगे और जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1930 से दिसंबर 1930 के बीच में कहां पर आयोजित होगा इकतीस हजार ये इकतीस से इकतीस में होगा ये ठीक है गलत हो गया यहां पर तो ये इकतीस में आयोजित होगा दोस्तों ये 1931 1931 में में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ही आयोजित होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसमें रहेंगे और सम्राट जॉर्ज पंचम इसमें रहेंगे अब भारत का वायसराय राय लॉर्ड विलिंगटन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण फर्स्ट फेज ऑफ सिविल मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट, और इसमें साइमन कमीशन भी ऐड कर दो इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था तो लॉर्ड इरविन के टाइम पर ये चार बड़ी घटनाएं हो गई लेकिन दूसरा गोल में सम्मेलन सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड इसके अलावा पूना समझौता या पूना पैक्ट सेकेंड राउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये किसके समय होगा तो ये होगा लॉर्ड विलिंगटन के समय कब होगा दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन के समय ये चीजें होंगी देखिए इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी जो पचपन राजपूताना जहाज से कहां पहुंचे थे लंदन पहुंचे थे किंग पैलेस में रुके थे ठीक है और अपने खर्चे पर मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट भी इसमें दलितों का रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर अंबेडकर ने किया भारतीय महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सरोजनी नायडू ने किया भारतीय व्यापारी जे डी बिरला हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय उदारवादी तेज बहादुर सप्रू और मुस्लिम लीग को जिन्ना और इकबाल रिप्रेजेंट कर रहे थे इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का विरोध किया लेकिन इस बात को नहीं माना गया यही कारण था कि पूरा पूरा का पूरा सम्मेलन फेल कर गया फेल करने के बाद गांधी जी भारत आए और भारत आने के बाद रेमजी मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत को घोषित किया सांप्रदायिक पंचायत का विरोध महात्मा गांधी ने किया और महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ तो कुछ भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो सिंपल सी बात हम जानते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए अंग्रेजों ने गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया था इसके बाद महात्मा गांधी कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे जहां एनी बेसेंट मदन मोहन मालवीय डॉक्टर अंबेडकर मोहम्मद अली जिन्ना जी डी बिरला ये सारे लोग भी पहुंचे हुए थे यहां पर सारी बातों को गांधी जी ने रखा लेकिन एक बात पर बात बिगड़ गई डॉक्टर अंबेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह मांग रखी थी कि दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरल कलीग दिया जाना चाहिए लेकिन महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखो साहब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दलित हिंदुओं का एक अभिन्न अंग है इससे हिंदू समाज में दरार आ जाएगी लेकिन महात्मा गांधी की इस बात को नहीं माना गया इससे दुखी होकर के महात्मा गांधी भारत वापस आ गए और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत महात्मा गांधी ने कर दी ठीक है लेकिन बीच में कुछ हुआ 1932 में 1932 में जब महात्मा गांधी भारत आ गए थे उसी समय रेमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी और कम्युनल अवार्ड के द्वारा क्या हुआ दोस्तों तो कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलित वर्ग को मुस्लिम महिला सिख आंग्ल भारती की तरह पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया हालांकि इससे पहले रेमजे मैकडोनल्ड ने एक मताधिकार समिति बनाई थी लोथियम की अध्यक्षता में और लोथियम समिति की सिफारिश पर रेमजे मैकडोनल्ड ने निर्णय लिया कि दलितों को भी भारत में पृथक निर्वाचन में शामिल किया जाएगा सेपरेट इलेक्टोरल में शामिल किया जाएगा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू कर रहे थे यही कारण था कि उन्हें गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रख दिया जाता है तो गांधी जी इस यरवदा जेल में होते हैं और जब गांधी जी को यह पता पड़ता है कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को भी पृथक निर्वाचक व्यवस्था में रख दिया है दलित वर्ग को भी सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज में रख दिया है तो वह इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और विरोध करने के लिए गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं ठीक है और कहते हैं कि अगर अवार्ड को पारित कर दिया गया या कम्युनल अवार्ड को आगे बढ़ाया गया तो ये अछूतों को हमेशा अछूत ही रखेगा ठीक है इसी बात को लड़ दें चूंकि गांधी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है और इसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है जो सितंबर 1932 में हुआ पूना समझौते के अनुसार कुछ बातें आपको याद रखना है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया हालांकि एक बार डिसाइड की गई कि सीटें तो रखी जाएंगी सीटों तो रखी जाएंगी लेकिन उसमें वोट देने का अधिकार सभी को होगा इसके बाद महात्मा गांधी दलित उत्थान के लिए कार्य करने लगे और 31 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे हरिजन नाम की एक पत्रिका चलाई और महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 से अगस्त 1934 तक हरिजन यात्रा का भी आयोजन किया ठीक है इसके बाद दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वाले इलाके में होता है कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हालांकि डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू इन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया तो एक सवाल आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे तो डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर शत्रु तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद एक वाइट पेपर इश्यू किया गया और बाद में भारत शासन अधिनियम को जारी कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बना दिया गया भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है लगभग 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से ही भारत के संविधान में लिए गए हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही एक बड़ा टॉपिक हमने यहां पर खत्म कर लिया अब हमें यह देखना है कि यहां तक सारी बातें हो चुकी हैं 1930 से लेकर के चौंतीस के बीच में पैंतीस के बीच में काफी बातें हो चुकी हैं। सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया पूना पैक्ट हो गया फिर पहला दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया और अंततः 1935 के भारत शासन अधिनियम को पारित कर दिया जाता है आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव तो 1937 में प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं ठीक है और इस चुनाव में भारत में प्रांतीय चुनाव 11 राज्यों के लिए कराए जाते हैं ठीक है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और पांच राज्यों में स्पष्ट बहुमत तीन राज्यों में मिलीजुली सरकार बनाती है तो भैया आठ ग्यारह में से आठ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है ठीक है वही मुस्लिम लीग को भी कुछ पार्टियां मिलती हैं कुछ सीटें मिलती हैं और दूसरी पार्टियों को भी जगह मिलती है ओके डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने मुंबई में तेरह सीटें जीती थी अब दोस्तों अगले टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, ये है पाकिस्तान की मांग जो कि 23 मार्च 1940 को रखी गई। तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल कर रहे थे धर्म के आधार पर एक दूसरा राज्य बनाने की बात कही गई 1933 में सात साल पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था पंजाब अफगानिस्तान कश्मीर सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर के पाकिस्तान का निर्माण की जाने की मांग 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत की गई फिर मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन हुआ और जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की घोषणा कर दी तो एक सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग किसने रखी तो मुस्लिम लीग ने रखी पाकिस्तान नाम किसने दिया तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम दिया गया था याद रखने की बात है अगली घटना दोस्तों 8 अगस्त 1940 को होती है जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है तो सितंबर उन्नीस में द्वितीय विश्व युद्ध भारत में शुरू हो चुका है और जापान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है ऐसे में एक बार फिर ब्रिटेन के लोगों को भारतीयों के समर्थन की जरूरत है लेकिन भारतीय ब्रिटेन का समर्थन तभी करेंगे जब भारतीयों को आजादी की गारंटी मिल जाएगी तो इसी बात को या भारतीयों को मनाने के लिए उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलित गो एक प्रस्ताव रखते हैं जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को रखा गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी अगस्त प्रस्ताव में जो पहली बात कही गई कि हम भारत को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे अगली बात कही गई कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे असेंबली का निर्माण करेंगे। डोमेनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारत को आजाद नहीं किया जाएगा लेकिन एक प्रकार का सेल्फ रूल इंडिया को दे दिया जाएगा जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है और पहली बार अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटेन ने भारतीय संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया अगली बात यह भी कही गई कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा और एक युद्ध परिषद का निर्माण किया जाएगा लेकिन दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में विभाजन को लेकर के एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो गया और इस कारण से इस प्रस्ताव को फेल कर दिया गया हुआ यही था कि ऑलरेडी कांग्रेस ये मांग ऑलरेडी मुस्लिम लीग ये कह चुकी थी कि हम पाकिस्तान का निर्माण करेंगे हमें भारत के साथ नहीं रहना है तो जैसे ही अगस्त प्रस्ताव आया तो एक ही बात जिन्ना ने कही कि हम अलग पाकिस्तान की मांग चाहते हैं इस बात को नहीं माना गया अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया और यहां पर कांग्रेस ने ठुकराया और कहा कि दरवाजे में जड़ी जंग लगी हुई कील है ये ठीक है चलिए इसके बाद 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया कहां से आरंभ किया तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मा दत्त थे और दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया तो पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह है। महात्मा गांधी ने कहा से शुरू किया था तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की थी पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त ठीक है दोस्तों इसके बाद मार्च 1942 में एक बार फिर से भारतीयों को मनाने के लिए अंग्रेजी सरकार कोशिश करती है और स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजती है हालांकि क्रिप्स मिशन को भी भारतियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो चर्चिल ने, चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो चर्चिल जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और इसने क्या क्या प्रावधान किए तो क्रिप्स मिशन ने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा साथ ही साथ संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा ठीक है और रक्षा मंत्रालय को ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा यह बातें गई लेकिन यह प्रस्ताव भी फेल हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग अब एक अड़ गई थी कि उसे पाकिस्तान चाहिए और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त रेवोल्यूशन ये 1942 में महात्मा गांधी और भारत में होने वाला आखिरी बड़ा आंदोलन है और अंततः 1947 को भारत को आजादी मिल जाएगी तो देखें यह महात्मा गांधी का आखिरी बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन है जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था इसका कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई का बढ़ जाना और भारत के जापान पर आक्रमण का भय ये सारे इसके प्रमुख कारण थे ठीक है असहयोग आंदोलन में तीन चीजें रहेंगी सबसे पहले चौदह जुलाई 1942 को वर्धा में एक प्रस्ताव रखा जाएगा फिर 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक अधिवेशन रखा जाएगा और 8 नौ अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटेन के द्वारा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो पूछा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस चीज से है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है जिसके तहत ब्रिटेन ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ताकि भारत में एक बड़ा आंदोलन ना चल सके इसके बाद भी भारत में एक बड़ा आंदोलन चला कार्यकर्ताओं ने बड़ा आंदोलन चलाया जिसमें उषा मेहता का नाम बहुत इंपोर्टेंट जेपी नारायण का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों ने मिलकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया तो दोस्तों सबसे पहले 14 जुलाई 1942 में वर्धा जो कि महाराष्ट्र में आता है एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और गांधी जी ने कहा कि हमें अब भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करना चाहिए भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर के द्वारा दिया गया था लेकिन महात्मा गांधी की इस बात को कांग्रेस मानने से मना कर देती है तब महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी बात करते हैं कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जैसे ही महात्मा गांधी ये बात करते हैं कांग्रेस उनकी बात को मान लेती है और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है फिर दोस्तों बॉम्बे में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है अगस्त 1942 में और 7 अगस्त उन्नीस सौ एक मिनट रुकिए बस ठीक है एक सेकंड ये 8 अगस्त होना चाहिए था 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरुआत की जाती है भारत छोड़ो आंदोलन की हालांकि यह अधिवेशन तो 7 अगस्त को ही बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और एक तेरह सूत्री कार्यक्रम को पेश किया तो यह सवाल भी पूछा जाता है अगस्त 8 अगस्त 1942 को बंबई आंदोलन शुरू हुआ था तो गवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी गांधी जी ने तेरह कार्यक्रम रखे कि पूरे देश में हड़ताल की जाएगी जागरूकता फैली जाएगी ठीक है नमक पर कोई भी कर नहीं दिया जाएगा विद्यार्थी इसमें हिस्सा लें और सरकारी कर्मचारी क्या करें इसमें अपनी जॉब को छोड़ दें तो जैसा मैंने कहा था कि तीनों आंदोलनों की जो रूपरेखा है जो फॉर्मेट है वो एक जैसा ही रहेगा अब ब्रिटेन की सरकार एक तरफ विश्व युद्ध से लड़ रही है और दूसरी तरफ भारत में महात्मा गांधी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया गया है तो इसी आंदोलन को रोकने के लिए सरकार नहीं चाहती कि भारत में एक बड़े आंदोलन को शुरू किया जाए तो 9 अगस्त 1942 को जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ता है ब्रिटेन की सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और इसके तहत सभी बड़े नेताओं को इसने गिरफ्तार कर लिया ठीक है सभी बड़े नेताओं को इसने गिरफ्तार कर लिया पर कांग्रेस ने भूमिगत आंदोलन चलाया अरुणा आसफ अली उषा मेहता राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया जो नवंबर 1942 में तक चलता रहा महात्मा गांधी सरोजनी नायडू कस्तूरबा गांधी भूला भाई देसाई को आगा पैलेस में कैद किया गया जवाहरलाल नेहरू को अल्मेड़ा जेल राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल मौलाना अबुल कलाम आजाद बांकुडा जेल जयप्रकाश नारायण हजारीबाग और कांग्रेस के अन्य सदस्यों को अहमदनगर में कैद कर लिया जाता है तो इस तरह से दोस्तों आंदोलन आगे बढ़ा फिर यहाँ पर गांधी जी ने एक उपवास किया और 6 मई उन्नीस को गांधी जी की रिहाई कर दी जाती है तो यह था आंदोलन का दूसरा भाग जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक को हमने समझा अब दोस्तों हम आखिरी अध्याय की ओर आ रहे हैं और 1942 से 1947 तक के भारत की हम बात करेंगे इसमें सारी घटनाएं मैं आपको यहीं पर समझा रहा हूं बाकी की चीजें मैंने पीडीएफ में दी हुई हैं तो वहां से आप पढ़ेंगे तो यहां एक-एक घटना को आप समझें देखिए अब घटनाएं जो है वो संविधान से ज्यादा जुड़ जाएंगी कुछ बातों को यहां समझ लीजिए कि जैसे ही महात्मा गांधी को आजाद किया जाएगा तो अब एक बात साफ हो चुकी है कि भारत को आजादी मिलने वाली है पर एक समस्या ये आ रही है कि मुस्लिम लीग के द्वारा यह मांग रखी जा रही है कि हमें अलग भारत का निर्माण करके दीजिए तो 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी विभाजन से बचने के लिए एक योजना प्रस्तुत करेंगे जिसे राजगोपाली सूत्र कहा जाएगा फिर देसाई और लियाकत अली के बीच में एक समझौता होगा चौदह जून 1945 को लॉर्ड के द्वारा वेवल योजना पेश की जाएगी। वेवल योजना पर डिस्कशन करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा ठीक है इसी बीच में दो बड़ी घटनाएं भारत में हो जाती हैं ये दो बड़ी घटनाएं भारत में हो जाती हैं। एक तो 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले का मुकदमा चलाया जाता है और फिर ब्रिटेन की जो शाही नौसेना होती है उसमें विद्रोह हो जाता है और इसके बाद तो अब भारत को आजादी मिलना तय ही था ठीक है फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया जाता है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष दिवस का आयोजन करती है डायरेक्ट एक्शन डे को ऑर्गेनाइज करती है ताकि पाकिस्तान की मांग को पूरा किया जा सके 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है 20 फरवरी को एटली घोषणा करते हैं कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा तीन जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा माउंट बेटन योजना पेश की जाती है जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक दो नए देशों का निर्माण किया जाता है और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है अब अगर आप देखो तो यहां पर जो बातें हैं दो बातें बस को अगर हम छोड़ दें एक नौसेना विद्रोह और लाल किला मुकदमा तो ये सारी बातें पॉलिटी से जुड़ी हुई हैं जो पॉलिटी में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और मैंने भी अपने पॉलिटी के लेक्चर में इनको कवर किया है कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना इन पूरी घटनाओं को हमने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा लाल किले मुकदमे के बारे में पढ़ लीजिए और ऐसा नहीं है ये सारी बातें मैंने पीपीटी में दी है जैसे सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए राजगोपाली फॉर्मूला प्रस्तुत किया था द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय वैवल के द्वारा वेवल योजना पेश की गई थी जिस पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ बातें समझें। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास में बोस ने की थी और आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर हुआ करता था सुभाष चंद्र बोस के बारे में नेताजी के बारे में कुछ बातें पढ़ें तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जुलाई 1940 में बोस को कलकत्ता में नजरबंद किया गया 1941 में पठान जिया उद्दीन के भेष में कलकत्ता से नेताजी बाहर निकले कलकत्ता से निकलने के बाद ये जर्मनी पहुंचे जहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी और यही सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीजन नामक संस्था की स्थापना की जर्मनी और फिर ये जापान पहुंचे जून 1942 में बयालीस में राजबिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस सम्मेलन आयोजित किया गया और यहां आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जून 1942 में राज बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। फिर जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया अक्टूबर 1943 सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज को आगे बढ़ाया और युद्ध की घोषणा कर दी नारा दिया दिल्ली चलो जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा गांधीजी ब्रिगेड सुभाष चंद्र ब्रिगेड नेहरू ब्रिगेड और एक महिलाओं की टुकड़ी बनाई गई और महिलाओं की टुकड़ी को झांसी रानी ब्रिगेड कहा गया अंततः नवंबर 1943 में अंडमान और निकोबार जापान ने आजाद हिंद फौज को सौंप दिया और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप की स्थापना की जिसे वापस से मोदी जी ने नाम चेंज कर दिया है और फिर से शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इनका नाम रख दिया है 8 जुलाई 1944 को रेडियो पर एक संगीत संदेश का प्रसारण अंडमान और निकोबार से किया और 22 सितंबर को 1944 को शहीद दिवस मनाया गया अंततः 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर लाल किले का मुकदमा चलाया गया जो 1945 में चलाया गया क्या था यह मुकदमा तो देखिए साहब 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद सरकार ने इनके सैनिकों पर खास तौर पर शहनवाज खान कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल ढिल्लन के ऊपर लाल किले मुकदमे को चलाया ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए इस मुकदमे के विरोध में संपूर्ण देश में आंदोलन चलाया गया इस आंदोलन के दौरान लाल किले को तोड़ दो आजाद हिंद फौज को छोड़ दो का नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ तो पूछ सकते हैं कि लाल किले को तोड़ दो आजाद हिंद फौज छोड़ दो का नारा कब चला तो जब लाल किला मुकदमा चलाया गया था आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर तब ये नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति में भारत के सबसे बड़े वकील शामिल थे जिसमें भूला भाई देसाई जवाहरलाल नेहरू तेज बहादुर सप्रू कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आशफ अली जैसे लोग शामिल थे ठीक है इन वकीलों के अथक प्रयासों के बावजूद भी तीनों अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई ज खां उसमें शामिल थे कर्नल प्रेम सहगल उसमें शामिल थे तो तीनों अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई हालांकि लॉर्ड बेबल ने अपने विशेष अधिकार का उपयोग करके तीनों अधिकारियों की सजा को माफ कर दिया लेकिन लाल किले मुकदमे के, के कारण पूरे भारत में आजाद हिंद फौज को जाना गया और पूरे भारत में एक नई लहर दौड़ गई इसी समय दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना होती है 1946 में और यह घटना है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह और देखो ये अंग्रेजी सैनिक करेंगे क्या होता है फरवरी 1946 में बंबई का एक जहाज बंबई में एक नौसेना जहाज है एच एम आई एस तलवार नाम का एक जहाज है इसमें भारतीय सैनिक है और भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है इसी भेदभाव के कारण भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया विद्रोह कर दिया ठीक है विद्रोह कर दिया अंग्रेजों ने यह तक कह दिया कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता तो यह चीज याद रखनी है हालांकि बाद में दोस्तों आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको मनाया और फिर उन्होंने उस विद्रोह को वापस ले लिया तो इस तरह दो बड़ी घटनाएं एक लाल किले का मुकदमा और दूसरी बड़ी घटना होती है आजाद हिंद दूसरी बड़ी घटना होती है नैवी का एक विद्रोह ये दो बड़ी घटनाएं होती हैं और इसके बाद 1947 में अंततः भारत को आजादी मिल जाती है और इसी के साथ दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास और इतिहास की ये पूरी सीरीज हमने खत्म कर ली है इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एट द रेट शुभम गुप्ता पीडीएफ पर मिल जाएगा दूसरी बात इसका एक और आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ तो वहां पर गूगल ड्राइव की एक लिंक दी है वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों यहां पर कुछ बातें हैं जैसे कि ये सोसाइटीज के नाम हो गए ये नाम वगैरह यहाँ लिखे हुए हैं और कुछ तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं इन तथ्यों को आप घर पर पढ़ेंगे सारी चीजों को पी से रीड करेंगे और एमसी लगाएंगे तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इतिहास आपको पूरा पढ़ाऊंगा मैंने पूरा इतिहास दोस्तों खत्म कर दिया है अब आपकी बारी है कि आप एम लगाएं बहुत मेहनत करें और अब जो अगला सेशन हम शुरू करेंगे ये आयुगों के बारे में होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आई विश आप आपको ये पूरी की पूरी सीरीज पसंद आई होगी हमारे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अभियान को आप जरूर ज्वाइन करें जहां आपको हमारी क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे साथ ही साथ आप एट द रेट शुभम गुप्ता पी वाले चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों ये वो सारे कोर्स हैं जो मैं एम पी पी के लिए पढ़ा रहा हूँ अगर आप अन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें एस जी लाइव अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या अनअकेडमी की किसी भी स्पेशल क्लास को देखने के लिए अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो हमारे चैनल अभियान पर जाइए वहां पर एक मैसेज हमने पिन किया हुआ है वहां आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा वहां से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच आई विश आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी अपना ख्याल रखना बहुत मेहनत करना और इस बार एम का जो एग्जाम है जान लगा दो उसमें एक बहुत बड़ी यूनिट मैंने आपकी खत्म करा दी है यूनिट टू बेस्ट ऑफ लक बहुत ख्याल रखना मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत तो नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अनएकेडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अनएकेडमी अभियान पर जहां पर हम एम पी की तैयारी कर रहे हैं एम पी पी का जो फिलिम्स 11 अप्रैल को होने वाला है उसकी प्रिपरेशन लगातार हम यहां पर कर रहे हैं आपको याद होगा कि कल की क्लास में हमने कहा था कि आधुनिक भारत का इतिहास पूरा हो चुका है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पूरा कर चुके हैं वो बिल्कुल सही था कि पिछली क्लास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस हमने पूरा कर लिया था लेकिन जब आप एम पी पी एस सी दो हजार बीस का सिलेबस देखेंगे और उसमें यूनिट टू आप देखेंगे तो आखिरी में एक छोटा सा नाम दिया गया है छोटा सा चैप्टर दिया गया है उसका नाम है स्वतंत्रता के बाद भारत का पुनर्गठन और एकीकरण रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो यार जब हम यूनिट को पूरा कर रहे हैं तो आई थिंक हमें टॉपिक को पूरा ही कर देना चाहिए तो मैंने सोचा इसको आगे के लिए नहीं रखते हैं अभी इसी समय टॉपिक को खत्म करते हैं आज से आयोग की क्लास शुरू होना था लेकिन ये क्लास हम कल से शुरू कर देंगे पहले ये यूनिट हम कंप्लीट कर देते हैं ठीक है तो आज की क्लास का जो हमारा विषय है वो है स्वतंत्रता के बाद भारत का पुनर्गठन और एकीकरण रीऑर्गेनाइजेशन एंड और इंटीग्रेशन ऑफ आफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिट टू में लास्ट वाला जो पॉइंट आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये टॉपिक मिल जाएगा आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अभियान के नाम से इसके अलावा शुभम गुप्ता पीडीएफ वाला टेलीग्राम चैनल भी है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है एक और बात मैं एम मुख्य परीक्षा दो के लिए अन के प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाता हूँ सोलह अप्रैल से वापस से मेरी क्लास शुरू हो जाएंगी ये दोस्तों वो विषय सूची है ये विषय मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे तो अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ अन अकेडमी की एप्लीकेशन को ज्वाइन करें एम पी एंड व्यापम का गोल सेलेक्ट कीजिए दो साल का जो प्राइस है वो बारह हजार है लेकिन अगर आप मेरा कोड एस जी लाइव इस्तेमाल करते हैं तो ग्यारह हज़ार पाँच सौ रुपये में आपको ये पूरी क्लासेस मिल जाएंगी चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं तो मुझे बस ये बता दो क्या आप ये टॉपिक कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑल गुड इसको आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि हम ये टॉपिक अभी यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है ठीक है सिलेबस के हिसाब से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कल से हम आयोग पढ़ना शुरू कर देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा पहला टॉपिक होगा ऑल गुड ठीक है ये तो कंप्लीट हो गया था पवन जी बस आज ही का टॉपिक है आज ही के दिन खत्म कर देंगे आज के ही दिन खत्म कर देंगे नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी नहीं इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं हां बस यही बचा था चलो ठीक है तो शुरू कर दें यार अक्षय जी देखना पड़ेगा आपको ये क्लास उसमें आता है कि नहीं आता है ओके चलिए शुरू करते हैं चलिए चलिए थैंक यू थैंक यू ओके okay, दोस्तों तो टॉपिक को शुरू करते हैं तो ये जो टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद भारत का पुनर्गठन और एकीकरण रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इस टॉपिक को हम तीन आयामों में बांट करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भारत का पुनर्गठन और एकीकरण हुआ उसके बाद हम देसी रियासतों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम राज्यों के पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ और स्टेट के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिरकार सिलेबस में ये दो शब्द क्यों दिए गए हैं एक शब्द आपके साम आपको दिया गया है पुनर्गठन एक शब्द क्या दिया गया है दोस्तों पुनर्गठन जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे आप रीऑर्गेनाइजेशन और दूसरा शब्द आपको दिया गया है एकीकरण सिलेबस में जो दूसरा वर्ड है वो एकीकरण है जिसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ओके okay, अब इन दोनों का मतलब समझो पहले आप देखो दोस्तों जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो तीन प्रकार की अवस्थाएं हमारे सामने थी ठीक है 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है और जब भारत आजाद होता है तो तीन प्रकार के संघ अस्तित्व में है एक भारत दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा जो हिस्सा देखने के लिए मिलेगा ये रहेगा रियासतें ठीक है क्लियर यहां तक तीन चीजें हुई जब भारत आजाद हुआ तो तीन चीजें थी इंडिया पाकिस्तान एंड प्रिंसली स्टेट देशी रियासतें क्या होती थी दोस्तों तो देसी रियासतें वो छोटे छोटे राज्य थे जहां पर अब भी राजाओं का शासन चला करता था अंग्रेज ने अठारह की क्रांति के बाद विलय की नीति का त्याग कर दिया था मर्जर की पॉलिसी को खत्म कर दिया था और जो छोटे छोटे राज्य थे उनको स्वतंत्र रहने दिया था तो इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को देसी रियासत कहा जा रहा है प्रिंसली स्टेट कहा जा रहा है इसमें एक नाम आता है भोपाल रियासत का हैदराबाद कश्मीर जूनागढ़ ऐसी बहुत सारी रियासतें देखने के लिए मिल जाएंगी तो जब भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो तीन इकाइयां निर्मित हुई एक थी भारत दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है प्रिंसली स्टेट अब यहाँ पर समस्या ये आ गई कि देसी रियासतों के सामने तीन ऑप्शन रखे गए जब अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया तो उन्होंने देसी रियासतों के सामने तीन विकल्प रखे पहला विकल्प उन्होंने ये रखा कि या तो वह भारत के साथ शामिल हो जाए इंडिया में आ जाए या तो वह पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए दोस्तों या फिर तीसरा ऑप्शन उनको दिया गया कि वो स्वतंत्र रहें वो इंडिपेंडेंट रहें ये तीन विकल्प दिए गए रियासतों के लिए तो अब दो मिनट आप सोच करके के देखिए कि हमारे भारत देश का नक्शा है उसमें भारत के अंदर पाँच सौ बावन रियासतें थीं जबकि पूरे अगर आप इंटीग्रेटेड इंडिया को मिला दें जिसमें पाकिस्तान का इलाका भी आता है तो पाँच सौ बासठ से ज़्यादा रियासतें भारत में थी अब दो मिनट आप सोच करके देखो कि पांच बावन राज्य अगर ये पांच बावन राज्य चुनते कि इनको स्वतंत्र रहना है तो भारत के नक्शे में आपको बीच में बहुत सारे डॉट दिखाई देते कहीं पर आप देखते दोस्तों कहीं पर आपको दिखाई देता कि हैदराबाद स्वतंत्र है एक जगह दिखाई देता भोपाल स्वतंत्र है तो इस तरह के डॉट्स आपको दिखाई देते दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था कि दो मिनट आप सोच के देखें कि अगर ये रियासतें पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेती तो भारत के अंदर 500 पाकिस्तान बन जाते तब भी स्थिति बहुत बुरी हो जाती तो सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत के जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि देसी रियासतें जो देसी रियासतें यहाँ शामिल हैं तो देसी रियासतों का भारत में एकीकरण कैसे किया जाए तो इसको क्या कहा गया इंटीग्रेशन कहा गया तो ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इंटीग्रेशन एकीकरण इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत आखिरकार भारत कैसे बना भारत में किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मैनन ने 552 सौ बावन फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू प्रिंसली स्टेट को भारत का हिस्सा बनाया इसको कहा जा रहा है एकीकरण तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए बहुत सिंपल मतलब है जब भारत आजाद हुआ तो पांच सौ बावन रियासतें भारत के अंदर थी इन पांच सौ बावन रियासतों को भारत का हिस्सा बनाना ही एकीकरण कहलाया इंटीग्रेशन कहलाया पहला शब्द दूसरा शब्द दिया गया है पुनर्गठन ठीक है क्या दिया गया है दोस्तों री ऑर्गेनाइजेशन ये दूसरा शब्द दिया गया है री ऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन तो पुनर्गठन का मतलब ये होता है कि आपने भारत के अंदर पांच बावन रियासतों को शामिल कर लिया और भारत के राज्य बन चुके हैं लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो राज्य ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं तमिलनाडु ऐसा अलग अलग नहीं था तो फिर भारत में अलग अलग राज्यों की डिमांड की गई लोगों ने कहा कि देखिए साहब हम तेलुगु बोलते हैं तो हमें तमिल वाले लोगों के साथ नहीं रहना है हम गुजराती बोलते हैं तो हमें मराठी बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रहना है ऐसी बातें भारत में होने लगी तो जो भारत के राज्य थे उन राज्यों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा उनका पुनर्गठन करना पड़ा तो राज्यों के पुनर्गठन को मतलब सामान्य भाषा में हम कहें तो राज्यों को बनाने की प्रक्रिया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट को ही क्या कहा जा रहा है रीऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है पुनर्गठन कहा जा रहा है तो ये दो शब्द अलग अलग हैं दोस्तों सबसे पहले हम एकीकरण पढ़ेंगे और एकीकरण में हम पढ़ेंगे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन मैनन ने पाँच सौ बावन रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया और फिर दूसरे भाग में हम भारत के पुनर्गठन को पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार भागों में बांटा गया था उसके बाद एस के धर आयोग बनाया गया फिर जे वी पी आयोग बनाया गया फिर श्री पोटी श्री रामलू ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया उसके बाद एक अक्टूबर उन्नीस को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया दूसरे राज्यों में भी मांगे शुरू हो गई आंदोलन शुरू हो गए अंततः फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया और भारत के पूरे के पूरे नक्शे पर चौदह राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश हमको देखने के लिए मिले फिर बढ़ते 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 भारत में उनतीस राज्य हुए वापस से अट्ठाईस राज्य हुए तो इस पूरी कहानी को हमें एकीकरण और पुनर्गठन में समझना है अब मुझे बताइए क्या यहाँ तक टॉपिक क्लियर है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रही है क्या टॉपिक की दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं क्या आप लोग क्लियर है यहाँ तक समझ में आ रहा है ठीक है ऑल गुड ठीक है शब्दों का मतलब समझ जाएंगे तो आसानी होती है टॉपिक को समझने में जल्दी बताइए जल्दी से ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड थैंक यू थैंक यू चलिए आगे बढ़ते हैं आज मतलब क्या है आज लाइव सेशन है मतलब थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाएगी अभी तो मैं पढ़ाऊंगा तो बीच में तो हम कमेंट नहीं लेंगे लेकिन आखिरी में आज आपके कमेंट भी अपन ले लेंगे ठीक है जो भी आपके डाउट है तो बता दीजिएगा नहीं मैं लाइव हूँ यार लाइव हूँ चलो आगे बढ़ते हैं अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पूरी की पूरी टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं कि भारत में चीज़ें आगे कैसी बढ़ी फिर हम देसी रियासतों के एकीकरण को पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे फिर हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन को पढ़ेंगे तो देखिए परिचय में कुछ इस प्रकार से है दोस्तों पंद्रह अगस्त उन्नीस को हमारे प्यारे भारत देश को स्वतंत्रता मिलती है हम आज़ाद हो जाते हैं भारत आज़ाद तो होता है लेकिन माउंट बेटन योजना के हिसाब से भारत का विभाजन कर दिया जाता है और भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए राष्ट्र उभर के सामने आते हैं इसी समय पूरे भारत में अगर हम बात करें तो पाँच सौ रियासतें थीं जिसमें से पाँच सौ बावन रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में आती थीं, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आती थीं। तो पांच सौ बावन देशी रियासतों को ये कहा गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाएं। आप चाहें तो भारत में मिल जाएं या आप चाहें तो स्वतंत्र रहें ये तीन विकल्प देसी रियासतों को दिए गए ये तीन विकल्प प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए इसी समय दोस्तों क्या हुआ कि 1950 का समय आया और 1950 में भारतीय राज्यों को चार भागों में बांट दिया गया इंडिया में उस समय जितने भी स्टेट थे और वीपी मैनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों का विलय भी भारत में कर लिया था तो सभी को मिलाकर के चार भागों में बांट दिया गया फिर दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई पोटी श्री रामलू का आंदोलन शुरू हो गया तो इस बात का निर्धारण करने के लिए जून 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और एस के धर साहब से ये पूछा कि बताएं क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं क्या लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं तो धर साहब के आयोग ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई तो आंदोलन और भी तेज हो गया लोगों ने इस मूवमेंट को इंटेंस बना दिया कांग्रेस इस बात को समझ रही थी कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि वो एक और कमिटी बनाएगी एक और कमीशन का फॉर्मेशन करेगी जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल किया जाएगा उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू और पट्टा भी सीतारामैया तीनों की एक समिति बनाई गई इस समिति को जे वी पी समिति भी कहा जाता है जे से जवाहरलाल नेहरू वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया तीनों की समिति के सामने फिर से यह प्रश्न आया क्या हमें भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए क्या हमें इंडिया में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पर करना चाहिए मतलब जो मराठी बोल रहे हैं उनको अलग राज्य दीजिए जो हिंदी बोल रहे हैं उनको अलग राज्य दीजिए जो बंगाली बोल रहे हैं उनको अलग राज्य दीजिए या फिर राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के आधार पर होना चाहिए तो जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टी सीतारमैया ने एक बहुत बड़ा डिस्कशन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट नहीं बनाए जाएंगे अब आंदोलन और भी तेज हो गया क्योंकि धर आयोग ने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे और जे आयोग ने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्य नहीं बनाएंगे और ये जो आंदोलन है ये दक्षिण भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ा देखिए दोस्तों दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला इलाका है वो पहले तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था तमिलनाडु वाले इलाके में तमिल भाषा बोली जाती है लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु भाषा बोला करते थे जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि देखिए साहब हमारी भाषा अलग है हमारी संस्कृति अलग है तो हम तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग से राज्य बना दीजिए लेकिन धर साहब ने भी ये बात नहीं मानी और जे कमेटी ने भी ये बात नहीं मानी तब दोस्तों कांग्रेस के ही एक नेता थे जो दक्षिण भारत से आते थे जिनका नाम था पोटी श्री रामलू पोटी श्री रामलू आमरण अनशन करने बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और कहा जाता है कि लगातार लगभग बावन या चौवन दिन बावन या चौवन दिन वो स्ट्राइक पर बैठे रहते हैं और अंततः अट्ठावन दिन लिखा हुआ है अट्ठावन दिन के आमरण अनशन के बाद पोटी श्री रामलू की डेथ हो जाती है उनकी मृत्यु हो जाती है अब जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो आप सोच के देखिए कि एक नेता ने अपनी जान गवा दी है दोस्तों तो पूरे देश में और खास तौर पर दक्षिण भारत में आंदोलन और भी तेज हो जाता है इसी बात की नज़ाकत को समझते हुए कांग्रेस पर दबाव आता है और ना चाहते हुए भी एक अक्टूबर उन्नीस को फर्स्ट अक्टूबर 1953 को भारत सरकार ये निर्णय लेती है कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक नया राज्य बनाया जाएगा उस नए राज्य का नाम आंध्र प्रदेश रखा जाता है और एक अक्टूबर उन्नीस को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन जाता है अब दोस्तों आग तो सुलग चुकी थी तो दूसरे लोग भी इसी फिराक में बैठे थे कि एक बार सरकार ये बात मान ले फिर हम भी अपनी बात को सामने रखेंगे तो दूसरे इलाकों में भी आंदोलन शुरू हो जाते हैं तो सरकार ये फैसला करती है कि अब हमें एक और आयोग को बनाना पड़ेगा तो आंध्र प्रदेश को बनाने के बाद सरकार फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण करती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है राज्य पुनर्गठन आयोग इस बात को मानता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को बनाया जा सकता है लेकिन दो बातें ध्यान में रखना है पहली बात भारत की एकता इससे खराब नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रशासन में सुविधा ना हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन मेल फंक्शन ना हो जाए इन दो बातों को हमें ध्यान में रखना होगा तो अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण भी हो जाता है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसके अध्यक्ष फजल अली होते हैं और दो सदस्य के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजुरु होते हैं इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं इसके लिए भारतीय संविधान में सातवां संविधान संशोधन करना पड़ता है साथ ही साथ राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम को भी पारित करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे ये चौदह राज्य उन्तीस हो जाते हैं हाल ही में उनतीस राज्य अट्ठाईस हो जाते हैं और हमारे प्यारे भारत देश का नक्शा बन जाता है दोस्तों तो ये एक कहानी है जो यहां से यहाँ तक आप याद रखेंगे मुझे बताइए क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई अगर ये स्टोरी आप समझ गए तो बस अब तो दोस्तों कहानियाँ ही हैं थोड़ी सी और दिक्कत नहीं आएगा बताइए यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक क्लियर है जल्दी बताइए जी इट इज ओके अक्षय जी ठीक आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं ठीक चलिए आगे बढ़े तो ये हो गया पूरा का पूरा परिचय हमने पूरा इंट्रोडक्शन पूरी कहानी दोस्तों आपको यहां पर सुना दी है अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और हमारा दूसरा टॉपिक है देसी रियासतों का एकीकरण इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो तीन इकाइयाँ थीं भारत पाकिस्तान और देसी रियासतें इंडिया पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट को कहा गया था कि वो भारत में रहें पाकिस्तान में रहें या स्वतंत्र हो जाएं ठीक है तो अब हमें ये देखना है दोस्तों कि किस प्रकार भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान सरदार वल्लभ भाई पटेल और महान वीपी मैनन जो कि इनके सचिव का काम करते थे इन दोनों ने मिलकर के पाँच सौ बावन देसी रियासतों को 552 प्रिंसली स्टेट को भारत के साथ जोड़ दिया और इंडिया को इंटीग्रेट कर दिया इस अध्याय को या इस टॉपिक को हम चार भागों में बांट करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे फिर हम जूनागढ़ की बात करेंगे कश्मीर की बात करेंगे और हैदराबाद की बात करेंगे एक छोटा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के क्षेत्र में पाँच देसी रियासतें आ रही थी 552 प्रिंसली स्टेट आ रहे थे दोस्तों 549 देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने आसानी से भारत का हिस्सा बना लिया और ये देसी रियासतें जल्दी से भारत का हिस्सा बन गई तो 549 देशी रियासतें आसानी से भारत का हिस्सा बन जाती हैं लेकिन तीन रियासतें होती हैं जिसमें एक का नाम है हैदराबाद जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था दूसरा है दोस्तों कश्मीर और तीसरा होता है जूनागढ़ इन तीन रियासतों को भारत में मिलाने में मिल समस्याएं आती हैं हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था जूनागढ़ का सुल्तान भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था और कश्मीर के राजा हरी सिंह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे तो इन तीन देसी रियासतों को भारत का हिस्सा बनाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी कश्मीर पर जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत के पास सहायता के लिए आया और फिर भारत में कश्मीर का विलय हो गया जूनागढ़ में जनमत संग्रह का आयोजन कराया गया वहां पर एक रेफरेंडम कराया गया और रेफरेंडम के द्वारा जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया गया वहीं हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए एक सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को भी भारत का हिस्सा बना लिया जाता है तो आइए इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को हम समझते हैं और फिर टॉपिक को हम खत्म करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि तीन जून उन्नीस को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की माउंटबेटन योजना वही है जिसके द्वारा भारत का विभाजन किया गया इंडिया का डिवीजन किया गया कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया गया तो आंसर करेंगे 3 जून उन्नीस को माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया गया तो इसी योजना के तहत देसी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंस कर दिया गया और उनके सामने तीन विकल्प रखे गए कि या तो वो भारत का हिस्सा बने या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या वो चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर पाँच सौ बावन देसी रियासतें थी 552 प्रिंसली स्टेट थे अब सवाल ये पैदा हुआ कि जो देसी रियासतें भारत के अंदर आ रही हैं तो इन्हें तो भारत का हिस्सा बनाना पड़ेगा अदरवाइज भारत कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा इंडिया कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा तो कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि ये बहुत बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट को स्थापना की और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे होम मिनिस्टर भी थे तो इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि पूरी देसी रियासतों को भारत के साथ एकीकृत किया जाए पूरे प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इन्होंने क्या किया इन्होंने भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट बनाया और अपने सचिव के रूप में वीपी मैनन को इन्होंने नियुक्त किया वीपी मैनन बहुत ही अनुभवी थे और वीपी मैनन ने बहुत सहायता की थी भारत को एकीकृत करने में इंडिया को इंटीग्रेट करने में तो दोस्तों प्रलिम्स में यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव कौन थे वीपी मैनन थे दूसरा सवाल ये बन सकता है कि भारतीय रियासत विभाग की स्थापना कब की गई तो 5 जुलाई 1947 को की गई इसके अध्यक्ष कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सेक्रेटरी कौन थे तो वो वीपी मैनन थे अब क्या होता है आगे बढ़ते हैं तो अधिकांश रियासतों को भारत का हिस्सा बना लिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मैनन ने भारतीय रियासत विभाग के अंतर्गत इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट के तहत पाँच में से पाँच रियासतों को आसानी से भारत का हिस्सा बना लिया लेकिन दोस्तों तीन रियासतें ऐसी थीं एक का नाम था जूनागढ़ दूसरे का नाम था हैदराबाद और तीसरे का नाम था कश्मीर इन तीनों रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा आइए एक एक रियासत के बारे में हम पढ़ते हैं तो जूनागढ़ तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि जूनागढ़ कहाँ स्थित है तो जूनागढ़ दोस्तों सौराष्ट्र गुजरात वाले इलाके में स्थित है तो बहुत क्लियर रहे दिमाग में कि जूनागढ़ जो है वो गुजरात में आता है सौराष्ट्र वाले इलाके में जूनागढ़ आता है ठीक है ओके okay, अब यहां की कहानी समझिए देखिए जूनागढ़ के नवाब का नाम रसूल खान था तो रसूल खान है तो ये मुस्लिम हो जाएंगे दोस्तों अब दिक्कत यहां पर आ गई कि जूनागढ़ के नवाब तो मुस्लिम थे लेकिन यहां की 80 प्रतिशत जो जनता थी वो हिंदू थी नवाब रसूल खान ये चाहते थे कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो कि 80 प्रतिशत हिंदू है वो यह चाहती थी कि हमें भारत का हिस्सा बनाया जाए इस बात को लेकर के पूरे के पूरे जूनागढ़ वाले इलाके में विद्रोह शुरू हो जाता है वहाँ पर एक प्रकार का जन आंदोलन देखने के लिए मिलता है तब इसी बीच में विद्रोह बहुत बढ़ जाता है नवंबर 1947 में जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से कहा कि वो जूनागढ़ का विलय कर ले पर भारत सरकार ने कहा हम ऐसे ही किसी राज्य को या रियासत को भारत का हिस्सा नहीं बनाएंगे वहां पर एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा वहां पर एक प्लेबिसाइट या रेफरेंडम करवाया जाएगा तो अंततः दोस्तों फरवरी 1948 में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया जनमत संग्रह का मतलब होता है कि वहां के लोग वोट करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है या भारत में रहना है तो वहाँ के अधिकांश लोगों ने यही कहा कि वो भारत में रहना चाहते हैं अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनेंगे उन प्रश्नों पर जरा गौर करिए दोस्तों पहला प्रश्न बनेगा जूनागढ़ कहाँ स्थित है सौराष्ट्र गुजरात वाले इलाके में दूसरा प्रश्न जूनागढ़ को किस तरह भारत में मिलाया गया तो आंसर करेंगे जनमत संग्रह के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेबिसिट और ऑन बेसिस ऑफ रेफरेंडम तीसरा प्रश्न जूनागढ़ के नवाब का नाम क्या था रसूल खान जूनागढ़ के दीवान का नाम क्या था तो शहनवाज भुट्टो क्या नाम था शहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के नवाब का नाम था एक और प्रश्न बन सकता है तिथि के आधार पर कि जूनागढ़ को भारत का हिस्सा कब बनाया गया तो फरवरी 1948 में फेबुअरी 1948 में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत का हिस्सा बनाया गया इतनी बातें यहां आपको याद रखना है चलिए यह हो गया सर जूनागढ़ की कहानी समझ में आ गई हमको कि जूनागढ़ में क्या हुआ मुस्लिम नवाब था 80 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू थी तो निश्चित तौर पर उसे भारत में ही मिलाया जाना चाहिए था आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हैदराबाद कश्मीर की बात करेंगे फिर आखिरी में हैदराबाद की बात करेंगे कश्मीर में कहानी थोड़ी सी उल्टी थी जूनागढ़ के जस्ट अपोजिट कहानी थी समझने की बात है दोस्तों देखिए कश्मीर में ये था कि कश्मीर के राजा हरि सिंह थे जो कि एक हिंदू थे ठीक है लेकिन यहाँ की 75 प्रतिशत जो जनसंख्या है वो मुस्लिम थी उसके बाद भी उसके बाद भी जो कश्मीर है उसके जो लोग हैं वो भारत के साथ मिलना चाहते थे लेकिन राजा हरि सिंह ने ये निर्णय लिया कि वो ना तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और ना ही वो भारत के साथ मिलेंगे तो राजा हरि सिंह ने क्या निर्णय लिया कि वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखेंगे वो कश्मीर को इंडिपेंडेंस रखेंगे पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि कश्मीर आप देखिए एक ऐसी जगह स्थित था जिसके आजू बाजू में दो बड़े राष्ट्रों का उदय हो चुका है भारत और दूसरा पाकिस्तान तो राजा हरि सिंह ने यह फैसला तो कर लिया कि वो कश्मीर को स्वतंत्र रखेंगे लेकिन कश्मीर को स्वतंत्र रखने के लिए ना तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन था और ना ही उनके पास इतनी बड़ी आर्मी थी इसी बीच में क्या होता है दोस्तों अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया अब जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो राजा हरि सिंह के सामने दूसरा विकल्प नहीं था राजा हरि सिंह ने भारत को संपर्क किया और भारत से कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए भारत ने कहा कि हम आपकी सहायता तभी करेंगे जब आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करेंगे तो इसी समय दोस्तों कुछ अलग प्रकार की परिस्थितियाँ बनी और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए एक अलग प्रकार का विलय पत्र बनाया गया और इसी के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था जो हाल ही में खत्म कर दिया गया है तो अंततः याद रखें कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया तो इस तरह कश्मीर भारत का हिस्सा बना अब यहां से क्या प्रश्न आएंगे यह भी बना लेते हैं पहला प्रश्न आएगा कश्मीर जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर के राजा कौन थे राजा सिंह दूसरा प्रश्न आएगा कश्मीर रियासत किसके साथ जुड़ी भारत पाकिस्तान स्वतंत्र इनमें से कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट तीसरा प्रश्न आएगा कि आ, कश्मीर भारत का हिस्सा किस प्रकार बना तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके आफ्टर साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन annexation ठीक है और कश्मीर के जो नेता बने थे वो शेख अब्दुल्ला बने थे जो कि नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर चलते हैं कश्मीर की कहानी भी क्लियर हो गई अब जरा हम हैदराबाद की बात कर लेते हैं कि हैदराबाद कैसे भारत का हिस्सा बना तो देखिए दोस्तों हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत था हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम ये पहली चीज आपको याद रखनी है इस समय है हैदराबाद के जो प्रमुख थे उनका नाम था निजाम मीर उस्मान अली खान। ये हैदराबाद के प्रमुख थे निजाम मीर उस्मान अली खान। अब साहब दिक्कत यहां पर आ गई कि हैदराबाद भारत का एक प्रकार से मध्य में पड़ता है सेंट्रल वाले इलाके में आता है और निजाम की हिस्सा इच्छा ये थी कि वो पाकिस्तान के साथ जाकर के मिल जाए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप कैसे कर सकते हैं कि बीचों बीच एक पाकिस्तान कैसे आ सकता है भारत के तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था लेकिन निजाम इसी फिराक में लगा था कि कैसे भी करके वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर निज़ाम ने भारत के साथ यथा स्थिति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए इसको आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि सीज फायर टाइप का अग्रीमेंट साइन कर दिया या स्टेटस को पैक्ट पर साइन कर दिया स्टेटस को का मतलब ये होता है कि अभी हैदराबाद की सीमाएं जहां पर हैं उसको वही रहने दीजिए ना तो मैं पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा हूं ना ही मैं भारत का हिस्सा बन रहा हूं अभी जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए तो एक साल का समय निजाम ने भारत से मांगा और भारत के साथ स्टेटस को पैक्ट पर साइन कर लिया अब जब भारत के साथ एक साल का समय मांगा तो इसी समय निजाम ने क्या किया दोस्तों अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ की जो सेना है उसको रजाकार सैनिक कहा जाता था तो रजाकार सैनिकों ने हिंदू जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया याद रखिए हैदराबाद का निजाम जरूर मुसलमान था लेकिन हैदराबाद की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी तो हैदराबाद की जो सेना थी जिसमें रजाकर सैनिक हुआ करते थे उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया जैसे ही इस बात का पता भारत की सरकार को चला तो भारतीय सरकार ने सितंबर 1948 में हैदराबाद में प्रवेश करके ऑपरेशन पोलो को चलाया अंततः निजाम की सेना को हरा दिया गया और नवंबर 1948 में हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया तो यहाँ से क्या प्रश्न आएंगे प्रश्नों को बनाते हैं टॉपिक को ख़त्म करते हैं पहला प्रश्न आएगा हैदराबाद को किस प्रकार भारत का हिस्सा बनाया गया तो सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिलिट्री एक्शन के द्वारा हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया किस ऑपरेशन के तहत तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए इतनी बातें दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है इसी के साथ हमने अपने एक टॉपिक को खत्म कर लिया और टॉपिक का नाम था देसी रियासतों का एकीकरण तो दोस्तों ये हमारा पहला अध्याय था जिसमें हमने भारत के एकीकरण को समझ लिया हमने इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया को समझ लिया क्या समझ लिया भारत के एकीकरण को समझा इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया को समझा तीन चार बातें देखी हमने शुरुआत की तीन जून 1947 से थर्ड जून 1947 से जब माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया गया और पाँच सौ बावन देशी रियासतों से कहा गया कि वो पाकिस्तान भारत या स्वतंत्रता तीनों में से किसी एक बात को चुन सकते हैं इसी के तहत दोस्तों जुलाई में जुलाई 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता वाले भारतीय रियासत या देसी रियासत विभाग का गठन किया गया इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट जिसमें सचिव के रूप में वीपी मैनन साहब को रखा गया वीपी मैनन साहब और सरदार पटेल के द्वारा पाँच में से पाँच देसी रियासतों को आसानी से भारत में मिला लिया गया तीन रियासतें जिसमें एक नाम है जूनागढ़ जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेबिसिट या रेफरेंडर कश्मीर को कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और तीसरा है, है हैदराबाद तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के आधार पर या मिलिट्री एक्शन सैन्य कार्यवाही के आधार पर भारत का हिस्सा बना लिया तो इस तरह दोस्तों हमारे प्यारे भारत देश का एकीकरण हुआ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हुआ मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको कोई डाउट है सारे प्रश्न और पूरी कहानी और पूरे तथ्य क्या आपको समझ में आ गए हैं प्लीज़ मुझे बताएं फिर हम दूसरे भाग पर चलेंगे दोस्तों अरे भैया कपिल बिल्कुल जानते हैं कैसे यार आप कपिल बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे हमारे सीता सीतनगर से आते हैं बहुत स्वागत है आपका थैंक यू नविता जी ऑल क्लियर थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से को हम शुरू करते हैं और अब हमें बात करनी है भारत के पुनर्गठन की क्या डिस्कस करना है अब हमें भारत का पुनर्गठन डिस्कस करना है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़ना है तो लेक्चर को शुरू करते समय मैंने आपको बता दिया था कि पुनर्गठन का मतलब क्या होता है तो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है दोस्तों कि भारत में राज्यों का निर्माण करना इंडिया के अंदर स्टेट का फॉर्मेशन करना इसी को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है बेसिक सी कहानी बिल्कुल आसान है जब भारत में ब्रिटेन के द्वारा राज्यों को बनाया गया था तो उनका मतलब अधिक से अधिक मात्रा में आर्थिक लाभ अर्जित करना था मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना था लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो भारत के जो लोग थे उन्होंने अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया और आधार था भाषा और संस्कृति लैंग्वेज और कल्चर दो अलग अलग कल्चर के लोग एक राज्य में रह रहे थे तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा कल्चर अलग है हमें एक अलग राज्य बनाकर दीजिए तो दूसरे ने कहा हमारा कल्चर अलग है हमें एक दूसरा राज्य बना करके के दीजिए तो इसके लिए एक पूरी कहानी है इस कहानी को शुरू में आपको समझा चुका हूँ अब जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाएंगे तो आइए समझते हैं कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आंदोलन शुरू हो गए भारत में कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पर राज्यों को आ, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए तो इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं अलग अलग समितियाँ बनाई गई ऐसी पहली समिति थी एस के धर आयोग एस के धर कमिटी जो जून 1948 में बनाई गई थी तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन सी कमेटी बनाई गई तो आंसर होगा एस के धर कमेटी जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस के धर थे एस के धर वॉज दी रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इसमें चार सदस्य थे जिसके दो प्रमुख सदस्य जगत नारायण और पन्ना लाल थे दोस्तों देखिए कमेटी जून 1948 में बनाई गई और दिसंबर 1948 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए ना कि भाषा के आधार पर जैसे ही ये बात एस के घर आयोग ने कही भारत में आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया इंडिया में मूवमेंट और भी ज़्यादा तेज हो गया आपके दिमाग में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सर आखिरकार भाषा के आधार पर मना क्यों किया गया कारण समझिए दोस्तों कारण यह है कि एस के घर को और जवाहरलाल नेहरू पट्टा भी सीतारामैया वल्लभ भाई पटेल इनको डर था कि ऐसा ना हो कि हमारा भारत देश छोटे छोटे देशों में पट जाए ऐसा ना हो कि अभी तो ये राज्य की डिमांड कर रहे हैं फिर ये देश बनाने की मांग करते करने लगे तो हमें भारत के टुकड़े होने से बचाना है हमें इंडिया की इंटीग्रिटी को बचा करके रखना है हमें इंडिया के इंटीग्रेशन को बनाए रखना है ये बात एस के धर और जे वी पी कमेटी ने सोची अब जैसे ही भारत में आंदोलन तेज हो गया तो कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में ही दिसंबर 1948 में ही भाषाई प्रांत समिति या इसको आप कह सकते हैं स्टेट लिंग्विस्टिक कमेटी जिसको पॉपुलरली जे समिति के नाम से जाना जाता है जे का अर्थ है जवाहरलाल नेहरू वी का अर्थ है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टा भी सीतारमैया तीनों की तीनों की सदस्यता में एक कमेटी को बनाया गया और कमेटी से कहा गया कि एस के धर आयोग की रिपोर्ट पर बात कीजिए और पता कीजिए क्या हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते तो जे समिति ने बहुत विचार विमर्श किया और अप्रैल उन्नीस में अप्रैल 1949 में इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इन्होंने भी यही बात कही कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को रिऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए दोस्तों आग और भी भड़क गई भारत में आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गए इसी बीच में पहले सरकार ने एक काम किया कि अब सरकार ये डिसाइड कर ही चुकी है कि उसे भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना तो सरकार ने जितने भी राज्य भारत में थे उनको चार भागों में बांट दिया कितने भागों में बांट दिया चार भागों में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी ठीक है भाग ए में असम बिहार बंबई, एमपी, मद्रास उड़ीसा पंजाब संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल को रखा गया पार्ट बी में हैदराबाद कश्मीर मध्य भारत मैसूर पटियाला राजस्थान सौराष्ट्र रावणकोर और विंध्य प्रदेश को रखा गया अज, भाग सी में पार्ट सी में अजमेर भोपाल बिलासपुर बिहार कुर्ग दिल्ली हिमाचल कच्छ मणिपुर और त्रिपुरा को रखा गया और पार्ट डी में सिर्फ एक स्टेट को रखा गया जिसका नाम है अंडमान और निकोबार तो सबसे पहले इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम भारत के राज्यों को चार भागों में बांटेंगे चार पार्ट में डिवाइड करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग शुरू हो चुकी थी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाने की जो डिमांड है वो शुरू हो चुकी थी तो इसी बीच में क्या होता है दोस्तों कि जेवीपी आयोग की रिपोर्ट के अगेंस्ट में छप्पन दिनों की भूख हड़ताल पर पोटी श्री रामलू बैठते हैं और छप्पन कई जगह अट्ठावन लिखा है कई जगह बासठ लिखा है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि पोटी श्री रामलू अनशन पर बैठे थे और क्या चाहते थे तो वो बस इतनी डिमांड कर रहे थे कि देखिए साहब ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है इसके दक्षिणी इलाके में जो लोग रहते हैं वो तमिल बोलते हैं और जो इसके उत्तरी इलाके में रहते हैं वो तेलुगु बोलते हैं तो तमिल वाले लोगों की भाषा और संस्कृति अलग है तेलुगु बोलने वाले लोगों की भाषा और संस्कृति अलग है तो आप बस एक काम करें कि ये जो इसका नाम मद्रास था पहले तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था मद्रास तो आप बस एक काम करें कि ये जो मद्रास का राज्य है इसमें से आप क्या करें साहब तमिल लोगों को अलग कर दीजिए और तेलुगु लोगों को अलग कर दीजिए और तेलुगु जो लोग हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना दीजिए इस बात को लेकर के ये हड़ताल पर बैठ गए और हड़ताल पर बैठने के बाद छप्पन दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है कई जगह 58 है कई जगह 62 है जैसे ही इनकी मृत्यु होती है आंदोलन हिंसक हो जाता है वायलेंस हो जाता है और भारत सरकार तुरंत ये निर्णय लेती है कि भैया एक अक्टूबर उन्नीस को भाषा के आधार पर याद रखें ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाता है और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर निर्मित भारत का पहला राज्य बनता है फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यहां से कुछ प्रश्न आएंगे पहला प्रश्न निकल के आएगा कि भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य कौन था फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश कब बना फर्स्ट अक्टूबर 1953। तीसरा प्रश्न किस राज्य से अलग करके बनाया गया मद्रास से अलग करके बनाया गया चौथा प्रश्न किस बड़े नेता की भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई तो आंसर आएगा पोटी श्री रामलू जो कि कांग्रेस के ही एक नेता थे इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों जैसे ही आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषा के आधार पर कर दिया जाता है भारत के दूसरे राज्यों में भी आंदोलन शुरू हो जाते हैं मूवमेंट शुरू हो जाते हैं कि एक नए राज्य का निर्माण किया जाए तो इस बात का समाधान निकालने के लिए एक बार फिर भारत सरकार एक समिति बनाती है इस बार इस समिति के अध्यक्ष फजल अली होते हैं तो कई बार इस समिति को फजल अली आयोग भी कहा जाता है लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है औपचारिक नाम है दोस्तों वो राज्य पुनर्गठन आयोग है तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया दिसंबर उन्नीस में दिसंबर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया क्यों बनाया गया इस बात को डिसाइड करने के लिए कि भारत में राज्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाएगा अध्यक्ष इसके फजल अली थे और दो सदस्य थे एक का नाम है के एम पड़िकर और दूसरे का नाम था एच एन कुंजरू या हृदयनाथ कुंजरू दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है पहला प्रश्न स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनाया गया दिसंबर 1953 में अध्यक्ष कौन थे फजल अली सदस्य कौन थे के एम पणिकर और हृदयनाथ इसके सदस्य थे इसके मेंबर थे यह बात आपको याद रखनी है तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया समिति ने लगभग दो साल तक काम किया कितने साल तक दो साल तक समिति ने काम किया और 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की फजल अली आयोग ने यह कहा कि देखिए साहब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर सकते हैं यू कैन मेक द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये बहुत नई बात थी दोस्तों क्योंकि धर आयोग ने और जे आयोग ने दोनों ने ये कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए लेकिन फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये बात कही कि भाषा के आधार पर आप राज्य बना सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना सकते हैं लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन द माइंड कौन कौन सी बातें कि अगर आप भाषा के आधार पर राज्य बना रहे हैं तो इससे भारत की अखंडता और एकता पर प्रभाव नहीं आना चाहिए देश की इंटीग्रिटी और सोवेनिटी पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने राज्य ऐसा बना दिया कि भारत देश की एकता टूटने लगी राष्ट्र की एकता अखंडता इंटीग्रिटी और यूनिटी टूटने लगी तो ये नहीं होना चाहिए दूसरी बात इसमें भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता हो लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटी हो प्रशासनिक सुविधा हो और सभी राज्यों के कल्याण हो सके इस प्रकार का राज्य आपको बनाना चाहिए तो भाषा के आधार पर आप राज्य बनाइए पर क्या क्या ध्यान में रखना है चार बातें ध्यान में रखना है पहला देश की एकता नहीं टूटनी चाहिए सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा रहे और चौथा भारत में सांस्कृतिक एक रूपता बनी रहे कल्चरल होमोजेनिटी इंडिया में बनी रहे या हारमनी इंडिया में बनी रहे ये बातें दोस्तों फजल अली आयोग ने कही बहुत अच्छी रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट में कुछ और बातें भी कहीं पहली बात ये कही कि देखिए साहब जो आपने भारतीय राज्यों को चार भागों में बांटा है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी ये डिवीजन खत्म करो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ऐसा मत करो तो ये ए बी सी डी वाला डिवीजन खत्म करो और भारत में राज्यों को दो भागों में बांटो कौन कौन से भाग साहब एक तो रहेगा राज्य और दूसरे रहेंगे केंद्र शासित प्रदेश एक होगा स्टेट और दूसरे होंगे यूनियन टेरिटरी और फजल अली आयोग ने कहा था कि पूरे के पूरे भारत को आप छह राज्य और तीन केंद्रीय शासित प्रदेशों में बांट दीजिए सिक्स स्टेट और तीन यूनियन टेरिटरी में बांट दीजिए हालांकि इस बात को तो नहीं माना गया लेकिन पहली वाली बात को स्वीकार कर लिया गया तो ये रिपोर्ट है याद रखना ये रिपोर्ट है अब इस रिपोर्ट का इफेक्ट क्या हुआ प्रभाव क्या हुआ तो सबसे पहला प्रभाव तो ये हुआ दोस्तों कि पहला काम ये किया गया कि ये जो ए बी सी डी वाले स्टेट बांटे गए थे ना जैसे ए राज ए पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी इस वाली कैटेगरी को खत्म कर दिया इस कैटेगरी को खत्म करने के लिए करने के बाद संसद में सातवा संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत में चौदह 14 राज्य 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी छह केंद्र शासित प्रदेशों को बना लिया गया और अंततः भारत का पुनर्गठन हो जाता है इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन uh, हो जाता है तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि फजल अली की सिफारिशों को मानने के लिए कौन सा संविधान संशोधन भारत में किया गया या दूसरा प्रश्न ऐसे भी बनता है कि राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो आंसर होगा सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946 सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया जिसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन किया गया अब दोस्तों कहानी यहाँ पर नहीं रुकती है इसके बाद भी ये कहानी चलती रहती है लेकिन इस कहानी को हम दो मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे दो मिनट बाद आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक यू थैंक यू सो मच हेलो गाइस हेलो ओके यार एक छोटा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था गाइस ये जो स्टेट रियो ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है ना इसने 16 राज्यों की बात की थी इसने कहा था कि 16 स्टेट और थ्री आपको वो बनाना चाहिए यूनियन टेरिटरी इसको मैं ठीक कर दूंगा अभी पीडीएफ में ठीक है 16 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश आपको बनाने चाहिए पर बनाए कितने गए थे तो चौदह राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे फोर्टीन स्टेट और सिक्स यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी तो आगे बढ़े आगे चले इसको करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है ये जो पॉइंट है एक पॉइंट करेक्ट कर लेना इसको ऑल गुड चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हमें यहाँ पर आना है और अगले पॉइंट को डिस्कस करना है उन्नीस के बाद राज्यों के गठन की बात करनी है तो नवंबर उन्नीस में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां जिसमें क्या क्या शामिल था पांडिचेरी शामिल था यनम शामिल था चंद्रनगर और कराईकल शामिल था देखो ये तो घटिया कमेंट करने वाले लोग हैं ना ये बहुत ही घटिया होते हैं ठीक है थीके? इन पर ध्यान मत दो यार इनके पास नहीं है कोई भी काम ये हो चुके हैं बर्बाद हैं फ्रस्ट्रेटेड जीवन हो गया है इनका खत्म ठीक है पहली बात तो और ये भारत से तो है नहीं है तो पाकिस्तान के हैं या दूसरे देश के हैं तो इनके पास वैसी कुछ काम नहीं है अपने यहाँ पर तो वैकेंसी आई है अपन को तो पढ़ना है, है कि नहीं अपन को तो पढ़ना है ना अपनी वैकेंसी आई है इनकी वैकेंसी तो आई नहीं है तो ऐसे लोगों के कमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता कमेंट सेक्शन बंद करो देखो मैं भी कमेंट नहीं देख रहा आप भी कमेंट मत देखो ये बहुत ही दो कौड़ी के लोग होते हैं ये दो कौड़ी के भी नहीं होते एक्चुअली इनका इनका कोई ईमान धर्म नहीं है दोस्तों ठीक है तो ऐसे लोगों से दूर रहा जाता है गाली गलौज फालतू की हरकतें ये इनका काम है बेसिकली इनको इसमें मज़ा आता है फ्री बैठे हैं फालतू हैं बर्बाद हैं कुछ नहीं है इनके जीवन में सब कुछ ख़त्म है दोस्तों सब कुछ ख़त्म है इनके जीवन से माँ बाप ने लात मार के निकाल दिया होगा या माँ बाप को इनने निकाल दिया होगा ठीक है इनका कोई दोस्त यार नहीं होता है सबसे बर्बाद लोग हैं ठीक है और दूसरे मुल्क के हैं अपने तो मुल्क के भी नहीं हैं तो मुल्क ही बर्बाद है तो ये तो बर्बाद होंगे ना होंगे तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दिया करो यार ठीक है घटिया लोग हैं बहुत घटिया लोग हैं ठीक है मतलब क्या बताएं आप इनके बारे में जानते हैं आप लोग अब प्लेटफॉर्म है मुझे इसकी मर्यादा रखनी पड़ती है अदरवाइज आप भी जानते हैं बहुत कुछ बोल पर ऐसे लोग मुड़ ही लगा जाता ठीक है कभी वो कहावत सुने हो ना बचपन में कि यार जब बड़े बड़े लोग आगे चलते हैं तो पीछ में तो कुत्ते भोंकते रहते हैं ना यार तो फोंकने दो ना इनको इनका काम उनको मजा आ रहा करने दो आप अपना काम करो आपका हमारा काम क्या है यहाँ फोकस करना एग्जाम निकालना ठीक है फिर साइबर डिपार्टमेंट में जाना एक आध को ढूंढ के पटका देना कोई दिक्कत नहीं है है कि नहीं चला जाओ यहाँ पे ध्यान दो <coughs> तो फ्रांस की सरकार ने क्या किया अपनी सभी बस्तियां जिसमें पांडिचेरी यनम चंद्रनगर और कराइकल शामिल था ये भारत को सौंप दिया अब यहां से प्रश्न क्या बनता है कि पांडिचेरी चंद्रनगर और कराईकल किसके हिस्से थे तो ये फ्रांस के थे दोस्तों ये किसके पार्ट थे फ्रांस के पार्ट थे और भारत को सौंप दिया था दूसरा तो पांडिचेरी तो फ्रांस का एनम चंद्रनगर और कराईकल ये फ्रांस के पास थे फ्रांस ने इंडिया को दिया था जबकि दोस्तों गोवा दमन और दीप ये पुर्तगाल के पास थे और पुर्तगालियों ने ये भारत को दिया था ठीक है हालांकि गोवा को भारत का हिस्सा बनाने के लिए एक सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी थी और सैन्य कार्यवाही के द्वारा गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया था अब दोस्तों इसके बाद यहां पर एक पूरी की पूरी लिस्ट है और अब हमें ये देखना है कि भारत के वो चौदह राज्य उनतीस कैसे हो गए और हाल ही में अभी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेकर के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया गया है तो समझते हैं देखो पहला राज्य कौन सा है आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश कब बनाया गया एक अक्टूबर उन्नीस को आंध्र प्रदेश बनाया गया और इसी समय मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके भाषा के आधार पर निर्मित यह भारत का पहला राज्य था इसके बाद एक मई 1960 को महाराष्ट्र से गुजराती भाषी लोगों को अलग करके गुजरात राज्य बनाया गया एक दिसंबर उन्नीस को नागा पहाड़ी और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर के नागालैंड राज्य बनाया गया दोस्तों एक नवंबर 1966 को पंजाब में जो हिंदी भाषी लोग थे इनको लेकर के हरियाणा राज्य की स्थापना की गई वहीं 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई उन्नीस में तीन राज्यों का निर्माण किया गया जिसमें मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है ठीक है दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा और एक उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था तो यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि नेफा किसे कहा जाता था तो नेफा जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई फिर आगे बढ़े तो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया सिक्किम की कहानी ये है कि उन्नीस तक सिक्किम भारत की एक रियासत ही हुआ करती थी जहाँ चोंगयाल का शासन हुआ करता था 1947 में ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद सिक्किम को भारत ने प्रोटेक्शन दिया थर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य या इसे आप कह सकते हैं एडजेसेंट स्टेट का दर्जा दिया गया और दोस्तों छत्तीसवें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा थर्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कंप्लीट स्टेट बना लिया गया फिर इसी प्रकार से 20 फरवरी 1987 को मिजोरम 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश 30 मई 1987 को गोवा का निर्माण हुआ फिर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ और हाल ही में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेकर के उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं ट्वेंटी एट और एट यूनियन टेरिटरी हैं दादर नगर हवेली और दमनदीव को एक साथ मिला दिया गया है दोस्तों वहीं जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेकर के जम्मू एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को दूसरी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है दोस्तों इसी क्रम में भारत में राज्यों का नाम भी परिवर्तित हुआ जैसे संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया वहीं मद्रास का नाम तमिलनाडु रख दिया गया मैसूर का नाम कर्नाटक रख दिया गया लकद्वीप मिनी और अमिनी द्वीप को मिलाकर के लक्षद्वीप रख दिया गया ठीक है 1982 में दिल्ली का एक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नेशनल नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जाना गया और वहीं दोस्तों 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया और पांडिचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया और 2011 में उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया इसी प्रकार से भारत में राज्यों का एकीकरण खत्म होता है और इसी के साथ अब निश्चित तौर पर इकाई दो खत्म होती है ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था दोस्तों ये भी मैंने कवर करा दिया पी में करेक्शन करने के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन वो लिस्ट में भी है पार्ट ए बी और सी डी वाली लिस्ट में ए बी सी डी जो थे ना उसमें थोड़ा सा करेक्शन है तो वो करेक्शन करके और जो छः था उसको सोलह राज्य हो जाएगा ये दोनों करेक्शन करके पी हम अपलोड कर देंगे जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अभियान या शुभम गुप्ता पी पर मिल जाएगी दोस्तों आई रियली होप कि ये पूरी यूनिट पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा और अच्छे से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए होंगे अब आपका काम बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम आपको सॉल्व करना है और इकाई दो यूनिट टू से आप निश्चिंत हो जाइए कल से दोस्तों हम दसवीं इकाई पढ़ना शुरू करेंगे और राज्य सॉरी भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी पहली क्लास होगी सबसे पहले के पंद्रह मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि आयोग क्या होते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फिर हम भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू करेंगे एक और बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या अन अकेडमी पर कोई स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं प्लीज़ आप मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए एस जी लाइव इस कोड को यूज़ करने के बाद आप स्पेशल क्लास भी देख पाएंगे और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको 10 प्रतिशत का डिस्काउंट भी मिलेगा सो so, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं